Hello everyone, this is one short video of file handling as per the syllabus given by Qt Domain CSIP. So let us start with what is a file. File kya hoti hai? Okay, jab aap computer pe koi bhi kaam karte ho, ओके पर आप उसे सेव नहीं करते हो तो क्या होता है, नेक्स्ट टाइम जब आप अपना सिस्टम स्टार्ट करते हो, अपना कंप्यूटर या लैपटॉप जो भी है उसको स्टार्ट करते हो, तो वो वर्क क्या होता है, आपको नहीं मिलता, राइट? क्योंकि वर्क की जो भी आप वर्क कर रहे हो उसकी प्रोसेसिंग होती है वो टेम्परेरी होती है. अगर आपने उसको सेव नहीं किया है तो वो आपको नहीं मिलेगा, राइट? तो अगर आपका कोई इम्पोर्टेंट वर्क है और आप चाहते हो कि वो आपके कंप्यूटर में स्टोर रहे, तो आप क्या करते हो, उसको सेव करते हो. तो वट एवर वर्क वी आर डूइंग वो किस फॉर्म में सेव होता है, वो फाइल की फॉर्म में सेव होता है, राइट? और कहाँ पे जाके सेव होता है, आपके सेकेंडरी स्टोरेज में जाके सेव होता है. सेकेंडरी स्टोरेज मीन्स आपकी हार्ड ड्राइव में जाके वो सेव होता है, राइट? तो फाइल क्या है, फाइल इज अ नेम्ड लोकेशन. और जब भी आप अपने वर्क को, अपने डॉक्यूमेंट को सेव करोगे, तब आपको उसका एक पर्टिकुलर नेम देना होता है. ओके, तो फाइल क्या है, फाइल एक नेम्ड लोकेशन है ऑन अ सेकेंडरी स्टोरेज मीडिया, राइट? आपकी फाइल कहाँ जाके स्टोर हो रही है, आपकी फाइल स्टोर हो रही है सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस में, राइट? ओके, आपकी हार्ड ड्राइव में, और उस फाइल का एक पर्टिकुलर नेम होता है. वेयर डेटा इज परमानेंटली स्टोर्ड फॉर लेटर एक्सेस. और आपकी फाइल में क्या होता है, डेटा को आप परमानेंटली स्टोर कर देते हो जिससे कि आप उसको बाद में यूज कर सको, उसको बाद में एक्सेस कर सको. आपकी फाइल तब तक डिलीट नहीं होगी जब तक कि आप खुद उसको डिलीट नहीं करते हो या फिर आपका सिस्टम करप्ट होके उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आ जाती है, राइट? ओके, नाउ कंप्यूटर्स स्टोर एवरी फाइल एज अ कलेक्शन ऑफ जीरोस एंड वंस दैट इज इन बाइनरी फॉर्म. अब देखो हम लोग क्या करते हैं, हम तो अपनी लैंग्वेज में, जो भी आप लैंग्वेज यूज कर रहे हो, इंग्लिश में, राइट, आपने 1 2 3 नंबर्स को यूज किया, आपने अल्फाबेट्स को यूज किया, उसमें आपकी फाइल बनी है, राइट? ओके, लेकिन कंप्यूटर इंटरनली फाइल्स को कैसे स्टोर करता है? आप तो अपने लैंग्वेज में कुछ भी अपने डॉक्यूमेंट्स क्रिएट करोगे, राइट? या फिर आपने पिक्चर को सेव किया है, आपने वीडियो को सेव किया है, राइट? वो क्या है, ह्यूमन रीडेबल है, ओके? बट कंप्यूटर्स इंटरनली जितनी भी फाइल्स होती है उसको किस फॉर्म में स्टोर करते हैं, उसे बाइनरी फॉर्म में स्टोर करते हैं. बाइनरी फॉर्म क्या होता है, 0 एंड 1 की फॉर्म में स्टोर किया जाता है, राइट? सिंगल 0 या सिंगल 1 को आप बिट बोलते हो, ओके? Therefore, every file is basically just a series of bytes stored one after the other. तो अगर देखा जाए तो files क्या है, files क्या है, series of bytes, bytes की series है, right? आपके 8 bits मिलके क्या बनते हैं, 1 byte बनता है, okay? 8 bits आप join करके क्या बनाते हो, 1 byte, right? तो 8 bits में आपके क्या आते हैं, 0 1 आते हैं, okay? तो यहाँ पे ये क्या कह रहे हैं, फाइल इज बेसिकली जस्ट अ सीरीज ऑफ बाइट्स. तो फाइल क्या है, सीरीज है, मतलब 1 byte आया, फिर 2nd byte, 3rd byte, 4th byte, ऐसे आपका डेटा इंटरनली स्टोर होता है कंप्यूटर के अंदर. ओके, नाउ देयर आर मेनली 2 टाइप्स ऑफ डेटा फाइल्स. अब जब हम डेटा फाइल्स की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे हम 2 मेन टाइप की फाइल्स की को लेंगे, टेक्स्ट फाइल एंड बाइनरी फाइल, राइट? Now we have characteristics of text file. Okay, a text file can be understood as a sequence of characters consisting of alphabets, numbers, and other special symbols. Okay, तो text file क्या है? Sequence of characters है. उसके अंदर आप alphabets का use कर सकते हो, numbers का use कर सकते हो, symbols का use कर सकते हो. Okay, files with extensions like .txt, .py, .csv. एक्सेट्रा आर सम एग्जाम्पल्स ऑफ टेक्स फाइल. तो टेक्स फाइल के एग्जाम्पल्स क्या है, आपकी टेक्स फाइल, ओके, जिसकी एक्सटेंशन होती है .txt, राइट, पाइथन फाइल्स .py, आपकी csv फाइल्स, ओके, कोमा सेपरेटेड वैल्यू फाइल्स, ओके, तो ये सारी क्या है, आपकी टेक्स फाइल्स है, राइट? वेन वी ओपन अ टेक्स फाइल यूजिंग अ टेक्स एडिटर, फॉर एग्जाम्पल Notepad, वी सी सेवरल लाइन्स ऑफ टेक्स. ओके, तो ये क्या कह रहा है कि जब आप टेक्स फाइल को ओपन करते हो किसी भी टेक्स एडिटर को यूज करके, यहाँ पे हमने Notepad का एग्जाम्पल लिया है, तो आप क्या देखते हो, बहुत सारे लाइन्स ऑफ आप टेक्स देखते हो, राइट? जो भी आपने उसके अंदर स्टोर किया हुआ है वो आपके पास आ जाएगा, राइट?
However, the file contents are not stored in such a way internally, rather they are stored in a sequence of bytes consisting of zeros and one. तो ये मैंने आपको बताया है कि लेकिन कंप्यूटर फाइल्स को कैसे स्टोर करता है, बाइनरी फॉर्म में स्टोर करता है, जीरो एंड वन की फॉर्म में स्टोर करता है. ओके, इंटरनली ये बाइनरी फॉर्म में जो भी फाइल्स होती है वो बाइनरी फॉर्म में स्टोर होती है कंप्यूटर के अंदर, राइट. पाइथन यूजेस ट्रेडिशनल ASCII कैरेक्टर सेट. ओके, अब ASCII कैरेक्टर सेट क्या होता है, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, राइट. ये क्या है आपका कैरेक्टर सेट है जिसमें कितने कैरेक्टर्स को सपोर्ट करता है, 128 कैरेक्टर्स को सपोर्ट करता है, फाइन. तो पाइथन ASCII कैरेक्टर सेट को भी फॉलो करता है. ओके, उसको यूज करता है. उसको यूज करने का मतलब ASCII कैरेक्टर सेट के अंदर जितने भी कैरेक्टर्स हैं वो पाइथन क्या करता है, यूज करता है. ओके, इट ऑल्सो रिकॉग्नाइज द यूनिकोड कैरेक्टर सेट. पाइथन यूनिकोड कैरेक्टर सेट को भी फॉलो करता है, ठीक है. यूनिकोड कैरेक्टर सेट क्या होता है, यूनिवर्सल कैरेक्टर सेट. इसको यूनिवर्सल क्यों कहा जाता है, क्योंकि ये बहुत सारी रीजनल लैंग्वेजेस के भी कैरेक्टर्स को कंटेन करता है, फाइन. द ASCII कैरेक्टर सेट इज अ सबसेट ऑफ यूनिकोड कैरेक्टर सेट. तो ये ASCII क्या है, इसका सबसेट है. ओके, नाउ अ टेक्स्ट फाइल स्टोर्स इंफॉर्मेशन इन द फॉर्म ऑफ अ स्ट्रीम ऑफ ASCII और यूनिकोड कैरेक्टर्स. तो टेक्स्ट फाइल कैसे इंफॉर्मेशन स्टोर करती है, या तो ASCII कैरेक्टर्स की फॉर्म में इंफॉर्मेशन को स्टोर करती है, या फिर यूनिकोड कैरेक्टर्स की फॉर्म में इंफॉर्मेशन को स्टोर करती है, फाइन. समझ आ गया, टेक्स्ट फाइल क्या है, टेक्स्ट फाइल सीक्वेंस है, सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स, नंबर्स, स्पेशल सिंबल्स, राइट. एक्सटेंशन टेक्स्ट फाइल की क्या हो सकती है, डॉट txt, डॉट py, डॉट csv एसेट्रा, राइट. और इंटरनली कैसे स्टोर होती है, इंटरनली टेक्स्ट फाइल बाइनरी फॉर्म में स्टोर होती है इन द फॉर्म ऑफ जीरोज एंड वन, राइट. ओके, इन टेक्स्ट फाइल्स each line of text is terminated with a special character known as EOL, end of line character. तो ये क्या कह रहा है कि text file में जो lines होती हैं, right? वो terminate कैसे होती है, वो finish कैसे होती है, वो एक special character से finish होती है जिसको हम बोलते हैं end of line character. ओके, तो जितनी भी lines होती हैं वो कहाँ पे finish होती है, end of line character पे जाकर finish होती है text file के अंदर. ओके, इन टेक्स्ट फाइल सम इंटरनल ट्रांसलेशन टेक्स प्लेस व्हेन दिस एंड ऑफ लाइन कैरेक्टर इज रीड और रिटन. आपने एंड ऑफ लाइन कैरेक्टर का यूज किया, ठीक है, एक लाइन के बाद. तो जैसे ही एंड ऑफ लाइन कैरेक्टर कुछ भी हो सकता है, स्लैशन हो सकता है या जो भी अकॉर्डिंग टू द लैंग्वेज यू आर यूजिंग. ओके, तो टेक्स्ट फाइल के अंदर जहां पे एंड ऑफ लाइन कैरेक्टर आया तो क्या होता है, कंट्रोल कहां चला जाता है, नेक्स्ट लाइन में चला जाता है. ओके, इट डिस्प्लेस द रिमेनिंग फाइल कंटेंट स्टार्टिंग फ्रॉम अ न्यू लाइन. ओके, द डिफॉल्ट एंड ऑफ लाइन कैरेक्टर इन पाइथन इज द न्यू लाइन कैरेक्टर. और पाइथन में अगर आपको एक लाइन का एंड करके नेक्स्ट लाइन में जाना है तो आप किसका यूज करते हो, स्लैश एंड का यूज करते हो. ओके, कंटेंट्स इन अ टेक्स्ट फाइल आर यूजली सेपरेटेड बाय वाइट स्पेस, बट कोमा एंड टैब आर ऑल्सो कॉमनली यूज टू सेपरेट वैल्यूज इन अ टेक्स्ट फाइल. टेक्स्ट फाइल के अंदर कंटेंट को सेपरेट करने के लिए आप स्पेस का, वाइट स्पेस का यूज करते हो बाय यूजिंग द स्पेस बार. ओके, आप इसके अंदर कोमा एंड टैब का भी यूज कर सकते हो. ओके, वैल्यूज को सेपरेट करने के लिए. मैं आपको यहाँ पे टेक्स्ट फाइल क्रिएट करके बताती हूँ. राइट क्लिक करो. ओके, हमने न्यू पे क्लिक किया एंड देन हमने यहाँ पे टेक्स्ट डॉक्यूमेंट पे क्लिक कर दिया. आगे आपका टेक्स्ट डॉक्यूमेंट, आप यहाँ पे कुछ भी इसका नेम दे दो, abc.txt, राइट. नाउ ओपन किया, ओपन करने के बाद आपको जो भी इसमें टेक्स्ट लिखना है आप लिख सकते हो. ये आपकी टेक्स्ट फाइल है, हाउ आर यू ऑल, फाइन. और इसको ऑलरेडी हम सेव कर चुके हैं, कंट्रोल एस फिर से कर देते हैं एंड देन क्लोज. ओके, दिस इज योर टेक्स्ट फाइल, इसको ओपन करके देखते हैं, राइट. ये आपका डेटा आपने इसमें स्टोर किया है, हाउ आर यू ऑल, ओके क्वेश्चन मार्क, फाइन. ऐसे आप अपनी टेक्स्ट फाइल को क्रिएट कर सकते हो.
नाउ वी हैव कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बाइनरी फाइल्स, राइट। बाइनरी फाइल्स की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं? अ बाइनरी फाइल स्टोर्स इंफॉर्मेशन इन द फॉर्म ऑफ अ स्ट्रीम ऑफ बाइट्स, दैट इज 0 एंड 1। बाइनरी फाइल किस फॉर्म में इंफॉर्मेशन को स्टोर करती है? वो बाइनरी फॉर्म में इंफॉर्मेशन को स्टोर करती है इन द फॉर्म ऑफ बाइट्स, राइट। बाइट्स, 1 byte इज इक्वल टू 8 bits, राइट। तो ये जो आपके बिट्स हैं वो कंबाइन होके बाइट्स बनते हैं, और नंबर ऑफ बाइट्स कंबाइन टुगेदर टू क्रिएट अ बाइनरी फाइल, राइट। आप बाइनरी फाइल क्या है? एक सीक्वेंस है, एक स्ट्रीम है, जहां पे बहुत सारे बाइट्स को स्टोर किया गया है, फाइन। ओके, बाइनरी फाइल रिप्रेजेंट द एक्चुअल कंटेंट सच एज। बाइनरी फाइल कौन सा कंटेंट रिप्रेजेंट करते हैं? इमेज, ऑडियो, वीडियो, कंप्रेस्ड वर्जन ऑफ अदर फाइल्स, एग्जीक्यूटेबल फाइल्स एक्सेट्रा, राइट। तो बाइनरी फाइल आपको क्या शो, कौन सा कंटेंट सेव करती है, कौन सा कंटेंट वो प्रेजेंट करते हैं? इमेज, ऑडियो फाइल्स, मल्टीमीडिया फाइल्स, वीडियो एक्सेट्रा, फाइन। दीज फाइल्स आर नॉट ह्यूमन रीडेबल। अब बाइनरी फाइल क्या है? बाइनरी फॉर्म में होती है, 0 एंड 1 की फॉर्म में होती है, तो वो क्या है? ह्यूमन रीडेबल नहीं है। आपकी टेक्स्ट फाइल ह्यूमन रीडेबल है, बट बाइनरी फाइल ह्यूमन रीडेबल नहीं है, ओके। दस ट्राइंग टू ओपन अ बाइनरी फाइल यूजिंग अ टेक्स्ट एडिटर विल शो सम गार्बेज वैल्यू। वी नीड स्पेसिफिक सॉफ्टवेयर टू रीड और राइट द कंटेंट ऑफ अ बाइनरी फाइल। तो आप क्या करोगे? अगर आप बाइनरी फाइल को किसी टेक्स्ट एडिटर में ओपन करने की कोशिश करोगे तो क्या होगा? वो आपको गार्बेज वैल्यू शो करेगी, मतलब गार्बेज मतलब कुछ भी उल्टी सीधी वैल्यूज आ जाएंगी, ओके। तो जो बाइनरी फाइल्स होती है वो एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक सॉफ्टवेयर में ही ओपन होती हैं, जैसे आपकी इमेज फाइल्स हैं, राइट। उनके लिए वो इमेज सॉफ्टवेयर के अंदर ओपन होगी, राइट। ऑडियो फाइल्स है उसके ऑडियो सॉफ्टवेयर के अंदर, जैसे VLC मीडिया प्लेयर के अंदर ऑडियो फाइल्स और वीडियो फाइल्स ओपन होंगी, ओके। तो ये इनके स्पेसिफिक सॉफ्टवेयर्स होते हैं जिनके अंदर ये ओपन होती है। आप अगर इनको टेक्स्ट एडिटर में ओपन करोगे तो क्या होगा? गार्बेज वैल्यू आएगी, फाइन। मैं आपको ये करके दिखाती हूँ। अब ये देखो हमारे पास इमेज फाइल है, अगर मैं इसको क्लिक करती हूँ तो ये आपकी ओपन हो गई है, इमेज फाइल आ गई है, राइट, ओके। या फिर हम इसको करते हैं ओपन विथ, इसको मैं कर देती हूँ फोटोज में, ठीक है। एक पर्टिकुलर एप्लीकेशन में ये ओपन होगा, और ओपन विथ फोटोज में कर दिया मैंने इसको ओपन, राइट। ये कौन सी जो आपकी इमेज फाइल है, कौन सी फाइल है? बाइनरी फाइल है, राइट। अब मैं अगर इसको टेक्स्ट एडिटर में ओपन करने की कोशिश करती हूँ, मैंने इसको नोटपैड में ओपन किया तो क्या हुआ? देखो गार्बेज वैल्यू आ गई है, कुछ भी उल्टा सीधा आ गया है, गार्बेज वैल्यूज आई है, राइट। तो क्या है, आपकी जो बाइनरी फाइल्स है वो उसको आप पर्टिकुलर जो उनके लिए एप्लीकेशंस है, जो अगर इमेज है तो आप उसको इमेज एप्लीकेशंस में ओपन करोगे, आपकी वीडियो है, ऑडियो है, आप उसको जैसे VLC मीडिया प्लेयर है उसके एक एप्लीकेशन जो उसको क्या करती है, प्ले करती है, फाइन, इसमें ओपन कर सकते हो। आप टेक्स्ट एडिटर में ओपन करोगे तो क्या शो करेगा? वो गार्बेज वैल्यू को शो करेगा। नाउ इन बाइनरी फाइल देयर इज नो डिलिमिटर फॉर अ लाइन। तो बाइनरी फाइल में लाइन को स्टॉप करने के लिए, एंड करने के लिए कोई भी स्पेशल करेक्टर यूज नहीं होता, कोई भी डिलिमिटर यूज नहीं होता। जैसे टेक्स्ट फाइल में एंड ऑफ लाइन करेक्टर यूज होता है, यहाँ पे एंड ऑफ लाइन, कोई भी एंड ऑफ लाइन करेक्टर यूज नहीं होता है, ओके। No translations occur in binary files because it contains information in the same format in which the information is held in the memory. अब text file का क्या होता है? Translation होता है from human readable language to machine language, from human readable language to binary language, right? लेकिन बाइनरी फाइल्स क्या है? बाइनरी फॉर्म में ही स्टोर होती है, ओके। जैसे और मेमरी में भी क्या होता है? बाइनरी फॉर्म में ही स्टोर होती है, तो यहाँ पे कोई ट्रांसलेशन नहीं होगा, राइट। बाइनरी फाइल का ट्रांसलेशन नहीं होता, क्योंकि वो ऑलरेडी इंफॉर्मेशन किस फॉर्म में स्टोर करती है? वो 0 एंड 1 की फॉर्म में ही स्टोर करती है, वो बाइनरी फॉर्म में ही इंफॉर्मेशन को स्टोर करती है, इसलिए बाइनरी फाइल की ट्रांसलेशन की रिक्वायरमेंट नहीं है, राइट, क्योंकि वो बाइनरी फॉर्म में ही डेटा को स्टोर करती है। Now we have difference between text files and binary files. Okay, text files and binary files में क्या difference है? Now text files store information in ASCII or Unicode characters. Text file किस form information को store करते हैं? ASCII characters में या Unicode characters में? दोनों क्या है? Character sets हैं. Okay. बाइनरी फाइल स्टोर इन्फॉर्मेशन इन द फॉर्म ऑफ 0s and 1। बाइनरी फाइल किस फॉर्म में डेटा को स्टोर करती है? इन द फॉर्म ऑफ 0 एंड 1, राइट, ओके, इन बाइनरी फॉर्म,
ओके टेक्स्ट फाइल, टेक्स्ट फाइल कैन स्टोर ओनली प्लेन टेक्स्ट। टेक्स्ट फाइल में क्या है, आप प्लेन टेक्स्ट को ही स्टोर कर सकते हो, ओके कैरेक्टर्स को, नंबर्स को, सिंबल्स को ही आप स्टोर कर सकते हो। बाइनरी फाइल्स कैन स्टोर डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेटा, बट बाइनरी फाइल में आप डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स का डेटा स्टोर कर सकते हो, आप ऑडियो, टेक्स्ट, इमेज, ओके ये सारा आप स्टोर कर सकते हो। एक पर्टिकुलर सिंगल फाइल में भी आप कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल स्टोर कर सकते हो, मतलब ऑडियो, टेक्स्ट, इमेज, राइट। टेक्स्ट, इन टेक्स्ट फाइल ईच लाइन इज टर्मिनेटेड यूजिंग अ स्पेशल कैरेक्टर कॉल्ड एंड ऑफ लाइन कैरेक्टर। जब आप टेक्स्ट फाइल का यूज कर रहे हो तो वहां पे आपको लाइन को ऐड करने के लिए एंड ऑफ लाइन कैरेक्टर का यूज करना होता है, राइट। लेकिन बाइनरी फाइल में ऐसे किसी भी डिलिमिटर का यूज नहीं किया जाता लाइन को एंड करने के लिए, ओके ओके। टेक्स्ट फाइल widely used file format and can be opened in any text editor, right? So text file हम इसका क्या है, बहुत widely use है, हम इसको use करते हैं, okay? And can be opened in any text editor. आप text file को किसी भी text editor में open कर सकते हो, okay? Now binary file developed for an application and can be opened in that application only. तो binary file से एक particular application के लिए ही बनाई जाती है और उसी application में आप उसको open कर सकते हो। जैसे मैंने अभी आपको बताया था, आपको audio चलाना है, आपको music play करना है, video play करनी है, तो आप किसके अंदर, VLC media player के अंदर उसको करोगे। अगर आप उसको text editor में open करने लग जाओगे तो क्या होगा, वो नहीं चलेगी, it will show you garbage value, right? Now, text file mostly .txt and .rtf are used as extensions to text file. तो text file की जो mostly extensions use की जाती हैं, वो .txt है text file और क्या है .rtf, rich text format files, okay? और binary files में क्या होता है, application defined extensions होती हैं, जैसे आपकी अगर image है तो .gif आ जाएगी, okay? और डिफरेंट डिफरेंट इमेज एक्सटेंशन यूज होंगी उसके अंदर। आपकी वीडियो है तो .mp4 आ जाएगी, राइट। तो यहाँ पे क्या होता है, एप्लीकेशन जैसी एप्लीकेशन होगी उसी उसकी फाइल वैसी ही एक्सटेंशन को यूज करती है, राइट। ओपनिंग अ टेक्स्ट फाइल, आप टेक्स्ट फाइल को कैसे ओपन कर सकते हो, राइट। देयर आर टू मेथड्स टू ओपन अ टेक्स्ट फाइल। टेक्स्ट फाइल को ओपन करने के लिए हमारे पास दो मेथड्स हैं। फर्स्ट वन इज यूजिंग ओपन फंक्शन, ओके आप ओपन फंक्शन का यूज करके टेक्स्ट फाइल को ओपन कर सकते हो। सेकेंड इज यूजिंग विद क्लॉज, और आप विद क्लॉज का यूज करके टेक्स्ट फाइल को ओपन कर सकते हो। फर्स्ट मेथड इज ओपनिंग अ फाइल यूजिंग ओपन फंक्शन। To open a file in Python, we use open function. Text file को open करने के लिए Python में open function का use किया जाता है. Syntax of open function is as follows, right? तो यहाँ पे syntax दिया हुआ है, file object equals to open function, and open function में आपने उस file का नाम pass किया है जिसको आपको open करना है, right? तो यहाँ पे जो file object है ये क्या बन जाता है, उस file के लिए एक link बन जाता है, या फिर आप कह सकते हो reference बन जाता है, right? ये उस file से connect हो जाता है और आपको file के साथ जो भी function करना हो, आपको उसको open करना है या file से related आपको information चाहिए, वो आप किसकी help से आपको मिलेगी, file object की हेल्प से आपको मिलेगी। इसको हम लेटर ऑन पढ़ेंगे, राइट। तो यहाँ पे देखो, फर्स्ट जो सिंटेक्स दिया है, फाइल ऑब्जेक्ट इक्वल्स टू ओपन, एंड ओपन फंक्शन में आपने उस फाइल का नाम पास कर दिया जो आपको ओपन करनी है, राइट। यहाँ पे आपने एक्सेस मोड डिफाइन नहीं किया है, तो बाय डिफॉल्ट फाइल किस एक्सेस मोड में ओपन होगी, रीड मोड में ओपन होगी, आप उसमें से डेटा को रीड कर सकते हो, राइट। नाउ सेकंड जो सिंटेक्स है, फाइल ऑब्जेक्ट इक्वल्स टू ओपन फाइल नेम एंड एक्सेस मोड, राइट। आपने ओपन फंक्शन के अंदर टू पैरामीटर्स को पास किया है, फाइल का नाम, जो वो फाइल जो आपको ओपन करनी है, एक्सेस मोड मतलब किस पर्पस के लिए आपको फाइल को ओपन करना है, रीड करना है, राइट करना है, दोनों फंक्शन करने हैं, ओके। अब देखो, फाइल ऑब्जेक्ट का दूसरा नाम फाइल हैंडल भी है, राइट। फाइल नेम या फाइल पाथ, ओके। फाइल नेम आप कब दोगे, जब आपकी फाइल पाइथन की ही डायरेक्टरी में सेव है, ओके जहां पे पाइथन के सारे प्रोग्राम्स, जो भी आप पाइथन के प्रोग्राम्स बनाते हो, क्रिएट करते हो, ओके वो बाय डिफॉल्ट जिस डायरेक्टरी में जाके सेव होते हैं। अगर आपका फाइल उसी डायरेक्टरी में सेव है तो आपको सिंपली फाइल का नेम देना होगा, राइट। अदरवाइज आपको कंप्लीट पाथ देना होगा अगर वो किसी डिफरेंट पोजीशन पे वो लोकेटेड है, राइट। एक्सेस मोड ऑफ अ फाइल, राइट।
अब हमारे पास एग्जाम्पल F1 इक्वल्स टू ओपन abc.txt, हम लोग क्या कर रहे हैं, abc.txt फाइल को ओपन कर रहे हैं। अब यहाँ पे abc.txt जो आप फाइल ओपन कर रहे हो वो कहाँ होगी, वो सेम डायरेक्टरी के अंदर होगी। ओके, तो यहाँ पे आपको इसलिए पूरा नेम नहीं देना पड़ा, पूरा उसका पाथ नहीं देना पड़ा, राइट। आपने सिर्फ क्या दिया, नेम एंड उसकी एक्सटेंशन, राइट। और एक्सेस मोड डिफाइन नहीं किया है, तो बाय डिफॉल्ट वो कौन से एक्सेस मोड में आएगी, वो रीड मोड में आएगी। ओके, नाउ पाइथन विल लुक फॉर दिस फाइल इन द करेंट वर्किंग डायरेक्टरी। पाइथन कहाँ पे देखेगा, करेंट वर्किंग डायरेक्टरी, जो पाइथन की डिफॉल्ट डायरेक्टरी है जहां पे वो अपने खुद के प्रोग्राम्स को सेव करता है, राइट। दिस स्टेटमेंट ओपन्स फाइल्स abc.txt इन द रीड मोड। ओके, इस फाइल को वो कौन से मोड में ओपन करेगा, रीड मोड में, एंड अटैचेस इट टू द फाइल ऑब्जेक्ट। और इस फाइल को किससे अटैच कर देगा, किससे लिंक कर देगा, फाइल हैंडल से, जो ये हमारा फाइल ऑब्जेक्ट है, नेमली F1, ठीक है। यहाँ पे आपका फाइल हैंडल का नाम क्या है, F1। ओके, इफ द फाइल डज नॉट एग्जिस्ट, द अबव स्टेटमेंट क्रिएट्स अ न्यू एम्प्टी फाइल एंड असाइंस इट द नेम वी स्पेसिफाई इन द स्टेटमेंट। अगर आपने किसी फाइल का नेम दिया, राइट, ओपन फंक्शन के अंदर आपने कोई भी फाइल पास की, लेकिन वो फाइल क्या है, एग्जिस्ट नहीं करती है, तो क्या होगा, इस स्टेटमेंट की हेल्प से, मान लो एबीसी फाइल आपकी एग्जिस्ट नहीं करती है, ओके, तो क्या होगा, जो आपने स्टेटमेंट दी हुई है उसकी हेल्प से क्या होगा, एक न्यू फाइल क्रिएट हो जाएगी एबीसी नेम से, एक न्यू एम्प्टी फाइल, क्योंकि उसके अंदर डेटा नहीं होगा, न्यू फाइल क्रिएट होगी, ओके, बाय द नेम एबीसी, राइट। ओके, और किससे कनेक्ट हो जाएगी, F1 हैंडल से हो जाएगी, राइट। और एग्जाम्पल्स देख लेते हैं, एग्जाम्पल 2 आपका फाइल हैंडल है यहाँ पे F2, ओके, इक्वल्स टू ओपन, आपने क्या ओपन कराई है यहाँ पे, फाइल data.txt, राइट, ओपन फंक्शन के अंदर आपने data.txt फाइल को पास कराया, राइट, किस मोड में, रीड मोड में, राइट। अगर R नहीं, अगर आप स्पेसिफाई करते तो बाय डिफॉल्ट भी क्या होता है, रीड मोड ही होता है, ओके। द अबव स्टेटमेंट ओपन्स द फाइल data.txt इन द रीड मोड बिकॉज R given as the mode and attaches it to the file object namely F2, ठीक है। ये फाइल किससे अटैच हो जाएगी, जाके फाइल हैंडल के साथ अटैच हो जाएगी, राइट। द एग्जाम्पल 3 F3 equals to open। अब यहाँ पे देखो, आपने फाइल को पाइथन की डिफॉल्ट डायरेक्टरी में सेव नहीं किया है, कहीं और किया है, तो आपने पूरा पाथ दिया है, राइट, ओके, और आपने एक्सेस मोड स्पेसिफाई किया। अब क्या है, पाथ में जब आप बैक स्लैश, आप देखते हो क्या होता है, सिंगल बैक स्लैश होते हैं, बट यहाँ पे क्या, डबल बैक स्लैश आया हुआ है, ठीक है। ये आपने एक्सप्लिसिटली, मतलब खुद से लगाया है, क्यों लगाया है, देखो, द स्लैशेस इन द पाथ आर डबल्ड बिकॉज स्लैशेस हैव स्पेशल मीनिंग एंड टू सप्रेस दैट स्पेशल मीनिंग डबल स्लैश इज गिवन। क्योंकि क्या होता है, मान लो स्लैश के बाद जो सिंगल स्लैश है उसके बाद टी आ गया, तो इसका मीनिंग क्या हो जाएगा, इसका मीनिंग टैब हो जाएगा, टैब करेक्टर, ओके, या फिर स्लैश के बाद डी आ गया, जैसे मैंने यहाँ पे डेटा, इसका नेम दिया है फाइल का, तो स्लैश के बाद, अगर सिंगल स्लैश के बाद डी आ गया तो इसका क्या मीनिंग हो जाएगा, इसका मीनिंग हो जाएगा न्यूमरिक डेटा, ओके, जो C++ में क्या होता है, डी का मीनिंग न्यूमरिक डेटा होता है, राइट, या सम एरर, या फिर कुछ एरर मीनिंग होता है, फाइन। तो इसको अवॉइड करने के लिए आप क्या करते हो, सिंगल स्लैश को खुद से डबल कर देते हो, राइट। अब यहाँ पे देखो, पाइथन विल लुक फॉर दिस फाइल इन द ई ड्राइव एंड ओपन इट इन रीड मोड। पाइथन इसको ई ड्राइव में फाइंड आउट करेगा और इसको रीड मोड में ओपन करेगा, एंड अटैचेस इट टू द फाइल ऑब्जेक्ट F3, और इस फाइल को किससे अटैच कर देगा, F3 फाइल ऑब्जेक्ट के साथ, फाइन, ओके। तो ये समझ में आ गया कि आप डबल स्लैश क्यों लगाते हो, जिससे कि जो सिंगल स्लैश से मीनिंग क्रिएट होता है, स्पेशल मीनिंग क्रिएट होता है, वो क्रिएट ना हो, ओके। नाउ हाउएवर, इफ यू वांट टू राइट विद सिंगल स्लैश, यू मे राइट इट इन रो स्ट्रिंग। अगर आप चाहते हो कि सिंगल स्लैश के साथ आप लिख सको, फाइन, आपको इसे डबल ना करना पड़े, आपको उसको डबल ना करना पड़े, यहाँ पे आपको सिर्फ सिंगल स्लैश का ही यूज करना पड़े, फाइन, तो आप किसका यूज कर सकते हो, आप रो स्ट्रिंग का यूज कर सकते हो। रो स्ट्रिंग क्या है, आप जो भी आपका आया एड्रेस, जो भी फाइल की लोकेशन है, ओके, उसके आगे आपको आर लगाना है, आर प्रीफिक्स लगाना है, ठीक है। द प्रीफिक्स आर इन फ्रंट ऑफ अ स्ट्रिंग मेक्स इट रो स्ट्रिंग। जब आप प्रीफिक्स आर लगा देते हो किसी भी स्ट्रिंग के आगे, वो इसको रॉ स्ट्रिंग बना देती है। दैट मींस देयर इज नो स्पेशल मीनिंग अटैच्ड टू एनी करेक्टर। मींस ये इस स्ट्रिंग के अंदर किसी भी करेक्टर का कोई भी स्पेशल मीनिंग नहीं होगा, चाहे आप स्लैश टी लिखो, चाहे आप स्लैश डी लिखो, कोई भी आप करेक्टर हो, उसका कोई भी स्पेशल मीनिंग नहीं होगा, क्योंकि आपने इस
स्ट्रिंग से पहले क्या लगा दिया है, आर को लगा दिया है। ओके तो यहाँ पे ओपन फंक्शन का यूज करके हम लोग क्या करेंगे, फाइल को ओपन करेंगे। फाइन, तो यहाँ पे मैंने फाइल हैंडल ले दिया। पहले हम लेते हैं कमेंट यूजिंग ओपन फंक्शन, राइट। तो आप यहाँ पे क्या लोगे, फाइल हैंडल, फाइल हैंडल मैंने लिया F1 ओपन, राइट। मैं कौन सी फाइल को ओपन कराना चाहती हूँ, abc.txt, राइट। अब देखो मैंने यहाँ पे फाइल का नेम दिया है ओनली, तो ये जो मेरी फाइल बनी हुई है वो कहाँ पे है, वो पाइथन की डिफॉल्ट डायरेक्टरी में सेव है। ओके, जहाँ पे पाइथन के सारे प्रोग्राम सेव होते हैं ये फाइल वही है, राइट। तो इसलिए मुझे इसका कंप्लीट लोकेशन देने की जरूरत नहीं है, राइट। अब आपने क्या किया, str एक वेरिएबल ले लिया और आपने फाइल हैंडल डॉट एफ वन डॉट रीड फंक्शन दे दिया। रीड फंक्शन से मैं क्या करा रही हूँ, एबीसी फाइल के 30 करेक्टर्स, यहाँ पे हम 30 करेक्टर्स लेते हैं, 40 जितने भी आपको करेक्टर्स रीड कराने हैं वो हम लोग रीड करा रहे हैं, राइट। रीड 30 एंड देन आपने दे दिया प्रिंट फंक्शन, प्रिंट करके आप इसको प्रिंट करा दो। 30 करेक्टर्स रीड करा के आपने इनको प्रिंट करा दिया। तो फर्स्ट स्टेटमेंट में आपने फाइल को ओपन किया, abc.txt फाइल को ओपन किया, ओके। वो किससे लिंक हो गई, वो आपकी फाइल हैंडल F1 से लिंक हो गई। अब आपने फाइल हैंडल की हेल्प से उसकी 30 करेक्टर्स को रीड किया, वो कहाँ पे जाके स्टोर होंगे, str वेरिएबल में स्टोर होंगे, ओके। और फिर आपने str को प्रिंट करा दिया, फाइन, राइट। अब आप इसको सेव कर लो, कंट्रोल S, सेव कर लिया आपने फाइल को। कोई भी नाम आप दे सकते हो, d1 दे दिया, मान लो मैंने इसका नेम दे दिया d1.py, सेव। अब इसको रन कराते हैं, मेरी f5 फंक्शन की वर्क नहीं करी, तो मैं यहाँ से रन कराती हूँ f5, राइट। तो देखो इसकी जो 30 करेक्टर्स आपने रीड कराए थे वो 30 करेक्टर्स यहाँ पे आ गए, द थर्स्टी क्रो आफ्टर फ्लैंग, ओके। नेक्स्ट मैं यहाँ पे क्या करती हूँ, सेकेंड जो पैरामीटर है ओपन फंक्शन का उसको यूज कर लेती हूँ, एक्सेस मोड। तो मैंने यहाँ पे एक्सेस मोड दे दिया, रीड मोड, राइट। और f1.read में मैं क्या करती हूँ, इसको यहाँ से 30 करेक्टर्स हटा देती हूँ, ओके। f1.read फंक्शन, अब मैंने सिंपल रीड फंक्शन दे दिया है विदाउट एनी आर्ग्यूमेंट, तो क्या होगा, ये कंप्लीट फाइल को रीड करके मुझे दे देगा, फाइन। यहाँ पे क्या हो जाएगी, मेरी कंप्लीट फाइल रीड हो जाएगी, ओके। अब इसको सेव कर लेते हैं हम लोग, फाइन, एंड देन वी विल रन इट। अब देखो कंप्लीट फाइल आपके पास आ गई है, ओके। आपने कंप्लीट फाइल को रीड करा लिया है, ओके। अब मैं किसी डिफरेंट लोकेशन से क्या करती हूँ, फाइल में से डेटा को रीड कराती हूँ। तो मैं यहाँ पे एबीसी फाइल का नेम डिलीट कर देती हूँ और किसी डिफरेंट लोकेशन से फाइल को मैं कॉपी करती हूँ। लेट अस सपोज मैंने ई ड्राइव में कोई टेक्स्ट फाइल बनाई हुई है, उसका डेटा हम यहाँ पे रीड करते हैं, फाइन। तो आप यहाँ से सिंपल लिख भी सकते हो ई, ओके, स्लैश, मेरी फाइल का नेम है डेटा डॉट txt, फाइन, कंट्रोल S, राइट। मैंने यहाँ से, क्योंकि मुझे यहाँ पे पता था, अदरवाइज आप इसका फाइल का लोकेशन क्या कर सकते हो, कॉपी भी कर सकते हो, अभी मैं आपको बताती हूँ कैसे करना है, ओके। तो अब इसको हम क्या करते हैं, रन करा देते हैं, रन। देखो आपकी कंप्लीट स्टोरी आ गई है जो आपकी डेटा फाइल में स्टोर थी, ओके। अदरवाइज अगर आपको इसका फाइल कॉपी करना है तो आप कहाँ जाओगे, ये हमारी डेटा फाइल है, इस पे राइट क्लिक करो, राइट, और प्रॉपर्टीज में जाओ। प्रॉपर्टीज में आपको इसका लोकेशन मिल जाएगा। अभी यहाँ पे सिंपली ई ड्राइव में है, तो आप यहाँ से ई लोकेशन कॉपी करोगे और फाइल का नेम और उसकी एक्सटेंशन, ओके, e/data.txt, राइट। हमारे पास ओपन फंक्शन की कंप्लीट समरी है, पाइथन्स ओपन फंक्शन क्रिएट्स अ फाइल ऑब्जेक्ट। ओपन फंक्शन क्या क्रिएट करता है, एक फाइल ऑब्जेक्ट क्रिएट करता है, विच सर्व्स एज अ लिंक टू अ फाइल रिसाइडिंग ऑन योर कंप्यूटर। वो कैसे काम करता है, फाइल ऑब्जेक्ट एज अ लिंक, ओके, उस फाइल का लिंक बन जाता है जो आपके कंप्यूटर पे है, राइट, जिसको आप ओपन कर रहे हो, उसका एक क्या बन जाता है, फाइल ऑब्जेक्ट उसका लिंक बन जाता है, राइट, उसको एक्सेस करने में हेल्प करता है, ओके। द फर्स्ट पैरामीटर ऑफ द ओपन फंक्शन इज अ पाथ टू द फाइल यू वुड लाइक टू ओपन। जो फर्स्ट पैरामीटर होता है वो क्या होता है, हम पाथ देते हैं या फाइल नेम देते हैं, ओके। इफ जस्ट द फाइल नेम इज given, then Python searches for the file in the current folder. अगर हम सिर्फ फाइल का नेम देते हैं तो Python फाइल को कहाँ सर्च करता है, अपनी करेंट डायरेक्टरी में, अपनी डिफॉल्ट डायरेक्टरी में उस फाइल को सर्च करता है। अदरवाइज अगर आपने कहीं और फाइल को सेव किया है तो आपको उसकी कंप्लीट लोकेशन, कंप्लीट पाथ देना होता है,
ओके. द सेकेंड पैरामीटर ऑफ द ओपन फंक्शन कॉरस्पॉन्ड टू अ मोड विच इज टिपिकली रीड राइट और अपेंड. जो सेकेंड पैरामीटर आप पास करते हो ओपन फंक्शन में वो क्या होता है, एक्सेस मोड होता है कि आप रीड फॉर्म में उस फाइल को ओपन करना चाहते हो, राइट फॉर्म में, या फिर आप अपेंड फॉर्म में उसमें कुछ आप ज्वाइन करना चाहते हो डेटा. ओके. If no second parameter is given, then by default it opens it in the read mode. अगर second parameter आप नहीं देते हो तो by default file किस mode में open होती है, read mode में open होती है. Okay? Now we have second method to open a file. Opening a file using with clause. अब हम file को कैसे open करेंगे, with clause का use करके. Okay? In Python we can also open a file using with clause. The syntax of with clause is, syntax क्या है with clause का, with आपको विद कीवर्ड लगाना है. ओके. ओपन, ओपन में आप फाइल का नेम पास करोगे, एक्सेस मोड आप स्पेसिफाई करोगे एज, ओके, एज फाइल ऑब्जेक्ट. तो आपका फाइल ऑब्जेक्ट यहाँ पे आएगा आफ्टर एज, एज राइट, एज फाइल ऑब्जेक्ट. ओके. जैसे एग्जांपल है विद ओपन, आपने फाइल का नेम पास किया माई फाइल डॉट टी एस टी. ओके. आर प्लस मोड में वो क्या होगी, ओपन होगी. ओके. एज माई ऑब्जेक्ट, माई ऑब्जेक्ट यहाँ पे क्या है, फाइल हैंडल या फाइल ऑब्जेक्ट. फाइन. द एडवांटेज ऑफ यूजिंग विद क्लॉज इज दैट एनी फाइल दैट इज ओपन यूजिंग दिस क्लॉज इज क्लोज्ड ऑटोमेटिकली. मैंने आप जब आपको ओपन फंक्शन का यूज बताया था तो मैंने बोला था कि आप फाइल हैंडल को क्लोज भी करोगे इसके अंदर, राइट. लेकिन विद क्लॉज जब आप यूज करते हो तो आपको क्लोज फंक्शन का यूज करने की जरूरत नहीं है क्योंकि वो अपने आप ही फाइल को ऑटोमेटिकली फाइल को क्लोज कर देता है, राइट. हियर वी डोंट हैव टू क्लोज द फाइल एक्सप्लिसिटली यूजिंग क्लोज स्टेटमेंट. तो ये क्या कह रहा है, यहाँ पे आपको क्लोज स्टेटमेंट देकर उसको खुद से क्लोज करने की जरूरत नहीं है क्योंकि वो बाय डिफॉल्ट अपने आप ही क्लोज हो जाती है फाइल, राइट. पाइथन विल ऑटोमेटिकली क्लोज द फाइल, पाइथन अपने आप फाइल. ओके. तो यहाँ पे हम पहले ओपन फंक्शन का यूज करके देखेंगे, राइट. तो पहले हम ओपन फंक्शन यूज करते हैं using open function, right. अब open function में क्या और with clause में क्या difference है मैं इसको बताती हूँ. आपने open function use किया, okay, और आपने यहाँ पे कोई भी file बनाई, जैसे आपने file name दे दिया, file name आपने दे दिया file five, okay, dot txt, right, और आपने एक्सटेंशन दे दी यहाँ, सॉरी यहाँ पे एक्सेस मोड आपने दिया है राइट मोड. ओके. आप फाइल में कुछ डेटा स्टोर करना चाहते हो, कुछ डेटा राइट करना चाहते हो, फाइन. अब मैंने यहाँ पे फंक्शन दिया एवन डॉट राइट, राइट आप इसमें डेटा राइट करा दो फाइल हैंडलिंग इन Python. Okay. Now we have F1. अब देखो मैंने ओपन की है फाइल बट यहाँ पे मैं क्या करती हूँ, क्लोज फंक्शन का यूज नहीं करती हूँ, राइट. तो उसके बाद हम देखते हैं अगर हम क्लोज फंक्शन का यूज नहीं करते तो क्या हमारा डेटा फाइल के अंदर राइट होता है या नहीं होता है. एक मैंने स्टेटमेंट दे दी प्रिंट डेटा रिटर्न इन अ फाइल named file 5, ठीक है. डेटा हमने कहाँ पे राइट करा है, फाइल 5. इसको हम लोग सेव कर लेते हैं कंट्रोल एस और यहाँ पे हमने इसका नेम दे दिया फाइल का F1 दे देते हैं F1.py. ओके. और इसको हम रन करके देखते हैं, रन. देखो आपका ये स्टेटमेंट तो आ गया डेटा रिटर्न इन अ फाइल नेम्ड F5. अब देखते हैं कि फाइल में डेटा राइट हुआ है या नहीं हुआ है. ओके. देखो आपकी यहाँ पे फाइल 5 क्रिएट हो चुकी है. ओके. अब इसको हम ओपन करके देखते हैं कि इसमें डेटा रीड हुआ है या नहीं हुआ है. ओके. मतलब डेटा राइट हुआ है या नहीं हुआ है. देखो इसमें कोई भी डेटा राइट नहीं हुआ, क्यों, क्योंकि हमने क्लोज फंक्शन का यूज नहीं किया. जब आप ओपन फंक्शन का यूज करते हो और अगर आपको किसी भी फाइल में डेटा को राइट करना है तो आपको क्लोज फंक्शन का भी यूज करना होता है. ओके. तो यहाँ पे डेटा राइट नहीं हुआ क्योंकि हमने क्लोज फंक्शन का यूज नहीं किया है. इसको क्लोज कर देते हैं, फाइन, और अपनी फाइल पे जाते हैं. आप अपनी फाइल पे जाओगे और हम यहाँ पे क्या करेंगे, क्लोज फंक्शन का यूज करेंगे, राइट. यहाँ पे आपने दिया F1.close. ओके. और इसको सेव कर दो. मैं क्या करना है, सेव करना है. हमने F1.close फंक्शन दे दिया और इसको एग्जीक्यूट कराते हैं.
राइट, एग्जीक्यूट हो गया, डेटा रिटर्न इन अ फाइल नेम्ड F5। ओके, अब हम लोग फाइल में जाएंगे, F5 फाइल को ओपन करेंगे। तो देखो यहाँ पे अब डेटा राइट हुआ है जब हमने क्या किया है, F1.close फंक्शन का यूज किया है, फाइल हैंडल के साथ क्लोज फंक्शन का यूज किया है। ओके, इसको आप ओके, नेक्स्ट हम किसका यूज करें, विद क्लॉज का यूज करें अपनी फाइल को ओपन कराने के लिए। ओके, तो यहाँ पे हम कमेंट दे देते हैं यूजिंग यूजिंग विद स्टेटमेंट या विद क्लॉज, जो भी आप देना चाहते हो, फाइन। ओके, अब यहाँ पे आप दोगे विद, विद में ओपन। ओके, फाइल का नेम ले लेते हैं हम लोग file6 .txt, राइट। ओके, किस मोड में आपको ओपन करना है, उसमें डेटा राइट करना है, तो आपने राइट मोड में लिया है एस एफ। एफ क्या है, फाइल हैंडल, फाइल हैंडल। तो देखो मैंने यहाँ पे कॉलन दिया है, तो अब आप जब एंटर प्रेस करोगे तो इंडेंटेड फॉर्म में ये नेक्स्ट लाइन में जाएगा, ठीक है, कि मतलब ये एफ के, ये इस पर्टिकुलर ब्लॉक के अंदर ही आपकी नेक्स्ट लाइन है। एफ डॉट राइट, अब हैंडल की हेल्प से हम क्या राइट कर रहे हैं, F6 फाइल के अंदर हम डेटा राइट कर रहे हैं, जैसे आपने ले लिया वेलकम टू पाइथन क्लास। ओके, आपने ले लिया वेलकम टू पाइथन क्लास, राइट, और उसके बाद आपने प्रिंट करा दिया, प्रिंट डेट प्रिंट करा देते हैं डेटा रिटर्न इन फाइल 6, सिंपल। ओके, अब देखो यहां पे जब मैं विद क्लॉज यूज कर रही हूं, मैंने फाइल को क्लोज नहीं किया है, क्लोज फंक्शन का यूज नहीं किया है, तो अब हम देखेंगे फाइल 6 में डेटा राइट होता है या नहीं होता है। इसको सेव कर लेते हैं, सेव कर लिया, आपने इसका नेम दे दिया F2 .py, सेव, राइट, इसको एग्जीक्यूट कर लेते हैं एक बार। आपका आ गया डेटा रिटर्न इन फाइल 6, फाइन आ गया। अब देखो फाइल 6 पहले हम ढूंढते हैं, यहाँ पे देखो ये हमारी फाइल 6 है, इस पे डबल क्लिक करेंगे, आया है इसमें डेटा वेलकम टू पाइथन क्लास। ओके, यहाँ पे आपको क्लोज फंक्शन का यूज नहीं करना पड़ा जब आपने विद क्लोज का यूज किया है। ओके, अब यहाँ पे हम फाइल ऑब्जेक्ट या फाइल हैंडल जो हमारा क्रिएट होता है उसके कुछ क्या है एट्रीब्यूट्स है उनके बारे में जान लेते हैं। द फाइल ऑब्जेक्ट और फाइल हैंडल हैज सर्टेन एट्रीब्यूट्स, राइट, उसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं दैट टेल अस बेसिक इन्फॉर्मेशन अबाउट द फाइल, जिसकी हेल्प से हम फाइल की बेसिक इन्फॉर्मेशन को जान सकते हैं। फर्स्ट क्या है, अगर आप फाइल डॉट क्लोज्ड यूज करते हो, राइट, फाइल डॉट क्लोज्ड रिटर्न्स ट्रू इफ द फाइल इज क्लोज्ड और फॉल्स अदरवाइज। ओके, तो यहाँ पे फाइल डॉट क्लोज्ड में जो ये फाइल है वो फाइल हैंडल है, राइट, ओके, देन फाइल डॉट मोड रिटर्न्स द एक्सेस मोड इन विच द फाइल वॉज ओपन, इससे आप फाइल का मोड बता सकते हो कि किस मोड में आपकी फाइल ओपन हुई है, राइट। फाइल डॉट नेम, मतलब यहाँ पे जो फाइल वर्ड है वो फाइल हैंडल है, ओके, जैसे F1 हो गया, F1.close, तो आपको पता चल जाएगा ये F1 वाली जो फाइल, F1 हैंडल जिस फाइल से भी लिंक है वो क्लोज हो गई है या नहीं है। ओके, रिटर्न्स ट्रू इफ द फाइल इज क्लोज्ड, वो ट्रू कर देगा अगर फाइल क्लोज हो गई है, फॉल्स दे देगा अगर फाइल क्लोज नहीं हुई है, ठीक है। ऐसी एक्सेस मोड के लिए रिटर्न्स एक्सेस मोड इन विच द फाइल वॉज ओपन, ये क्या रिटर्न करेगा, उस एक्सेस मोड को रिटर्न करेगा जिसमें फाइल ओपन हुई है। और फाइल हैंडल डॉट नेम से क्या होगा, नेम ऑफ द फाइल, फाइल का नेम आपके पास आ जाएगा। अ फाइल ऑब्जेक्ट इज अ रेफरेंस टू अ फाइल ऑन द डिस्क, ये क्या होता है, लिंक कह सकते हो या रेफरेंस होता है उस फाइल का जो आपके पास आपके सिस्टम पे स्टोर है। इट ओपन्स एंड मेक्स इट अवेलेबल फॉर अ नंबर ऑफ डिफरेंट टास्क, इसकी हेल्प से ही आप क्या कर सकते हो, फाइल को ओपन कर सकते हो और उसको डिफरेंट टास्क के लिए यूज कर सकते हो। ओके,
अब हमारे पास क्या है, फाइल एक्सेस मोड, मतलब किस फाइल में आप, किस मोड में आप फाइल को एक्सेस करना चाहते हो, राइट। द एक्सेस मोड इज एन ऑप्शनल आर्ग्यूमेंट दैट रिप्रेजेंट्स द मोड इन विच द फाइल हैज टू बी एक्सेस बाय द प्रोग्राम। तो एक्सेस मोड क्या है, ऑप्शनल आर्ग्यूमेंट है, मतलब आप इसको दे भी सकते हो, नहीं भी दे सकते हो, आप इसको ओपन फंक्शन में पास भी कर सकते हो या आप चाहो तो नहीं भी कर सकते हो, ओपन या फंक्शन में या विद क्लॉज के साथ, राइट। इट इज ऑल्सो रेफर टू एज प्रोसेसिंग मोड, इसको प्रोसेसिंग मोड भी कहा जाता है क्योंकि ये बताता है कि किस फॉर्म में आप फाइल की प्रोसेसिंग करना चाहते हो, आप उसमें से डेटा को रीड करना चाहते हो या आप उसके अंदर डेटा को राइट करना चाहते हो या आप उसके अंदर डेटा को अपेंड करना चाहते हो या दोनों, तीनों फंक्शन या दोनों फंक्शन करना चाहते हो, ओके। हियर मोड मींस द ऑपरेशन फॉर विच द फाइल हैज टू बी ओपन। तो मोड क्या है, वो ऑपरेशन है, वो काम है जिसके लिए आप फाइल को ओपन करना चाहते हो। लाइक आर फॉर द रीडिंग, जैसे आर मोड क्या होता है, रीडिंग के लिए, डब्ल्यू फॉर द राइटिंग, प्लस फॉर बोथ रीडिंग एंड राइटिंग, अगर प्लस आ जाता है तो इसका मतलब क्या है, दोनों रीडिंग भी और राइटिंग भी। ए फॉर द अपेंडिंग एट द एंड ऑफ द एग्जिस्टिंग फाइल, एक इसलिए होता है जो ऑलरेडी क्रिएटेड फाइल है उसके अंदर और डेटा को ज्वाइन करने के लिए, अपेंड करने के लिए, ओके। द डिफॉल्ट इज द रीड मोड, और अगर आप कोई भी एक्सेस मोड नहीं देते तो कौन सा मोड आता है, रीड मोड। In addition, we can specify whether the file will be handled as binary or text mode. आप इसमें ये भी specify करते हो कि आप जो file access कर रहे हो वो किस form में handle होगी, binary form में handle होगी या text form में handle होगी, right? By default, files are opened in text mode. That means strings can be read or written. By default, किस form में आपकी file open होती है, text mode में होती है, जहाँ पे आप strings को read कर सकते हो, write कर सकते हो। फाइन, फाइल कंटेनिंग नॉन टेक्सचुअल डेटा, लाइक नॉन टेक्सचुअल डेटा जैसे इमेज फाइल हो गई, वीडियो फाइल हो गई, ओके, आर ओपन इन बाइनरी मोड। ये फाइल किस मोड में ओपन होती है, बाइनरी मोड में, 0-1 की फॉर्म में। डेट मीन्स रीड एंड राइट आर परफॉर्म इन टर्म्स ऑफ बाइट्स, यहाँ पे किस फॉर्म में रीड एंड राइट फंक्शन परफॉर्म होंगे, बाइट्स की फॉर्म में, ओके। वो किसको रीड करेंगे, बाइनरी फॉर्म को, 0-1 को रीड करेंगे, ओके, रीड एंड राइट, वॉट एवर। नाउ वी हैव बिलो गिवन टेबल लिस्ट वेरियस फाइल एक्सेस मोड्स, ठीक है। तो यहाँ पे टेबल दी हुई है जहां पे एक्सेस मोड दिए, ये मैंने टेबल एनसीईआरटी से लिए, ठीक है। डेट कैन बी यूज विद द ओपन मेथड, आप इनको ओपन मेथड में पास करके यूज कर सकते हो। द फाइल ऑफसेट, यहाँ पे देखो ये कॉलम है फाइल ऑफसेट का। पोजीशन इन द टेबल रेफर्स टू द पोजीशन ऑफ द फाइल ऑब्जेक्ट व्हेन द फाइल इज ओपन इन अ पर्टिकुलर मोड। तो फाइल जो ऑफसेट पोजीशन है वो क्या है, वो फाइल हैंडल की, फाइल ऑब्जेक्ट की पोजीशन बता रहा है कि जब फाइल ओपन होगी तो फाइल हैंडल कहाँ पे होगा, कहाँ से वो रीड करना स्टार्ट करेगा, कहाँ से वो राइट करना स्टार्ट करेगा, कहाँ पे वो अपेंड करना स्टार्ट करेगा, ओके। तो फर्स्ट देखो आपका आर है, ओपन्स द फाइल इन रीड ओनली मोड, ठीक है। इसका क्या मीनिंग है, इस सिर्फ रीड मोड में आपकी फाइल ओपन होगी, आप सिर्फ डेटा को रीड कर सकते हो, और यहाँ पे जो आपका फाइल हैंडल कहाँ होगा, बिगनिंग ऑफ द फाइल, स्टार्टिंग, फाइल के स्टार्टिंग से। देन आपका है बी, आर बी, तो जहां पे बी बी है वो किसके लिए, बाइनरी फाइल्स के लिए है। ओपन्स द फाइल इन बाइनरी, बाइनरी फॉर्म में फाइल को ओपन करेगा, और रीड ओनली मोड में फॉर्म ओपन करेगा, रीड ओनली और किस फॉर्म में, बाइनरी फॉर्म में, फाइन। और हैंडल की पोजिशन कहाँ होगी, बिगनिंग ऑफ द फाइल, आर प्लस और प्लस आर, ओके। ओपन द फाइल इन बोथ रीड एंड राइट मोड, तो इसका क्या मीनिंग है, ये दोनों ही मोड में फाइल को ओपन करेगा, आप रीड भी कर सकते हो, राइट भी कर सकते हो डेटा को, और हैंडल की पोजीशन क्या होगी, बिगनिंग ऑफ द फाइल। Then W opens the file in write mode. If the file already exists, all the contents will be overwritten. If the file doesn't exist, then a new file will be created. जैसे अभी हमने क्या किया था, फाइल अपने आप क्रिएट हुई थी और उसके अंदर डेटा आपने राइट किया था। अगर ऑलरेडी फाइल बनी हुई है तो जो भी डेटा आप प्रोग्राम के थ्रू इसमें लिख रहे हो तो क्या होगा, पुराना डेटा वो क्या कर देगा, ओवर राइट कर देगा, मतलब पुराना डेटा डिलीट हो जाएगा और न्यू डेटा उसमें आ जाएगा, राइट। देखो इफ द फाइल ऑलरेडी एग्जिस्ट ऑल द कंटेंट विल बी ओवर रिटन, फाइन। पुराना डेटा डिलीट होके आपका न्यू डेटा उसके अंदर राइट हो जाएगा, और हैंडल की पोजीशन क्या होती है, बिगनिंग ऑफ द फाइल, ओके। नाउ डब्ल्यू बी प्लस और प्लस डब्ल्यू बी ओपन द फाइल इन रीड राइट एंड बाइनरी मोड। बी का मतलब क्या है, बाइनरी फाइल ओपन होगी, और यहाँ पे जैसे आर प्लस और या फिर प्लस आर का क्या मीनिंग था, दोनों रीड और राइट मोड में ओपन होगी। ऐसे ही अगर आप डब्ल्यू प्लस या प्लस डब्ल्यू करते हो तो इसका भी यही सेम मीनिंग है कि दोनों मोड में ओपन होगी, रीड एंड राइट मोड में, ओके। इफ द फाइल ऑलरेडी एग्जिस्ट द कंटेंट विल बी ओवर रिटन, अगर पहले से उस नेम की फाइल बनी हुई है तो अगर आप डेटा, न्यू डेटा राइट करोगे तो क्या होगा, पुराना डेटा डिलीट होकर न्यू डेटा आ जाएगा। इफ द फाइल डजंट एग्जिस्ट, और अगर फाइल नहीं बनी हुई है तो एक न्यू फाइल बन जाएगी, ओके। यहाँ पे भी हैंडल की पोजीशन क्या है, इन द बिगनिंग ऑफ द फाइल, राइट। नाउ ए ओपन्स द फाइल इन अपेंड मोड, यहाँ पे
एक इसके लिए है फाइल को अपेंड मोड में ओपन करने के लिए, अपेंड मतलब न्यू डेटा को लास्ट डेटा से ज्वाइन करने के लिए, जो एंड ऑफ द फाइल होता है वहां पे। इफ द फाइल डजंट एग्जिस्ट देन अ न्यू फाइल विल बी क्रिएटेड, अगर फाइल नहीं है तो न्यू फाइल क्रिएट हो जाएगी। और यहाँ पे हैंडल की पोजिशन क्या होती है, एंड ऑफ द फाइल। ओके, एक हैंडल कहाँ पे आपका आता है, एंड ऑफ द फाइल, क्योंकि जहां पे डेटा खत्म हुआ है वहां से ही आप न्यू डेटा को अपेंड करोगे। फाइन, नाउ ए प्लस और प्लस ए ओपन्स द फाइल इन अपेंड एंड रीड मोड। तो यहाँ पे ए प्लस और प्लस ए का क्या मीनिंग है, फाइल ओपन होगी किसमें, रीड मोड में और अपेंड मोड में। आप डेटा रीड भी कर सकते हो, डेटा को अपेंड भी कर सकते हो, ज्वाइन भी कर सकते हो। ठीक है, इफ द फाइल डजंट एग्जिस्ट देन इट विल क्रिएट अ न्यू फाइल, और अगर फाइल नहीं है तो एक न्यू फाइल क्रिएट हो जाएगी। और यहाँ पे भी हैंडल की पोजिशन क्या है, एंड ऑफ द फाइल, मीन्स जहां तक डेटा है उसके बाद से डेटा, न्यू डेटा अपेंड होना स्टार्ट होगा। फाइन, लास्ट वी हैव क्लोजिंग अ फाइल। ठीक है, आपने ओपन किया फाइल को ओपन फंक्शन की हेल्प से, विद क्लोज की हेल्प से, राइट। अब हम फाइल को क्या करेंगे, क्लोज करेंगे। ओके, वंस वी आर डन विद द रीड राइट ऑपरेशन ऑन अ फाइल, इट इज गुड प्रैक्टिस टू क्लोज द फाइल। क्या कह रहे हैं कि अगर आपने जो भी फंक्शन करना था, ऑपरेशन करना था फाइल पे, वो आप कर चुके हो रीड राइट ऑपरेशन, अभी अब आपको क्या करना है, फाइल को क्लोज करना एक बहुत ही अच्छी प्रैक्टिस होती है। पाइथन प्रोवाइड्स अ क्लोज मैथड टू डू सो। इसके लिए पाइथन ने क्या किया है, आपको क्लोज फंक्शन प्रोवाइड किया है, क्लोज मैथड प्रोवाइड किया है, जिसकी हेल्प से आप अपनी फाइल को क्लोज कर सकते हो। ओके, वाइल क्लोजिंग अ फाइल द सिस्टम फ्रीज द मेमोरी एलोकेटेड टू इट। जब आप क्या करते हो, फाइल को क्लोज करते हो, तो जो भी मेमोरी उसने ले रखी है वो क्या होती है, वो फ्री हो जाती है, वो डिफरेंट दूसरी फाइल के लिए आप उसको यूज कर सकते हो, फॉर द स्टोरेज ऑफ सम अदर फाइल और फॉर डूइंग सम अदर पर्पस, राइट। सिंटेक्स क्या है इसका, फाइल ऑब्जेक्ट डॉट क्लोज। ओके, फाइल का, फाइल ऑब्जेक्ट का नेम डॉट क्लोज फंक्शन। ये फाइल ऑब्जेक्ट इज द ऑब्जेक्ट डेट वॉज रिटर्न वाइल ओपनिंग द फाइल। फाइल ऑब्जेक्ट क्या है, वो ऑब्जेक्ट है जो कब आपको मिलता है, जब आप कोई भी फाइल ओपन करते हो, राइट। इट इज ऑलवेज एडवाइज टू क्लोज द फाइल वंस आर वर्क इज डन, ऑल्सो इफ द फाइल ऑब्जेक्ट इज रीअसाइन टू सम अदर फाइल द प्रीवियस फाइल इज ऑटोमेटिकली क्लोज। तो ये क्या कह रहा है कि आपको हमेशा एडवाइस की जाती है कि आप अपनी फाइल को क्लोज करें जब आपका काम हो जाए, राइट। और अगर आप क्या करते हो, सेम फाइल हैंडल या फिर सेम फाइल ऑब्जेक्ट किसी दूसरी फाइल को असाइन कर देते हो, तो जो पहली वाली फाइल होती है वो अपने आप ही क्या होती है, क्लोज हो जाती है। ओके, Before you can read from a file, the file must be opened and linked by a file object or file handle. तो ये क्या कह रहा है कि फाइल को रीड करने से पहले क्या होना चाहिए कि फाइल ओपन होनी चाहिए। ओके, फाइल ओपन होनी चाहिए और किससे लिंक्ड होनी चाहिए, आपकी फाइल ऑब्जेक्ट या फिर जिसका दूसरा नाम क्या है, फाइल हैंडल, उससे लिंक होनी चाहिए। ये हमने प्रीवियस वीडियो में किया था कि कैसे लिंक होती है, राइट। ओके, पाइथन प्रोवाइड्स मेनली थ्री टाइप्स ऑफ रीड फंक्शंस टू रीड फ्रॉम अ डेटा फाइल। पाइथन आपको तीन फंक्शंस प्रोवाइड करता है जिसकी हेल्प से आप डेटा को रीड कर सकते हैं टेक्स्ट फाइल से। ओके, फर्स्ट इज रीड फंक्शन, सेकेंड इज रीड लाइन फंक्शन एंड थर्ड इज रीड लाइन्स फंक्शन। ओके, सो वी विल डू ऑल दीज फंक्शंस वन बाय वन। फर्स्ट वी हैव रीड फंक्शन और रीड मेथड। ओके, दिस मेथड इज यूज्ड टू रीड अ स्पेसिफाइड नंबर ऑफ बाइट्स ऑफ डेटा फ्रॉम अ डेटा फाइल। तो इस फंक्शन का या इस मेथड का क्या यूज है, इससे आप नंबर ऑफ बाइट जितने आपने स्पेसिफाई किए, मतलब आपने 30 स्पेसिफाई किए तो 30 करेक्टर्स बाइट्स, यहाँ पे बाइट्स किसके इक्विवेलेंट है, करेक्टर्स के इक्विवेलेंट है, मतलब करेक्टर्स के बराबर है। ओके, क्योंकि वन बाइट इज कंसिडर्ड एज वन करेक्टर, राइट। ओके, तो यहाँ पे क्या कह रहा है कि आप यहाँ पे रीड मेथड की हेल्प से स्पेसिफाइड नंबर ऑफ बाइट्स को रीड कर सकते हैं टेक्स्ट फाइल से, राइट। इफ नो आर्ग्यूमेंट और अ नेगेटिव नंबर इज स्पेसिफाइड इन रीड फंक्शन द एंटायर फाइल कंटेंट इज रीड। अगर आप क्या करते हो, जो रीड फंक्शन के अंदर आपको क्या बताना होता है कि कितने करेक्टर्स मीन्स कितने बाइट्स आपको रीड करने हैं, अगर आप एन आर्ग्यूमेंट इसमें पास नहीं करते हो या फिर नेगेटिव नंबर देते हो, तो क्या होता है कि वो पूरी की पूरी फाइल को रीड कर देता है। ओके, रीड फंक्शन कंप्लीट फाइल को रीड कर देता है। इट रिटर्न्स द रीड bytes in the form of a string, और किस फॉर्म में ये रिटर्न करता है डेटा को, इन द फॉर्म ऑफ स्ट्रिंग, स्ट्रिंग वैल्यूज की फॉर्म में। ओके, सिंटेक्स क्या है, सिंटेक्स है हमारा फाइल ऑब्जेक्ट, राइट, आप इसको फाइल हैंडल भी कहते हैं, फाइल ऑब्जेक्ट डॉट रीड फंक्शन, और रीड फंक्शन में आप पास करोगे कि कितने नंबर ऑफ बाइट्स आपको रीड करना है, मीन्स आपको कितने करेक्टर्स को रीड करना है। ओके, अब इसको हम प्रैक्टिकली करेंगे। ओके, राइट, पाइथन आइडियली खोल लिया है, इसको हम स्टार्ट करते हैं। ओके, अब फर्स्ट हम क्या करते हैं, रीड करते हैं फाइल के 40
करेक्टर्स, फाइन। तो यहाँ पे मैं दे देती हूँ कमेंट रीडिंग फाइल्स फर्स्ट 40 बाइट्स या करेक्टर्स, ओके। नाउ F1 हमने लिया फाइल हैंडल, ओके, इक्वल्स टू ओपन फंक्शन। ओपन फंक्शन में आपको क्या करना है, अपनी फाइल जो आप ओपन करना चाहते हो उसका नेम या उसका कंप्लीट पाथ देना है। तो मैं यहाँ पे नेम दे रही हूँ सिर्फ abc.txt, क्योंकि मेरी फाइल कहाँ स्टोर है, मेरी फाइल पाइथन की डिफॉल्ट डायरेक्टरी में स्टोर है, राइट। तो अगर डिफॉल्ट डायरेक्टरी में जहाँ पे पाइथन के सारे प्रोग्राम्स जाके सेव होते हैं, राइट, मेरी फाइल वहां पे स्टोर है, तो मेरे को यहाँ पे कंप्लीट पाथ देने की जरूरत नहीं है। आई कैन ओनली गिव द नेम, ओके। तो मैंने यहाँ पे दिया abc.txt अपनी फाइल का नेम, और इसको एक्सेस मोड दिया है R, दैट मींस रीड मोड, ओके। नो str हमने एक वेरिएबल लिया f1.read, और कितने करेक्टर्स मींस कितने बाइट्स हमें रीड करने हैं, 40 बाइट्स हमें रीड करने हैं, ओके। अब देखो f1 ये क्या है, f1 आपका फाइल हैंडल है, राइट, डॉट रीड, तो ये क्या करेगा, फाइल में से रीड करेगा कितने बाइट्स, रीड फंक्शन फाइल में से रीड करेगा 40 बाइट्स, और कहां पे जाके स्टोर हो जाएंगे वो, str वेरिएबल के अंदर। अब हम आप क्या करोगे, आपको प्रिंट कराना है कि कितने बाइट्स उसने रीड करे हैं, वो बाइट्स आपको प्रिंट कराना है, तो यहाँ पे हम प्रिंट फंक्शन का यूज करेंगे, प्रिंट और str, क्योंकि बाइट्स कहां जाके स्टोर हुए हैं, str वेरिएबल के अंदर, फाइन। अब आप फाइल को क्लोज कर दो क्लोज फंक्शन की हेल्प से, ओके। इसको सेव कर लेते हैं, कोई भी नेम दे दो इसका, मैंने g1 दे दिया .py, राइट। नाउ इस प्रोग्राम को अब एग्जीक्यूट करते हैं, राइट, रन f5 से हो जाता है, बट माय फंक्शन की इज नॉट वर्किंग, तो मैंने यहाँ पे रन कर दिया। देखो अब इसने 40 करेक्टर्स मुझको फाइल में से रीड करके यहाँ पे डिस्प्ले करा दिए, राइट। ये कितने करेक्टर्स आए, कितने बाइट्स आए, 40, आप इसको काउंट भी कर सकते हो, राइट, ओके, ओके। अभी मैंने यहाँ पे 40 करेक्टर्स रीड कराए हैं, अब मैं चाहती हूँ कि मैं और ज्यादा करेक्टर्स को रीड कराऊं, ओके, 40 के आगे जो करेक्टर्स हैं, बाइट्स हैं, उनको रीड कराऊं, तो आप कैसे कर सकते हो, यहाँ पे मैंने क्या लिया, str2 करके ले लेते हैं, ठीक है, ओके। f1.read फंक्शन का यूज कर लेते हैं, रीड में मैं चाहती हूँ नेक्स्ट 60 करेक्टर्स भी रीड हो जाए, अंडरस्टूड। पहले आपने क्या किया है, स्टेटमेंट दिया है कि कितने करेक्टर्स रीड हो जाएं, 40 करेक्टर्स रीड हो जाएं, ओके। अब मैं चाहती हूँ नेक्स्ट 60 करेक्टर्स भी रीड हो जाएं, ओके। अब नेक्स्ट 60 करेक्टर्स रीड होंगे तो हम उसको डिस्प्ले करा देते हैं, राइट, इसको सेव कर लेते हैं, कंट्रोल एस, सिंपली अब इसको एग्जीक्यूट कराना है, रन। आप देखो पहले आपके कितने करेक्टर्स रीड हुए थे, आपके 40 करेक्टर्स रीड हुए, देन उसके बाद नेक्स्ट 60 करेक्टर्स आपके रीड हुए, राइट। पहले आपके 40 करेक्टर्स रीड हुए, या 40 बाइट्स आप कह सकते हैं, वो रीड हुए, ओके, देन आपके नेक्स्ट 60 करेक्टर्स रीड हुए, ओके। अब मैं चाहती हूँ कि मेरी कंप्लीट फाइल रीड हो जाए, ओके, तो उसके लिए क्या करेंगे, हम सिंपली यहां से इसको हटा देते हैं, ओके, और मैं रीड फंक्शन में कोई भी आर्ग्यूमेंट नहीं दूंगी, राइट, सिंपल, मैंने इसको रीड फंक्शन में क्या किया है, एम्प्टी छोड़ा है इसको, और कोई भी आर्ग्यूमेंट यहाँ पे नहीं दिया है, इसको हम सेव कर देते हैं, देन रन। अब यहाँ पे देखो आपकी कंप्लीट फाइल आ गई है, जितना भी डेटा था abc.txt फाइल में वो आपकी यहाँ पे उसने डिस्प्ले कर दिया है, ओके। मैं आपको एक चीज और शो कर देती हूँ, मैंने सिर्फ सिंपली फाइल का नेम लिया था, तो मेरी फाइल देखो एबीसी फाइल ये है, एबीसी, ओके, पाइथन की डिफॉल्ट डायरेक्टरी के अंदर जहां पे आपके पाइथन के प्रोग्राम सेव होते हैं, इसलिए मुझे कंप्लीट पाथ नहीं लेना पड़ा। अगर मैं कहीं और मेरी फाइल होती तो मुझे क्या करना होता, अपने टेक्स्ट फाइल का कंप्लीट एड्रेस वहां पे स्पेसिफाई करना होता, राइट। तो यहाँ पे सिर्फ मैंने नेम ले लिया, बिकॉज ये क्या है, पाइथन की करेंट डायरेक्टरी में सेव है, ओके। आपको ओपन करके भी दिखा देती हूँ, देखो ये हमारी स्टोरी है इसके अंदर, एबीसी के अंदर, जो मैंने अभी आपको शो की थी, राइट। नेक्स्ट फंक्शन इज रीड लाइन
function. This method reads one complete line from a file where each line terminates with a new line character. तो जब आप read line function का use करते हो तो क्या होता है, one time मतलब एक बार वो क्या read करती है, one complete line को read करती है, okay? और वो line को कहाँ तक read करती है, जब तक कि उसे new line character नहीं मिल जाता, okay? It works as a enter. जब उसको न्यू लाइन करेक्टर मिल जाता है तो कंट्रोल कहाँ चला जाता है, नेक्स्ट लाइन पे चला जाता है, और वो जैसे ही न्यू लाइन करेक्टर मिलता है वैसे ही एंड ऑफ द लाइन वो समझ लेती, जो आपका फंक्शन है रीड लाइन वो क्या समझ लेता है कि ये अब एंड ऑफ द लाइन है, ओके? तो ये मेथड क्या करता है, एक बार में एक कंप्लीट लाइन को रीड करता है फाइल की, ओके? It can also be used to read a specified number of bytes of data from a file, but maximum up to the new line character. तो यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि वो एक लाइन में से आपके n number of bytes को भी read कर सकता है, लेकिन कहाँ तक, जब तक कि उसको new line character नहीं मिल जाता, मतलब अगर आप चाहते हो, वैसे तो read line क्या करता है, वन बाय वन लाइन्स को रीड करता है, ओके? पर आप चाहते हो कि आप एक लाइन्स में से 30 करेक्टर्स रीड कराओ, तो आप क्या स्पेसिफाई कर दोगे उसके अंदर, 30 करेक्टर्स, ओके? बट अगर आपने मान लो 60 करेक्टर्स दिए और लाइन में ओनली 50 करेक्टर्स हैं, तो वो नेक्स्ट लाइन में नहीं जाएगा, ओके? वो नेक्स्ट लाइन में, ये थोड़ा गड़बड़ हो गया, कोई बात नहीं, मान लो 80 करेक्टर्स लाइन में है, ओके? और आपने 90 करेक्टर्स दे दिए रीड करने के लिए, ओके? तो 80 करेक्टर्स रीड कर लेगा, बट नेक्स्ट लाइन के करेक्टर्स को जाके, जो 10 बचते हैं नेक्स्ट लाइन के करेक्टर्स को जाके रीड नहीं करेगा, ओके? इफ नो आर्ग्यूमेंट और अ नेगेटिव नंबर इज स्पेसिफाइड, इट रीड्स अ कंप्लीट लाइन एंड रिटर्न स्ट्रिंग. अगर आप क्या करते हो, यहाँ पे रीड लाइंस के अंदर एन नंबर ऑफ लाइंस, ओके, ये नंबर ऑफ करेक्टर्स स्पेसिफाई नहीं करते हो, तो क्या होगा, वो कंप्लीट लाइन को रीड करता है, ओके? एक बार में रीड लाइन फंक्शन एक लाइन को रीड करेगा, ओके? अगर आप n स्पेसिफाई कर रहे हो तो इसका मतलब आप नंबर ऑफ करेक्टर्स, नंबर ऑफ बाइट्स स्पेसिफाई कर रहे हो कि इस पर्टिकुलर लाइन में से इतने बाइट्स आपको रीड कराने, अंडरस्टूड? अभी प्रैक्टिकली आपको करके दिखाऊंगी. टू रीड द एंटायर फाइल लाइन बाय लाइन यूजिंग द रीड लाइन फंक्शन वी कैन यूज लूप. और अगर आप चाहते हो कि कंप्लीट फाइल लाइन बाय लाइन आ जाए, तो इसके लिए आप लूप का यूज करोगे. दिस प्रोसेस इज नोन एज लूपिंग आइटरेटिंग ओवर अ फाइल ऑब्जेक्ट. इस प्रोसेस को आप बोलते हो लूपिंग, ओके? या फिर आइटरेटिंग ओवर अ फाइल ऑब्जेक्ट, आइटरेट करना फाइल ऑब्जेक्ट के ऊपर. इट रिटर्न्स एन एम्प्टी स्ट्रिंग व्हेन एंड ऑफ फाइल इज रीच्ड. और जब एंड ऑफ फाइल आ जाता है तो एक एम्प्टी स्ट्रिंग ये रिटर्न करता है, ओके? सिंटेक्स क्या है, फाइल ऑब्जेक्ट, आपका फाइल ऑब्जेक्ट डॉट रीड लाइन फंक्शन, राइट? अब इसको हम प्रैक्टिकली करेंगे. अब यहाँ पे हम करते हैं यूज ऑफ रीड लाइन फंक्शन, ओके? कमेंट दे दिया, F1 हमारा फाइल हैंडल है, राइट? मैंने ओपन की फाइल, क्योंकि फाइल रीड करने के लिए उसका ओपन होना बहुत जरूरी है. यहाँ पे मैं ABC फाइल को ले लेती हूँ, राइट? और किस मोड में आपको ओपन करनी है, रीड मोड में, क्योंकि आप रीड करा रहे हो, फाइन. STR F1 डॉट रीड लाइन. तो रीड लाइन क्या करेगी, एक बार में एक लाइन को रीड करेगा, रीड लाइन फंक्शन, ठीक है? प्रिंट, ओ वन लाइन कहाँ पे जाके स्टोर होगी, STR वेरिएबल में. तो हमने प्रिंट करा दिया किसको, STR वेरिएबल को, ओके? अब हम यहाँ पे इसको फाइल को क्लोज करते हैं, F1 डॉट क्लोज, फाइन, ओके, ये सेव है मेरी फाइल. अब इसको रन करा लेते हैं, रन F5. ये देखो, एक बार में रीड लाइन फंक्शन ने क्या किया है, फाइल की एक लाइन को रीड किया है, हो आ गया इसका रिजल्ट, ओके? अब मान लो मुझे फर्स्ट लाइन में से कितने करेक्टर्स को रीड कराना है, मुझे 10 करेक्टर्स को रीड कराना है, तो मैंने यहाँ पे 10 करेक्टर्स, मतलब 10 बाइट्स या 10 करेक्टर्स दे दिया है. इसको हम सेव कर लेते हैं, कंट्रोल एस. तो ये कंप्लीट लाइन रीड नहीं करेगा, अब यहाँ पे ये लाइन फर्स्ट लाइन के 10 करेक्टर्स को रीड करेगा. इसको रन कराते हैं हम लोग, देखो क्या किया है, पहले था कंप्लीट लाइन द थर्स्टी क्रो, राइट? अब यहाँ पे इसने 10 करेक्टर्स को रीड किया है, द थर्स्ट, ओके? 10 करेक्टर्स रीड होके आपके पास आ गए. नाउ अब मैं क्या चाहती हूँ, मैं 3 लाइंस को रीड करना चाहती हूँ, ओके? तो मैं यहाँ से इसको हटा देती हूँ, क्योंकि रीड लाइन में जब आप कोई भी वैल्यू पास नहीं करते तो वो एक बार में एक कंप्लीट लाइन क्या करता है, रीड करता है. अब मैं यहाँ से इसको कॉपी कर लेती हूँ, फर्स्ट लाइन ये रीड, ये वाली स्टेटमेंट रीड करके प्रिंट करा रहा है, कंट्रोल सी,
ठीक है, कंट्रोल वी, ये मेरी सेकेंड लाइन रीड हो जाएगी इससे, अगेन मैं कंट्रोल वी, ये मेरी थर्ड लाइन रीड हो जाएगी, ठीक है। ऐसे मैंने क्या किया, रीड लाइन फंक्शन तीन बार यूज किया है और उसकी हेल्प से थ्री लाइन में यहाँ पे रीड करा रही हूँ। ओके, अब यहाँ पे देखो प्रिंट के साथ ना मैंने सिंपली इसको प्रिंट करा दिया है, तो प्रिंट का फंक्शन जो होता है वो क्या करता है, प्रिंट फंक्शन न्यू लाइन करेक्टर क्या करता है, एक न्यू लाइन डिस्प्ले करता है। ये अभी मैं आपको दिखाती हूँ कैसे, इसको हम रन करते हैं। अब देखो प्रिंट फंक्शन आपने यूज किया तो लाइन रीड हुई है, डिस्प्ले हुई है, उसके बाद क्या आया है, एक लाइन का गैप आया है। ओके, यहाँ पे वन वन लाइन का गैप दिया है प्रिंट फंक्शन ने, फाइन। अब इसका क्या रीजन है, इसका ये रीजन है कि बाय डिफॉल्ट प्रिंट फंक्शन एंड्स विद द न्यू लाइन। प्रिंट फंक्शन कैसे एंड होता है, न्यू लाइन से एंड होता है। ओके, तो यहाँ पे एक लाइन रीड हुई है, आपने प्रिंट कराया उसके, तो क्या हुआ, उस कैसे एंड हुआ है प्रिंट फंक्शन, न्यू लाइन से एंड हुआ है। अगर आप क्या चाहते हो, ये लाइन्स जो आई हुई है, गैप आया हुआ है वन वन लाइन का, नहीं चाहते तो आप क्या यूज करोगे, यहाँ पे हम प्रिंट स्टेटमेंट में दे देंगे एंड, एंड में आप दे दोगे स्पेस, ठीक है, आप एंड में दोगे स्पेस, तो यहाँ पे जो प्रिंट फंक्शन है वो न्यू लाइन करेक्टर से एंड नहीं होगा, वो स्पेस को एज अ एंड कंसीडर करेगा। अदरवाइज प्रिंट करेक्टर किसको एंड कंसीडर करता है, न्यू लाइन करेक्टर को एंड कंसीडर करता है, ठीक है, एंड ऑफ लाइन। तो वहां पे क्या होता है, नेक्स्ट लाइन में क्या आ जाता है, एम्प्टी लाइन आ जाती है, तो यहाँ पे इसको एंड, जो हमने एंड आर्ग्यूमेंट दिया है और उसमें एंड मतलब हमने क्या बताया इसको कि एंड कैसे हो, ये स्पेस को एज अ एंड कंसीडर करे, इसको हम यहाँ पे यूज कर लेते हैं। राइट, अब देखो जो गैप आया था वो अब नहीं आएगा, जो वन वन लाइन का गैप आया था वो अब नहीं आएगा, सी अब गैप चला गया है, क्योंकि यहाँ पे अब जो प्रिंट फंक्शन है वो स्पेस को एज अ एंड कंसीडर कर रहा है, जैसे ही स्पेस आया उसने इसको एंड कंसीडर कर लिया, वो नेक्स्ट लाइन में चला गया। ओके, अब मैं चाहती हूँ कि मैं बार बार रीड लाइन फंक्शन का यूज ना करूं, ऐसे मेरी बहुत बड़ी फाइल होगी तो मुझे बहुत बार रीड लाइन फंक्शन लिखना पड़ेगा, इससे अच्छा क्या मैं लूप का यूज कर लेती हूँ, ठीक है। जब आप लूप का यूज करोगे तो क्या होगा, अपने आप क्या होगा, लूपिंग की हेल्प से आपकी कंप्लीट फाइल डिस्प्ले हो जाएगी। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, लूप का यूज करेंगे, तो इसको कर देते हैं डिलीट, ठीक है। फर्स्ट लाइन एज इट इज आएगी, एफ वन इक्वल्स टू ओपन, ठीक है, फाइल हैंडल से हमने फाइल को लिंक कराया है, एफ वन यहाँ पे फाइल हैंडल है, उसके बाद हम ले लेते हैं लूप, फोर लाइन इन एफ वन, राइट, एफ वन लिया आपने, फोर लाइन इन एफ वन फाइल हैंडल है आपकी, या फिर यहाँ पे आपने प्रिंट करा दिया, प्रिंट लाइन, ओके। अब लाइन अगर मैं सिंपल प्रिंट करा देती हूँ तो गैप के बाद आएगी, एक एक लाइन के बाद गैप आएगा, लेकिन मैं चाहती हूँ मेरी फाइल एज इट इज आ जाए, तो मैं एंड इसके अंदर आर्ग्यूमेंट पास कर देती हूँ और स्पेस, ठीक है, जिससे क्या होगा, प्रिंट फंक्शन है, स्पेस जो प्रिंट फंक्शन है वो स्पेस को एंड ऑफ द लाइन कंसीडर कर लेगा, ठीक है। कंट्रोल एस, इसको रन करते हैं, देखो कंप्लीट हमारे पास आ गई है फाइल, ओके, समझ आया, कंप्लीट फाइल आ गई है। आपने किसका यूज किया है, फोर फंक्शन का यूज किया है, फोर लाइन इन एफ वन, राइट। तो जो लाइन है वो क्या होगा, क्या है, एक वेरिएबल है जो एफ वन फाइल हैंडल से पहले फर्स्ट लाइन को रीड करेगा, आपने फर्स्ट लाइन को प्रिंट करा दिया, फाइन। फिर कंट्रोल जाएगा सेकेंड लाइन पर, सेकेंड लाइन एफ वन से ये जो लाइन वेरिएबल है सेकेंड लाइन को रीड करेगा, फिर आपने इसको प्रिंट करा दिया। फिर कंट्रोल जाएगा अगेन, ये जो वेरिएबल लाइन है वो थर्ड लाइन को रीड करेगा एफ वन हैंडल से, क्योंकि यहाँ पे जो एफ वन फाइल हैंडल है वो किससे लिंक है, फाइल का रेफरेंस है, राइट, ओके। तो ऐसे आपको पता है फोर लूप कैसे वर्क करता है, तो यहाँ पे हमने फोर लूप की हेल्प से कंप्लीट फाइल को क्या कराया है, डिस्प्ले करा दिया, ओके ओके। नाउ नेक्स्ट मेथड इज रीड लाइन्स मेथड। दिस मेथड रीड्स ऑल द लाइन्स एंड रिटर्न्स द लाइन्स अलोंग विद न्यू लाइन एज एलिमेंट्स ऑफ लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग्स। तो ये क्या करता है, कंप्लीट फाइल को रीड करेगा और जो लाइन्स हैं
राइट पूरी फाइल को एक बार में रीड करेगा, जो लेकिन जो फाइल्स की लाइन है वो कैसे आएंगी, वो एज अ लिस्ट करेक्टर्स आएंगी। ठीक है, फर्स्ट लाइन आएगा एज अ लिस्ट एलिमेंट और वो फर्स्ट लाइन किससे एंड होगा, न्यू लाइन करेक्टर से, फिर सेकेंड लाइन, देन थर्ड लाइन, लाइक दिस। ओके, तो ये कंप्लीट फाइल को रीड कर रहा है, लेकिन फाइल किस फॉर्म में रीड हो रही है, फाइल रीड हो रही है एज अ आइटम्स ऑफ द लिस्ट। ठीक है, जो फर्स्ट लाइन है वो फर्स्ट आइटम लिस्ट का, देन सेकंड लाइन सेकंड आइटम लिस्ट का, देन थर्ड लाइन थर्ड आइटम लिस्ट का, और जितनी भी लाइंस हैं वो किससे एंड हो रही है, वो न्यू लाइन करेक्टर से एंड हो रही है। ओके, सिंटेक्स क्या है हमारे पास, फाइल ऑब्जेक्ट डॉट रीड लाइंस। ओके, और यहाँ पे आप स्पेसिफाई कर रहे हो कि कितनी लाइन्स आपको रीड करनी है। अंडरस्टूड, अब इसको हम प्रैक्टिकली करके देखते हैं। ओके, यूज ऑफ रीड लाइंस फंक्शन, राइट, हमने कमेंट दे दिया है, अब हम करेंगे इसका यूज। ओपन, मैं अगेन अपनी एबीसी फाइल ले लेती हूँ, डॉट टीएक्सटी, फाइन, इसको हम रीड मोड में ओपन कर रहे हैं। अब यहां पे मैंने ले लिया लिस्ट आइटम ले लेती हूँ, क्योंकि जो लाइन वो रीड करेगा एज अ लिस्ट आइटम लेगा, तो मैंने यहाँ पे जो वेरिएबल का नेम है वो लिस्ट आइटम ले लिया, राइट, एफ वन डॉट रीड लाइन्स। ओके, और प्रिंट करा दिया, प्रिंट एफ वन, जो एफ वन डॉट रीड लाइन्स, रीड लाइन फंक्शन क्या करेगा, लाइन्स को रीड करेगा एज एलिमेंट्स ऑफ द लिस्ट, और वो कहाँ जाके स्टोर हो जाएगा, लिस्ट आइटम वेरिएबल के अंदर। तो हम लिस्ट आइटम वेरिएबल को प्रिंट करा देते हैं, फाइन, लिस्ट आइटम, उसके बाद आप क्या करो, फाइल को क्लोज कर दो। ओके, इसको हम सेव कर लेते हैं, सेव हो गया। ओके, रन करते हैं, देखो फाइल में जो लाइंस है, जो फर्स्ट लाइन है देखो एज अ एलिमेंट ऑफ लिस्ट, ये पूरा कंप्लीट लिस्ट में आ गया, और जो लाइंस है वो क्या बन गए, लिस्ट के एलिमेंट्स बन गए, और देखो जितनी भी लाइंस है वो कहाँ कैसे एंड हो रही है, वो न्यू लाइन करेक्टर से एंड हो रही है। आपको शो हो रहा है यहाँ पे जितनी भी लाइन्स है वो न्यू लाइन करेक्टर से एंड हो रही है। ओके, अब अगर आप चाहते हो कि आपको पता चले कि कितनी नंबर ऑफ लाइन्स है आपकी फाइल में, ओके, तो आप नंबर ऑफ लाइन्स काउंट कर सकते हो। सिंपली नंबर ऑफ लाइंस यहाँ पे हम क्या करते हैं, इसको हटा देते हैं। ओके, और इसको भी हटा देते हैं। सबसे पहले आपने फाइल को ओपन किया, राइट, ओके, उसके बाद आप उसको रीड कर रहे हो, रीड आपने किया एफ वन डॉट रीड लाइंस, रीड लाइंस फंक्शन का यूज किया है, और वो रीड लाइन फंक्शन लाइंस जो रीड होके वो कहां जाएंगी, एस वेरिएबल के अंदर जाएंगी। अब आपने क्या किया, हम एक और वेरिएबल लेते हैं लाइन, लाइन काउंट, और उसमें हम लेंथ ले लेते हैं किसकी, एस की। ओके, तो लाइन फंक्शन से क्या आ जाएगा, नंबर ऑफ लाइंस आ जाएंगी। ओके, नंबर ऑफ लाइंस, क्योंकि यहाँ पे लेंथ क्या होता है, या तो नंबर ऑफ कैरेक्टर्स रीड करता है या नंबर ऑफ एलिमेंट्स को रीड करता है, तो यहाँ पे एस क्या है, यहाँ पे ईच लाइन, जितनी लाइंस आएंगी एज अ नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन अ लिस्ट आएगा, तो ठीक है, ये इसको लेंथ फंक्शन क्या करेगा, काउंट करके बता देगा कि कितनी नंबर ऑफ लाइन्स है। ओके, और यहाँ पे प्रिंट फंक्शन तो ऑलरेडी हमारा है यहाँ पे, तो इसको लिखने की जरूरत नहीं है, इसी प्रिंट फंक्शन में हम लिख देते हैं नंबर ऑफ लाइंस इन ए बी सी डॉट टी एक्स टी फाइल आर लाइन काउंट। ठीक है, लाइन काउंट, क्योंकि नंबर ऑफ लाइंस, लाइन फंक्शन आपकी नंबर ऑफ लाइंस काउंट करके कहाँ स्टोर करेगा, लाइन काउंट फंक्शन, सॉरी लाइन काउंट वेरिएबल में। ओके, इसको आप सेव कर लो, देन रन इट। देखो यहाँ पे आ गया नंबर ऑफ लाइन्स इन एबीसी डॉट टी एस टी फाइल इज 11, तो एबीसी डॉट टी एस टी फाइल में कितनी लाइन्स है, 11 लाइन्स है। इसको हम यहाँ, ओके ओके, इन केस यू वॉन्ट टू डिस्प्ले ईच वर्ड ऑफ अ लाइन सेपरेटली एज द एलिमेंट ऑफ द लिस्ट, तो ये क्या कह रहा है, अगर हम चाहते हैं कि जो क्या है लाइन्स आती है, ओके, उसके मतलब
रीड लाइंस फंक्शन क्या करता है, ईच लाइन को एज अ एलिमेंट ऑफ लिस्ट रीड करता है, पर मैं चाहती हूँ कि ईच वर्ड को वो कैसे रीड करे एज अ एलिमेंट ऑफ लिस्ट, लाइन को नहीं ईच वर्ड को, ठीक है। तो आप इसके लिए क्या यूज करोगे, आप इसके लिए स्प्लिट फंक्शन का यूज करोगे। सबसे पहले हमने abc.txt फाइल को ओपन कर लिया, ठीक है, उसको रीड लाइंस के थ्रू रीड करा लिया। यहाँ पे लाइंस एज अ लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग आ गई है जो s के अंदर वेरिएबल के अंदर सेव हो गई है। लेकिन मैं क्या चाहती हूँ, मैं चाहती हूँ लाइन एज अ लिस्ट एलिमेंट ना आए, ईच वर्ड ऑफ द लाइन एज अ लिस्ट एलिमेंट आए, मतलब लाइन का जो एक एक वर्ड है वो लिस्ट एलिमेंट आए। तो उसके लिए हम स्प्लिट फंक्शन का यूज करेंगे और उसको लूप में चलाएंगे, जिससे फॉर लाइन इन s, क्योंकि हमारी लाइंस रीड होके कहाँ गई है, s वेरिएबल के अंदर, फॉर लाइन इन s, ओके। यहाँ पे हम वर्ड्स डिस्प्ले कराना चाहते हैं, s वर्ड्स कैसे डिस्प्ले कराना चाहते हो, s लिस्ट आइटम्स, ओके, लाइन डॉट स्प्लिट, स्प्लिट किया हमने, ठीक है, वर्ड्स इक्वल्स टू लाइन डॉट स्प्लिट। फर्स्ट लाइन रीड होगी, ओके, एस क्या लाइन जो वेरिएबल है वो एस से, जो आपका एस क्या है, एस के अंदर लाइंस है, कंप्लीट लाइंस रीड होके कहाँ गई है, एस वेरिएबल के अंदर। तो जो लाइन वेरिएबल है यहाँ पे वो क्या करेगा, एस में से फर्स्ट लाइन को रीड करेगा। अब हमने क्या कर दिया, यहाँ पे दे दिया वर्ड्स इक्वल टू लाइन डॉट स्प्लिट, स्प्लिट फंक्शन का यूज किया है। तो स्प्लिट फंक्शन क्या करेगा, लाइन्स को वर्ड्स में डिवाइड कर देगा। तो जो फर्स्ट वर्ड है वो वर्ड्स के अंदर चला जाएगा वेरिएबल के अंदर, और इसको हमने करा दिया प्रिंट वर्ड्स, ओके, आपने प्रिंट करा दिया। अब देखो ये जो लूप कब तक चलता रहेगा, जब तक कि कंप्लीट फाइल के वर्ड्स क्या हो जाते हैं, स्प्लिट होके नहीं आ जाते हैं, ओके, क्योंकि देखो लूप कब तक चलता है, टिल द एंड ऑफ द फाइल, समझ आया। फिर से देखो यहाँ पे आपने F1 लिया है फाइल हैंडल और ओपन कराया है फाइल को रीड मोड में, उसके बाद आपने रीड लाइंस फंक्शन की हेल्प से कंप्लीट फाइल को रीड कराया है, लेकिन फाइल किस फॉर्म में रीड हुई है, एज द एलिमेंट ऑफ लिस्ट, वो कहाँ जाके स्टोर हुआ है, s वेरिएबल के अंदर। फिर आपने लूप चलाया है फॉर लाइन इन s, क्योंकि यहाँ पे लाइन जो क्या है वेरिएबल, वो s की पहले फर्स्ट लाइन को एक्सेस करेगा, ओके, फिर कंट्रोल अंदर जाएगा, अंदर जाके हमने क्या किया है, वर्ड्स इक्वल टू लाइन डॉट स्प्लिट, तो ये लाइन को स्प्लिट फंक्शन क्या करेगा, लाइन्स में एक पर्टिकुलर लाइन में जितने भी वर्ड हैं उनको अलग अलग करके मतलब स्प्लिट कर देगा उनको, ओके, और फिर हमने क्या करना है, प्रिंट करा दिया वर्ड्स को। तो यहाँ पे जो वर्ड्स हैं वो एज अ एलिमेंट ऑफ लिस्ट बन के आ जाएंगे। इसको रन कराओ, अब देखो एक एक वर्ड क्या बन गया, लिस्ट का एलिमेंट बन गया। ये देखो फर्स्ट लाइन के, फर्स्ट लाइन के अंदर 3 वर्ड्स थे, तो वो क्या बन गए, ये जो फर्स्ट लिस्ट बनी है वो 3 वर्ड्स की बन गई है। देन सेकेंड लाइन एक लिस्ट बन गई, देन थर्ड लाइन एक लिस्ट बन गई, तो अलग अलग लिस्ट बन गई है, ओके, और जो उनके वर्ड्स थे वो उन लिस्ट एलिमेंट्स बन गए, ओके। अब अगर आप चाहते हो कि जो फाइल की लाइन है, ईच लाइन है, वो एज अ लिस्ट आए, एज अ कंप्लीट लिस्ट आए, एक लिस्ट के एलिमेंट बन के ना आए, एज अ कंप्लीट लिस्ट आए, तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, आप यहाँ पे स्प्लिट लाइंस का यूज कर सकते हो, स्प्लिट लाइंस फंक्शन का, ठीक है। यहाँ पे हमने स्प्लिट फंक्शन की बजाय किसका यूज किया, स्प्लिट लाइन फंक्शन का यूज किया है। तो अब क्या होगा, जो आपकी फाइल की जो लाइंस होगी, फर्स्ट लाइन एज अ लिस्ट आएगी, देन सेकेंड लाइन एज अ लिस्ट आएगी, तो यहाँ पे जितनी लाइंस होंगी उतनी ही लिस्ट बन जाएंगी, ओके। इसको सेव कर लेते हैं, नाउ एग्जीक्यूट कराओ। अब देखो फर्स्ट लाइन एज अ लिस्ट आ गई, देन सेकेंड लाइन एज अ लिस्ट आ गई, थर्ड लाइन एज अ लिस्ट आ गई, किसकी हेल्प से, स्प्लिट लाइन फंक्शन की हेल्प से, ओके। आप टेक्स्ट फाइल के अंदर डेटा को कैसे राइट कर सकते हो, ओके। फॉर राइटिंग टू अ फाइल, फाइल में लिखने के लिए, राइट करने के लिए, वी फर्स्ट नीड टू ओपन इट इन राइट और अपेंड मोड। अगर आप फाइल में रिटन वर्क करना चाहते हो, मतलब उसमें कुछ लिखना चाहते हो, तो आपको सबसे जो पहली रिक्वायरमेंट है वो क्या है, फाइल को ओपन करना होता है, ओके, और किस मोड में ओपन करना होता है, राइट मोड में या फिर अपेंड मोड में, ओके।
While writing data in a file, if file doesn't exist, it will create the new file. जब आप फाइल में डेटा राइट करते हो तो क्या होता है, अगर फाइल एग्जिस्ट नहीं करती है तो वो क्या होती है, क्रिएट हो जाती है. जो भी आपने फाइल का एंटर किया है उस नेम से फाइल, उस पर्टिकुलर पोजिशन पे उस नेम से फाइल क्रिएट हो जाती है, न्यू फाइल. ओके, इफ वी ओपन एन एग्जिस्टिंग फाइल इन राइट मोड द प्रीवियस डेटा विल बी इरेज्ड. अगर आप किसी एग्जिस्टिंग जो ऑलरेडी बनी हुई है फाइल उसको ओपन करते हो किस मोड में, राइट मोड में, तो जो भी डेटा उस फाइल में पहले से लिखा होता है वो सारा क्या हो जाता है, इरेज्ड हो जाता है, मतलब वो डिलीट हो जाता है. एंड द फाइल ऑब्जेक्ट विल बी पोजिशनड एट द बिगनिंग ऑफ द फाइल. और जो फाइल ऑब्जेक्ट होता है वो कहाँ चला जाता है, फाइल की बिगनिंग पर. ओके, अगर आपने एग्जिस्टिंग फाइल को ओपन किया है किस मोड में, राइट मोड में. ओके, आपने एग्जिस्टिंग फाइल को राइट मोड में ओपन किया है तो क्या होता है, जो उसका प्रीवियस डेटा होता है वो इरेज हो जाता है और जो फाइल हैंडल होता है वो कहाँ पे चला जाता है, वो फाइल के स्टार्टिंग में चला जाता है. ओके, इन सबको हम अभी प्रैक्टिकली करके देखेंगे. ओके, अभी थ्योरेटिकली मैं कॉन्सेप्ट आपको समझा रही हूँ. ऑन द अदर हैंड इन अपेंड मोड न्यू डेटा विल बी एडेड एट द एंड ऑफ द प्रीवियस डेटा एज द फाइल ऑब्जेक्ट इज एट द एंड ऑफ द फाइल. लेकिन अपेंड मोड, अगर आपने फाइल को ओपन किया किस मोड में, अपेंड मोड में. ओके, तो क्या होता है, न्यू डेटा एड हो जाता है कहां से, फ्रॉम द एंड ऑफ द फाइल, जहां पे जहां तक डेटा था फाइल के अंदर उसके एंड से न्यू डेटा एंटर हो जाता है. फाइन, मतलब न्यू डेटा प्रीवियस डेटा के साथ जाके ज्वाइन हो जाता है. राइट, After opening the file, we can use the following methods to write data in the file. File open करने के बाद हम इन methods का use करके file के अंदर data को write कर सकते हैं, data को लिख सकते हैं. First method क्या है आपका, write method. For writing a single string, यहाँ पे single string का मतलब है एक line of string, okay, जो आपने enclose किया है single quotes से double quotes के अंदर. ओके, राइट लाइन्स फॉर राइटिंग अ सिक्वेंस ऑफ स्ट्रिंग. यहाँ पे आप क्या, राइट लाइन्स मेथड में आप क्या कर सकते हो, सिक्वेंस ऑफ स्ट्रिंग, आप लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग इसके अंदर एंटर करा सकते हो, कोई भी सिक्वेंस एंटर करा सकते हो, आप टपल इसके अंदर एंटर करा सकते हो. ओके, तो अब इन फंक्शन को हम वन बाय वन देखते हैं. नो फर्स्ट वी हैव राइट मेथड. ओके, तो यहाँ पे क्या करेक्टरिस्टिक्स है राइट मेथड की, राइट मेथड और यू कैन से राइट फंक्शन टेक्स अ स्ट्रिंग एज एन आर्ग्यूमेंट एंड राइट्स इट टू द टेक्स्ट फाइल. क्या करता है राइट मेथड के अंदर, राइट फंक्शन के अंदर आप कोई भी स्ट्रिंग पास करते हो और वो स्ट्रिंग कहाँ पे जाके राइट होती है, वो होती है टेक्स्ट फाइल के अंदर. ओके, आपने राइट फंक्शन के अंदर जो भी स्ट्रिंग को पास किया वो स्ट्रिंग कहाँ पे जाके कहाँ पे जाके एंटर हो जाएगी, टेक्स्ट फाइल के अंदर. ओके, वी नीड टू एड अ न्यू लाइन करेक्टर एट द एंड ऑफ एवरी सेंटेंस टू मार्क द एंड of the line. जब आप string लिख रहे हो, okay, तो अगर आप चाहते हो कि जो next character है वो या next word है वो next line में आए, तो उसके लिए आपको explicitly मतलब खुद से कौन से character का use करना होता है, new line character का. जहाँ जहाँ आप new line character का use करोगे उसके बाद का जो भी string enter की है वो कहाँ चली जाएगी, next line में चली जाएगी. okay? If numeric data are to be written to a text file, the data need to be converted into string. अगर आप text file के अंदर numeric data enter करवाना चाहते हो तो आपको numeric data को सबसे पहले string में convert करना होगा. Okay, using str function. Okay, या फिर आपको string में string को quotes के अंदर डालना होगा जिससे वो string में convert हो जाए. Before writing to the file, मतलब फाइल में अगर आप न्यूमेरिक डेटा एंटर कराना चाहते हो तो आप उसे टेक्स्ट फॉर्म में, स्ट्रिंग फॉर्म में ही एंटर करा सकते हो. आप उसको या तो str फंक्शन का, स्ट्रिंग फंक्शन का यूज करके कन्वर्ट करोगे या फिर उसको डबल कोट्स में या सिंगल कोट्स में एनक्लोज करके स्ट्रिंग में कन्वर्ट करोगे. ओके, द राइट फंक्शन एक्चुअली राइट डेटा ऑन टू अ बफर. राइट फंक्शन क्या करता है, जो उसका डेटा राइट करता है वो एक्चुअली कहाँ करता है, एक टेम्परेरी स्टोरेज एरिया जिसको हम बफर बोलते हैं वहां पे राइट करता है. When the close method is executed, the content from this buffer are moved to the file located on the permanent storage. तो ये क्या कह रहे हैं, जब क्या आता है, क्लोज फंक्शन आता है, एग्जीक्यूट होता है. ओके, तब डेटा बफर से फाइल पर जाके परमानेंटली स्टोर हो जाता है. जैसे मैंने आपको लास्ट वीडियो में एग्जांपल दिया था, अगर आप फाइल को क्लोज नहीं करते हो तो तो क्या होता है, समटाइम्स वो राइट, जो भी आप राइट फंक्शन की हेल्प से लिख रहे हो वो फाइल के अंदर स्टोर नहीं होता है. तो अगर आप चाहते हो कि आपका डेटा फाइल में स्टोर हो तो आप क्या करोगे, फाइल को क्लोज करोगे.
राइट, क्योंकि फाइल जब आप क्लोज करोगे तब डेटा बफर से एंटर से मूव करके कहाँ एंटर करेगा, परमानेंट स्टोरेज आपकी फाइल में. ओके नाउ सिंटेक्स. अब राइट मेथड का सिंटेक्स क्या है, फाइल हैंडल या फाइल ऑब्जेक्ट डॉट राइट, और एसटीआर क्या है, जो स्ट्रिंग आप फाइल के अंदर राइट करवाना चाहते हो. ओके राइट स्ट्रिंग एसटीआर टू द फाइल, तो एसटीआर स्ट्रिंग क्या हो रही है, फाइल के अंदर आप एंटर करवा दोगे, राइट करवा दोगे, रेफरेंस्ड बाय द फाइल हैंडल. ओके जो कौन रेफरेंस प्रोवाइड कर रहा है उसका, फाइल हैंडल, जो कि किससे लिंक है, फाइल हैंडल से लिंक है फाइल. ओके अब इसको प्रैक्टिकली करेंगे हम. ओके नाउ अब यहाँ पे हम राइट फंक्शन का यूज करेंगे, तो आप कमेंट दे दो यूज ऑफ राइट फंक्शन. फाइन, फाइल हैंडल आपने लिया एफ. ओके ओपन, अब मैं यहाँ पे कोई भी एक फाइल नेम ले लेती हूँ, अगर वो ऑलरेडी क्रिएटेड है राइट, और अगर उसको मैं राइट मोड में ओपन करती हूँ तो क्या होगा, उसका प्रीवियस डेटा इरेज हो जाएगा और न्यू डेटा उसके अंदर एंटर हो जाएगा राइट. तो मैं यहाँ पे फाइल ले लेती हूँ demo1.txt, और अगर ये क्रिएटेड नहीं है तो इस नेम से पाइथन की डिफॉल्ट डायरेक्टरी में एक फाइल क्रिएट हो जाएगी. फाइन नाउ f.write मैं इसके अंदर लिख देती हूँ वेलकम टू पाइथन प्रोग्रामिंग. ओके अब अगर आप क्लोज फंक्शन का यूज करके फाइल को क्लोज नहीं करते हो तो क्या होगा, जो आपका डेटा आपने जो स्ट्रिंग दिया है राइट, वो बफर में जाके स्टोर हो जाएगा बट वो फाइल में स्टोर नहीं होगा अगर आपने क्लोज फंक्शन का यूज नहीं किया. इसको हम सेव करते हैं राइट, इसको हम दे देते हैं नेम प्रोग्राम टू राइट. अब इसको एग्जीक्यूट कराएंगे, एग्जीक्यूट हो गया. नाउ वी विल सी कि वो डेटा जाके स्टोर हुआ है या नहीं हुआ है. हमारे पास डेमो वन यहाँ पर फाइल है, देखो इसके अंदर कोई भी डेटा नहीं आया है. फाइन अब जाके हम क्या करेंगे, अपनी फाइल के अंदर इसको क्लोज करेंगे. एफ डॉट क्लोज फंक्शन का यूज करो आप. ओके आपने फाइल को क्लोज कर दिया, सेव कर दो इसको. अब प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करेंगे राइट. आपका प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो गया. नाउ वी विल सी कि डेटा उसके अंदर राइट हुआ है या नहीं हुआ है, डेमो वन राइट. अब आपका इसमें डेटा आ चुका है, वेलकम टू द पाइथन प्रोग्रामिंग. फाइन ओके नाउ नेक्स्ट, अगर मुझे डेमो वन फाइल के अंदर और भी लाइंस और भी स्ट्रिंग्स एंटर करानी है और मैं चाहती हूँ वो अलग अलग लाइन में आए, तो आप यहाँ पे न्यू लाइन कैरेक्टर का यूज करोगे. ओके और मैं क्या करती हूँ, फाइल डॉट राइट, फाइल डॉट राइट यहाँ पे मैं इको स्ट्रिंग एंटर करा देती हूँ, कंप्यूटर साइंस. ओके राइट, चलो एक स्ट्रिंग और एंटर कराते हैं, स्लैशन फॉर न्यू लाइन करेक्टर, एफ डॉट राइट आप दे दो यहाँ पे क्लास 12. ओके सेव कर लेते हैं इसको एंड देन वी विल एग्जीक्यूट इट. हो गया नाउ अब अपनी फाइल में देखेंगे जो हमने और इसके अंदर स्ट्रिंग दिए हैं. ओके वो आ गए हैं, देखो आपने 3 स्ट्रिंग्स इसके अंदर एंटर कराए, वो आपके और न्यू लाइन कैरेक्टर का यूज किया था तो अलग अलग लाइंस में आए हैं. फाइन ओके देखो अब अगर मैं डेमो वन फाइल को ओपन करती हूँ राइट मोड में राइट, तो क्या होगा, तो उसका जो प्रीवियस डेटा था वो क्या होगा, इरेज हो जाएगा, ओवरराइट हो जाएगा, और जो न्यू डेटा आप एंटर करोगे वो उसके अंदर आ जाएगा. अभी हमने 3 स्ट्रिंग्स उसके अंदर एंटर कराई थी. अब देखो डेमो वन को मैं फिर से क्या करती हूँ, ओपन करती हूँ डेमो वन डॉट txt. ओके किस मोड में, राइट मोड में. फाइन और मैंने इसमें दिया f.write python ट्यूटोरियल इन हिंदी. ओके तो डेमो वन फाइल अभी आपने क्रिएट की थी, आपने उसके अंदर 3 स्ट्रिंग्स को एंटर कराया था. अब मैं उसको क्या कर रही हूँ, फिर से ओपन कर रही हूँ और उसमें एक स्ट्रिंग को मैं एंटर करा रही हूँ. तो क्या होगा, जो उसकी प्रीवियस स्ट्रिंग्स हैं, जो भी आपने डेटा उसमें एंटर कराया है, वो क्या होगा, इरेज हो जाएगा, ओवरराइट हो जाएगा, और जो अब आप उसके अंदर स्ट्रिंग एंटर करा रहे हो
ओके सिर्फ वही स्ट्रिंग अब आएगी उसके अंदर, राइट। अब इसको हम सेव कर लेते हैं कंट्रोल एस, राइट। नाउ वी विल एग्जीक्यूट इट, हो गया। अब डेमो वन को हम देखेंगे, डेमो वन को ओपन करके देखो, देखो प्रीवियस डेटा इरेज हो चुका है, आपके पास क्या आ गया, पाइथन ट्यूटोरियल इन हिंदी, ओके ओवरराइट हो चुका है प्रीवियस डेटा, जब अगर आपने इसको राइट मोड में ओपन किया है, ओके लेकिन मैं चाहती हूं कि मैं जब अपनी फाइल को ओपन करूं, ओके तो उसमें प्रीवियस डेटा भी हो और जो मैं करेंट डेटा डालू वो भी आए। तो मान लो मैं इसको अगेन ओपन करती हूं, ओपन, ओके हमारी फाइल है डेमो वन .txt, ओके और मैं क्या चाहती हूँ, जो इसके अंदर ऑलरेडी डेटा है वो इरेज ना हो, तो आप कौन से मोड में इसको ओपन करोगे, इसको अपेंड मोड में ओपन करोगे, राइट। तो अपेंड मोड में ओपन करने से क्या होगा, जो प्रीवियस डेटा है वो एज इट इज रहेगा और जो आप जो भी स्ट्रिंग अब एंटर कराओगे वो क्या होगी, उस स्ट्रिंग के एंड पे एंटर हो जाएगी, ओके मतलब उस जहां पे उस प्रीवियस स्ट्रिंग का एंड होगा वहां से आपकी न्यू स्ट्रिंग यहाँ पे एंटर हो जाएगी। अब मैं एक न्यू स्ट्रिंग यहाँ पे एंटर कराती हूँ, आपने यहाँ पे एंटर करा दिया, वेलकम टू पाइथन प्रोग्रामिंग, ओके और प्रीवियस हमने क्या एंटर कराई थी, उसके अंदर ऑलरेडी पाइथन ट्यूटोरियल इन हिंदी, राइट। अब अपेंड मोड से क्या होगा, उस स्ट्रिंग के एंड से आपकी ये जो स्ट्रिंग आप एंटर करा रहे हो वो क्या होगी, उसके साथ ज्वाइन होके आ जाएगी, मतलब प्रीवियस स्ट्रिंग अब क्या होगी, इरेज नहीं होगी, ओके बिकॉज आपने कौन सा मोड दिया है, अपेंड, अपेंड मतलब ज्वाइनिंग, राइट। इसको सेव कर लेते हैं हम लोग, रन कराओ, फाइन। अब हम अपनी फाइल को देखेंगे, ये देखो पाइथन ट्यूटोरियल इन हिंदी और उसके फिनिश होते ही अपेंड मोड में आपने दिया था तो आपका आ गया वेलकम टू पाइथन प्रोग्रामिंग, राइट। तो यहाँ पे आपका प्रीवियस डेटा ओवरराइट नहीं हुआ है, प्रीवियस डेटा भी है और आपने जो करंट डेटा दिया है वो भी है, ओके नाउ अब हम क्या करेंगे, एक फाइल क्रिएट करते हैं जिसके अंदर अलग अलग लाइंस में डेटा है, राइट। इसी के अंदर हम थोड़ा चेंज कर लेते हैं, एक न्यू फाइल, चलो इसको ही डिलीट कर दिया मैंने और यहाँ पे ओपन एक न्यू फाइल क्रिएट करते हैं स्टूडेंट नेम से, या कोई भी नेम ले लो .txt, राइट। कौन से मोड में, राइट मोड में मैं इसको क्रिएट कर रही हूँ, फाइन। अब यहाँ पे 4i इन रेंज, रेंज 5, राइट। तो मैं कौन सी फाइल क्रिएट कर रही हूँ, मैं यहाँ पे क्या करती हूँ, यूजर से कुछ नेम्स एंटर कराती हूँ और वो नेम्स कहाँ पे जाके राइट होंगे वो मेरी फाइल के अंदर राइट होंगे, राइट। तो फाइल मैंने ओपन कर ली है student.txt, अगर ये ऑलरेडी क्रिएटेड नहीं है तो बन जाएगी, राइट, बिकॉज ऑफ दिस स्टेटमेंट। अब यहाँ पे हमने दिया है फोर लूप, 4i इन रेंज 5, तो आपका जो है लूप कितने टाइम्स चलेगा, 5 टाइम्स चलेगा, राइट। इसमें आप नेम ले लो, नेम इक्वल्स टू इनपुट, एंटर नेम ऑफ स्टूडेंट, फाइन, ओके एंड एफ डॉट राइट, जो भी आप एंटर करा रहे हो, इस जो आपने ये स्टेटमेंट दिया इनपुट एंटर नेम ऑफ स्टूडेंट, राइट, ये आपका क्या, ये प्रॉम्प्ट क्रिएट करेगा जिस जहां पे यूजर अपना डेटा एंटर करेगा, फाइन, ओके। नाउ एफ डॉट राइट, और वो डेटा कहाँ पे जाके आप राइट करा रहे हो, आप राइट फंक्शन की हेल्प से फाइल के अंदर राइट कराएंगे, ठीक है। तो नेम प्लस मैं स्लैश एन कर देती हूँ जिससे जितने भी नेम्स हैं वो अलग अलग लाइंस में आए, ओके, और यहाँ पे हम अपनी फाइल को क्लोज कर देते हैं, फाइन, सेव कर दिया इसको, रन करते हैं, एंटर नेम ऑफ द स्टूडेंट, नेम दे दो, आपने नेम दे दिया नेहा, देन आपने दिया पूजा,
देन आपने दिया रोहन, दीपिका, अमित, ओके राइट। आपने फाइव नेम्स एंटर करा दिए। अब हम अपनी फाइल देखेंगे स्टूडेंट के नेम से जो आपकी फाइल बनी हुई है, ये रही राइट। जो भी आपने नेम्स एंटर कराए हैं वो आपकी फाइल में आ गए, फाइन ओके। प्रोग्राम फोर ओके। अब एक प्रोग्राम मोर बनाते हैं जहां पे हम क्या करेंगे, यूजर से वैल्यूज को एंटर कराएंगे ओके, नंबर्स को एंटर कराएंगे, उसका सम निकाल के उसको अपनी फाइल में स्टोर करेंगे राइट। तो यहाँ पे हम फाइल हैंडल लेते हैं एफ, हमने ले लिया ओपन फंक्शन, और यहाँ पे आप नेम रख लो इसका सम फाइल ओके, कुछ भी नेम ले सकते हो, डॉट टीएक्सटी राइट मोड में इसको ओपन किया है, फाइन। मैंने ले लिया नम वन इक्वल्स टू इंट इनपुट, एंटर फर्स्ट नंबर राइट, देन नम टू इक्वल्स टू int input enter second number okay fine। फिर हमारा सम आ गया, सम क्या है हमारा num1 plus नम टू ओके। अब आपको क्या करना है, यह फाइल के अंदर जो भी आपने यहाँ पे सम निकाला है वो फाइल के अंदर आप क्या करना चाहते हो, राइट कराना चाहते हो, तो यहाँ पे आपने दिया फाइल एफ डॉट राइट राइट ओके। यहाँ पे मैंने ले लिया नम वन इक्वल्स, नम वन इक्वल्स ओके। अब यहाँ पे अगर फाइल में आपको डेटा एंटर कराना है न्यूमेरिकल डेटा, तो आप क्या करोगे, उसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट करोगे, तो str फंक्शन का हम यहाँ पे यूज करेंगे। num1 को हमने पास कर दिया, तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ये स्ट्रिंग में कन्वर्ट हो जाएगा ओके। क्योंकि आप अगर टेक्स्ट फाइल के अंदर न्यूमेरिकल डेटा एंटर करवाना चाहते हो, तो आपको उससे पहले न्यूमेरिकल डेटा को, न्यूमेरिक डेटा को आपको स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना होगा, फाइन। एफ डॉट राइट, यहाँ पे हम ले लेते हैं टैब नम टू, नम टू इक्वल्स एस टी आर नम टू ओके। हमने नम टू को भी कन्वर्ट करा दिया, और अब आप राइट करा दो ये स्लैश टी, मैंने टैब के लिए दिया है ओके, स्पेस के लिए सम सम फाइन, और आपने इसको कर दिया क्लोज ओके। सेव कर लेते हैं, फाइन। इसको एग्जीक्यूट करेंगे, जैसे आपने फर्स्ट नंबर दे दिया 20, एंटर सेकंड नंबर ये आपने दे दिया 40, आपका सम आ गया है। अब हम फाइल में देखेंगे हमने किस नेम से फाइल बनाई थी, सम फाइल करके बनाई थी आपने कुछ एस, ये आपकी सम फाइल है, ये देखो आपका नम वन 20, नम टू आपका 40 और सम आपका आ गया राइट। अब मैं इसको अगर दोबारा से एग्जीक्यूट करती हूँ तो ओवरराइट हो जाएगा मेरा रिजल्ट। मैं इसको देखो अगेन, अगर मैं इसको करती हूँ रन, रन मॉड्यूल, एंटर फर्स्ट नंबर मैंने दिया 35 और सेकंड नंबर दिया मैंने 60 ओके। तो मैं अब इसको ओपन करती हूँ सम फाइल को, तो देखो मेरा प्रीवियस जो था डेटा वो चला गया है। अब अगर आप चाहते हो कि आप जितनी बार कैलकुलेशन कर रहे हो वो इसके अंदर ऐड होता जाए, तो आप फाइल को अपेंड मोड में ओपन करो
ओके मैं राइट मोड कीजिए, अब यहाँ पे इसको अपेंड मोड में कर देती हूँ, अपेंड मोड में ओपन, ओके। और जितना मेरा डेटा है फाइन वो क्या होता जाए, ऐड होता जाए नेक्स्ट नेक्स्ट लाइन में। तो यहाँ पे मैं स्लैश एन देती हूँ, स्लैश एन, ओके इसको सेव कर दो। अब इसको हम रन करते हैं, रन मॉड्यूल, एंटर नंबर 56 दे दिया और आपने यहाँ पे दे दिया 23, ओके। अब देखो ये जो हमने ये प्रीवियस डेटा दिया था और ये वाला, दोनों इसके अंदर आपको मिलेंगे फाइल के अंदर। आप सम फाइल को ओपन करो, ये आपका प्रीवियस भी आ रहा है और ये देखो ये आपका प्रीवियस है, नम 135, नम 260 और 95। ये स्लैश एन वर्क नहीं किया, अभी देखते हैं क्यों नहीं किया। नम 1 फिर आपने 56 दिया है, आपका डेटा आ गया अपेंड मोड में क्योंकि आपने इसको, मैं यहाँ पे एक स्लैश एन और लगा देती हूँ, इसको हम सेव कर लेते हैं। देन अगेन इसको एग्जीक्यूट कराते हैं, इसमें हमने करा दिया फर्स्ट नंबर 34, सेकेंड नंबर आपका आपने दे दिया 56, राइट। अब हम अपनी फाइल ओपन करेंगे, सम फाइल, राइट। अब देखो आपका आ गया है, ओके नेक्स्ट लाइन में आ गया है रिजल्ट, फाइन, ओके। नाउ नेक्स्ट वी हैव राइट लाइंस मेथड, राइट। दिस मेथड इज यूज टू राइट मल्टीपल स्ट्रिंग्स टू अ फाइल। इस मेथड का किस लिए यूज होता है, जिससे आप एक साथ मल्टीपल स्ट्रिंग्स को फाइल के अंदर एंटर करा सको, राइट। वी नीड टू पास एन इटरेबल ऑब्जेक्ट लाइक लिस्ट, लिस्ट लिस्ट किसकी, लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग, टपल ऑफ स्ट्रिंग, ओके। तो आप इसके अंदर कैसे ऑब्जेक्ट्स को पास कराते हो, वो जो इटरेबल हो, जो सिक्वेंस फॉर्म में हो। इटरेबल मीन्स जिसके एलिमेंट्स को वन बाय वन आप एक्सेस कर सको, ट्रेवर्स कर सको, राइट। कंटेनिंग स्ट्रिंग टू द राइट लाइन मेथड, तो अगर आप लिस्ट यहाँ पे पास करो तो लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग, टपल ऑफ स्ट्रिंग, राइट। अगर आपको डेटा को राइट कराना है विद द हेल्प ऑफ द राइट लाइन्स मेथड, ओके। द राइट लाइन्स मेथड राइट द आइटम ऑफ अ लिस्ट टू द फाइल, जो भी आप इसके अंदर लिस्ट, टपल, जो भी पास करा रहे हो, उसके उसके आइटम्स कहाँ जाके राइट होते हैं, फाइल के अंदर जाके राइट होते हैं, फाइन। तो सिंटेक्स क्या है, फाइल हैंडल डॉट राइट लाइन्स, ओके। और जो भी यहाँ, और राइट लाइन फंक्शन के अंदर आप क्या पास कराओगे, सिक्वेंस, सिक्वेंशियल डेटा और आइटरेबल ऑब्जेक्ट लाइक लिस्ट, टपल एक्सेट्रा, फाइन। It writes all the string in the list as lines to the file referenced by the file handle. तो जो भी आप list का elements होंगे वो किस form में आएंगे, as a line, line की form में आएंगे, okay? किस file में, जो कि file handle से link है। अब इसको practically करके देखते हैं, okay? तो यहाँ पे मैंने अपना ideally open कर लिया है, तो command देते हैं use of write lines function. फाइल हैंडल एफ ओपन, ओपन मैंने फाइल का नेम देती हूँ ए बी सी डी एनीथिंग, ओके डॉट टी एस टी, आपने फाइल दे दी ए बी सी डी एंड उसको किस मोड में हम ओपन करें, राइट मोड में, फाइन। अब यहाँ पे लिस्ट, क्योंकि आप राइट लाइन फंक्शन का यूज करोगे तो वहां पे हम लिस्ट को पास करते हैं, तो मैं यहाँ पे लिस्ट ले लेती हूँ। मैंने यहाँ पे ले ली कलर्स की लिस्ट, रेड लेशन, देन ऑरेंज, ऑरेंज, ओके। तो यहां पे मेरा रेड ऑरेंज क्या है, ये आपकी फाइल के अंदर जाके राइट हो जाएंगे, ओके, इन द फॉर्म ऑफ लाइंस। और यहां पे स्लैशन की हेल्प से क्या होगा, अलग अलग लाइंस में आएंगे, फाइन। व्हाइट, देन येलो, ओके येलो एंड ग्रीन, एक और ले लेते हैं ब्लू, ओके फाइन। एफ डॉट राइट लाइन्स और आप इसके अंदर पास कर दोगे लिस्ट को, राइट। फाइल को क्लोज कर देते हैं जिससे कि उसमें डेटा एंटर हो जाए, इसको सेव कर लेंगे, सेव कर लो आप, फाइन। नाउ वी विल एग्जीक्यूट इट,
एग्जीक्यूट हो गया। अब हम अपनी फाइल को देते हैं एबीसीडी नेम से फाइल, एबीसीडी ये आपकी फाइल है। देखो आपका डेटा आ गया है, आपने स्लैशन का यूज एज अ एज डिफरेंट डिफरेंट लाइन्स आया है ओके, और आपने स्लैशन का यूज किया है ओके फाइन। नाउ यहाँ पे आपने लिस्ट फॉर्म में दिया था, अगर आपको टपल की फॉर्म में देना है तो सिंपली आप इसको क्या करोगे, सर्कुलर ब्रैकेट में डाल दो राइट। और रिटर्न मोड में हम इसको ओपन कर रहे हैं तो क्या होगा, ओवरराइट हो जाएगा आपका ओके फाइन। आप इसको टी कर सकते हो अगर शो करना चाहते हो तो टप्पल, जैसे मैंने इसका वेरिएबल का नेम लिया टप फाइन, और यहाँ पे सिंपल आप इसको पास कर दो, सेव कर देंगे राइट। रन करा दो, रन होगी आपकी फाइल और अब आप देखोगे एबीसीडी। तो आपने क्या किया था, डेटा को टपल फॉर्म में पास किया था, आपका डेटा एंटर हो गया है फाइन। नाउ नेक्स्ट, अब एक प्रोग्राम हम लोग करते हैं राइट लेंस का यूज करके, कमेंट देते हैं टू एंटर लिस्ट नेम्स इन अ फाइल एज लाइन्स ओके। तो यहाँ पे हम यूजर से डेटा एंटर कराएंगे और वो कहाँ पे जाके राइट होगा, वो होगा राइट आपकी फाइल में ठीक है। तो आपने फाइल हैंडल ऐप ले लिया ओपन, और फाइल का नेम ले लो आप कुछ भी, यहाँ पे हम फाइल का नेम लेते हैं ab.txt। आप इसको राइट मोड में ओपन कर लो फाइन। अब यहाँ पे हम राइट लाइन्स का यूज करेंगे तो लिस्ट लेंगे, तो एम्प्टी लिस्ट ले ली फाइन। अब फोर आई इन रेंज फाइव ओके, आई इन रेंज फाइव, तो आपका लूप कितने टाइम्स चलेगा, फाइव टाइम्स चलेगा। तो हमने यहाँ पे ले लिया स्टेटमेंट नेम इक्वल्स टू इनपुट, इनपुट एंटर नेम ऑफ स्टूडेंट, कुछ भी ले लो नेम ऑफ स्टूडेंट फाइन। लिस्ट, अब वो जो आप एंटर कराओगे वो कहाँ पे हो जाए, जो आपने एम्प्टी लिस्ट ली थी, लिस्ट डॉट अपेंड, लिस्ट में जाके अपेंड हो जाए ठीक है, नेम जो आप नेम एंटर करा रहे हो। और मैं यहाँ पे इसको न्यू लाइन करेक्टर ले लेती हूँ, जिससे कि क्या होगा नेम्स अलग अलग लाइन में आएंगे ठीक है। तो यहाँ पे हमने ले लिया एफ डॉट राइट लाइन्स, राइट लाइन्स लिस्ट, लिस्ट में जो भी डेटा अपेंड होगा वो कहाँ पे चला जाएगा, फाइल के अंदर एंटर हो जाएगा बिकॉज ऑफ दिस स्टेटमेंट एफ डॉट राइट लाइन्स, क्योंकि आपने राइट लाइन्स फंक्शन में लिस्ट को पास किया है। अब हम क्या कर देंगे, फाइल को क्लोज कर देंगे ओके, इसको सेव कर लेते हैं। नाउ वी विल एग्जीक्यूट इट ठीक है। आपने एंटर कराना नेम, तो मैंने करा दिया टीना, पूजा, अमित, गौरव, स्नेहा फाइन। अब हम अपनी फाइल में देखते हैं, ए बी फाइल थी हमारी, ए बी फाइल देखो आपका आ गया टीना, पूजा, अमित, गौरव, स्नेहा, जो अभी आपने इसके अंदर एंटर कराए थे वो आपकी फाइल में राइट हो चुके हैं ओके। ये कि आप बाइनरी फाइल में कैसे डेटा को राइट करोगे एंड कैसे डेटा को रीड करोगे ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास दो प्रोसेस है, पिकलिंग एंड अनपिकलिंग राइट। अब इसको समझते हैं, वी नो डेट पाइथन कंसीडर्स एवरीथिंग एज एन ऑब्जेक्ट ओके। पाइथन के अंदर हर चीज को क्या कंसीडर किया जाता है, ऑब्जेक्ट माना जाता है। सो ऑल डेटा टाइप्स इंक्लूडिंग लिस्ट, टपल, डिक्शनरी एक्सेट्रा आर ऑल्सो कंसिडर्ड एज ऑब्जेक्ट। तो जो भी आप डेटा टाइप्स भी यूज करते हो, यहाँ पे एग्जाम्पल है लिस्ट, टपल, डिक्शनरी, वो
भी वो उन सबको भी क्या कंसीडर किया जाता है, ऑब्जेक्ट्स, राइट। सिंस ऑब्जेक्ट्स हैव सम स्ट्रक्चर और हायरार्की एसोसिएटेड, इट इज इंपॉर्टेंट दैट दे आर स्टोर्ड इन अ वे सो दैट देयर स्ट्रक्चर हायरार्की इज मेंटेन। तो एक ऑब्जेक्ट क्या होता है, एक आइडेंटिटी होती है, एक एंटिटी होती है, राइट। तो उसका कुछ ना कुछ स्ट्रक्चर होता है, कोई ना कोई हायरार्की होती है उसकी। तो यहाँ पे हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट हो जाता है कि हम स्ट्रक्चर को, मतलब ऑब्जेक्ट को इस तरीके से सेव करें मेमोरी के अंदर कि उसका जो स्ट्रक्चर है वो मेंटेन रहे। समझ आया, पाइथन में हर चीज को ऑब्जेक्ट कंसीडर किया जाता है, ओके। और जो ऑब्जेक्ट होता है उसका एक पर्टिकुलर स्ट्रक्चर होता है, राइट, एक पर्टिकुलर। तो उस स्ट्रक्चर को मेंटेन करने के लिए आपको इस तरीके से उस ऑब्जेक्ट को सेव करना है मेमोरी के अंदर कि उसका स्ट्रक्चर मेंटेन रहे, राइट। अब देखो पिकलिंग क्या होता है, पिकलिंग क्या है, पिकलिंग इज द प्रोसेस वेयर बाय अ पाइथन ऑब्जेक्ट इज कन्वर्टेड इनटू अ बाइट स्ट्रीम। पिकलिंग वो प्रोसेस होता है जहां पे पाइथन ऑब्जेक्ट को, पाइथन ऑब्जेक्ट क्या है आपका, लिस्ट, टपल, डिक्शनरी, ओके। तो पाइथन ऑब्जेक्ट को कन्वर्ट कर दिया जाता है बाइट स्ट्रीम में, बाइट स्ट्रीम में कन्वर्ट करके उसको बाइनरी फाइल की फॉर्म में सेव कर दिया जाता है, ओके। पिकलिंग इज द प्रोसेस वेयर बाय अ पाइथन ऑब्जेक्ट इज कन्वर्टेड इनटू अ बाइट स्ट्रीम। समझ आया, पिकलिंग कौन सा प्रोसेस है जहां पे किसी भी ऑब्जेक्ट को, लाइक लिस्ट हो गया, टपल हो गया, डिक्शनरी हो गया, इसको किस में कन्वर्ट कर दिया जाएगा, इसको बाइट स्ट्रीम में कन्वर्ट कर दिया जाएगा और एज अ बाइनरी फाइल सेव कर दिया जाएगा, ओके। दीज बाइट स्ट्रीम्स इन अ बाइनरी फाइल कैन देन बी स्टोर्ड इन अ डिस्क। और अब ये जो बाइट स्ट्रीम है किस बाइनरी फाइल के अंदर, उसको आप कहीं पर भी स्टोर कर सकते हो, डिस्क के अंदर स्टोर कर सकते हो, आप डेटाबेस के अंदर स्टोर कर सकते हो, या फिर आप उसको नेटवर्क के थ्रू कहीं और भी सेंड कर सकते हो, ओके। पिकलिंग प्रोसेस इज ऑल्सो कॉल्ड एज सीरियलाइजेशन, पिकलिंग को हम सीरियलाइजेशन भी कहते हैं। तो पिकलिंग क्या है, सिंपली पिकलिंग है कन्वर्जन, कन्वर्जन मीन्स आप यहाँ पे ऑब्जेक्ट को कन्वर्ट कर रहे हो किस फॉर्म में, बाइट की फॉर्म में, ओके। देन नेक्स्ट वी हैव अनपिकलिंग, अनपिकलिंग क्या है, इज द इनवर्स ऑफ पिकलिंग प्रोसेस वेयर अ बाइट स्ट्रीम इज कन्वर्टेड बैक टू पाइथन ऑब्जेक्ट। अनपिकलिंग क्या है, जहां पे आप क्या कर रहे हो, जो आपने ऑब्जेक्ट को बाइट स्ट्रीम में कन्वर्ट किया था उसको आप अगेन ऑब्जेक्ट के फॉर्म में कन्वर्ट कर दोगे, ठीक है। अनपिकलिंग प्रोसेस इज ऑल्सो कॉल्ड एज डीसीरियलाइजेशन। समझ आया, पिकलिंग क्या है, जहां पे आप पाइथन ऑब्जेक्ट को बाइट स्ट्रीम में कन्वर्ट कर रहे हो, ओके, इन ऑर्डर टू राइट इट इन अ बाइनरी फाइल। आप क्यों कन्वर्ट कर रहे हो पाइथन ऑब्जेक्ट को बाइट स्ट्रीम में, जिससे कि आप उसे बाइनरी फाइल के अंदर राइट कर सको, ओके, उसे स्टोर कर सको बाइनरी फाइल के अंदर, ओके, और इस प्रोसेस को सीरियलाइजेशन कहते हैं, राइट। अब अनपिकलिंग क्या है, अनपिकलिंग क्या है, आपका बाइट स्ट्रीम अगेन कन्वर्ट हो जाए पाइथन ऑब्जेक्ट में, लिस्ट में, टपल में, जिससे कि आप उसको आराम से रीड कर सको, राइट, और इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, डीसीरियलाइजेशन, ओके। अब जो पिकलिंग का जो प्रोसेस है वो किसकी हेल्प से होता है, वो पिकल मॉड्यूल की हेल्प से होता है, राइट। टू सेव एनी ऑब्जेक्ट स्ट्रक्चर अलोंग विद डेटा पाइथन प्रोवाइड्स अ मॉड्यूल कॉल्ड पिकल। तो पाइथन हमें क्या प्रोवाइड करता है, एक मॉड्यूल प्रोवाइड करता है जिसका नाम है पिकल, राइट। अ पिकल मॉड्यूल इज यूज्ड फॉर सीरियल, अब मॉड्यूल क्या होता है, मॉड्यूल इज अ कलेक्शन ऑफ फंक्शंस। मॉड्यूल क्या होता है, आप बोल सकते हो कलेक्शन होता है डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ फंक्शंस का, राइट। तो पाइथन हमें क्या प्रोवाइड कर रहा है, पिकल मॉड्यूल, ओके, किस लिए, जिससे कि हम पिकलिंग का प्रोसेस कर सकें। पिकलिंग का प्रोसेस मतलब हम किसी भी ऑब्जेक्ट को बाइट स्ट्रीम में कन्वर्ट करके बाइनरी फाइल के अंदर स्टोर कर सकें, ओके, या फिर आप कह सकते हो ऑब्जेक्ट को बाइनरी फाइल के अंदर राइट कर सकें, राइट, ओके। द पिकल मॉड्यूल इज यूज फॉर सीरियलाइजिंग एंड डी सीरियलाइजिंग एनी पाइथन ऑब्जेक्ट स्ट्रक्चर। तो यहाँ पे हमें पाइथन ने पिकल मॉड्यूल प्रोवाइड किया है जिससे हम पिकलिंग कर सकते हैं, ओके, राइट, ओके। नाउ हियर वी हैव टू मेथड्स, ठीक है। तो यहाँ पे पिकल मॉड्यूल हमें दो मेथड्स प्रोवाइड करता है, डंप एंड लोड, टू वर्क विद बाइनरी फाइल्स फॉर पिकलिंग एंड अनपिकलिंग, ठीक है। पिकलिंग करने के लिए मतलब डेटा को राइट करने के लिए, और अनपिकलिंग मींस डेटा को रीड करने के लिए पिकल मॉड्यूल आपको दो मेथड्स प्रोवाइड करता है, एक है डंप
मेथड और डंप फंक्शन एंड सेकेंड है लोड फंक्शन. ठीक है, द पिकल मॉड्यूल मस्ट बी इम्पोर्टेड टू लोड एंड डंप डेटा. पिकल आपको अगर अपनी फाइल में पिकलिंग करनी है या अनपिकलिंग करनी है, इसके लिए आपको पिकल मॉड्यूल को इम्पोर्ट करना पड़ेगा. बिकॉज अगर आप पिकल मॉड्यूल को इम्पोर्ट नहीं करोगे तो आप उसके फंक्शन को कैसे यूज कर पाओगे. उसका डंप और लोड फंक्शन को यूज करने के लिए आपको पिकल मॉड्यूल को अपने प्रोग्राम के अंदर क्या करना पड़ेगा, इम्पोर्ट करना पड़ेगा. राइट, ओके, अब इसको प्रैक्टिकली करेंगे. राइट, नाउ पहले डंप फंक्शन देख लेते हैं. दिस मेथड इज यूज टू राइट एन ऑब्जेक्ट ऑन टू अ बाइनरी फाइल ओपन इन द राइट मोड. और इस प्रोसेस को पिकलिंग कहा जाता है. पिकलिंग क्या है, डेटा को मतलब ऑब्जेक्ट को राइट करना बाइनरी फाइल के अंदर. ठीक है, पिकलिंग का प्रोसेस क्या है, आप जब ऑब्जेक्ट को राइट करते हो बाइनरी फॉर्म में बाइनरी फाइल के अंदर. राइट, The file in which data are to be dumped needs to be opened in the binary mode. जिस फाइल के अंदर आप क्या करना चाहते हो, डेटा को डंप करना चाहते हो, डंप्ड मीन्स राइट करना चाहते हो, उसको वहां पे स्टोर करना चाहते हो, तो आपको उस पर्टिकुलर बाइनरी फाइल को पहले ओपन कर लेना है. किस मोड में, राइट मोड में, क्योंकि यहाँ पे आप क्या करना चाहते हो, डेटा को और यू कैन सी ऑब्जेक्ट को डंप करना चाहते हो, राइट करना चाहते हो बाइनरी फाइल में. ओके, सिंटेक्स क्या है इसका, पिकल डॉट डंप, क्योंकि ये डंप किसका फंक्शन है, पिकल मॉड्यूल का. पिकल डॉट डंप ऑब्जेक्ट टू बी रिटर्न, जो भी ऑब्जेक्ट आप लिखना मतलब राइट करना चाहते हो, लिस्ट, टपल, डिक्शनरी, व्हाटएवर. ओके, एंड फाइल हैंडल ऑफ द ओपन फाइल. ओके, और यहाँ पे क्या आएगा, उस पर्टिकुलर फाइल का फाइल हैंडल जिससे वो फाइल लिंक है. ओके, अब इसको प्रैक्टिकली करेंगे. ओके, अब हम यहाँ पे पहले कमेंट देते हैं, राइट इन अ बाइनरी फाइल. ओके, राइट इन अ बाइनरी फाइल, राइट इन अ बाइनरी फाइल. सबसे पहले आप क्या करोगे, इंपोर्ट करोगे पिकल को, इंपोर्ट पिकल मॉड्यूल. राइट, अब मैं क्या लेती हूँ, मैं कोई भी एक ऑब्जेक्ट लेती हूँ, जैसे मैंने यहाँ पे ले लिया लिस्ट ले लिया. ठीक है, लिस्ट में मैंने ले लिया, सिंपल सा प्रोग्राम बना के दिखा रही हूँ. वन देन रोहन. ओके, यहाँ पे आप ले लो मेल एंड आप एज ले लो 28. ओके, एक आपने सिंपल सी लिस्ट क्रिएट की. राइट, अब यहाँ पे मेरा फाइल हैंडल है F और मैं ओपन कर रही हूँ फाइल अपनी. जैसे मैंने यहाँ पे कर दिया, कोई भी आप नेम दे दो, जैसे आपने इस फाइल का नेम दे दिया. क्या दोगे आप इसका नेम, माइन दे दो, कुछ भी दे दो, वॉट एवर डॉट डेट. किस मोड में ओपन करोगे इसको आप, राइट मोड में. और कौन सी फाइल है, बाइनरी फाइल. ओके, नाउ आपने फाइल को ओपन करा लिया. अगर ये फाइल क्रिएट नहीं है तो ये क्रिएट हो जाएगी. राइट, और किस फॉर्म में आपने इसको ओपन कराया है, आपने इसको राइट मोड में ओपन कराया है, सो डेट यू कैन राइट योर डेटा इन दिस बाइनरी फाइल. अब आप क्या करोगे, पिकल डॉट, हमें क्या करना है, डेटा को इसके अंदर डंप कराना है. डंप मतलब लिखना है, तो पिकल डॉट डंप लिस्ट और यहाँ पे आपका आ गया फाइल हैंडल. ओके, देन एफ डॉट क्लोज, आपने फाइल को क्लोज कर दिया. समझ आया, सबसे पहले इंपोर्ट किया पिकल मॉड्यूल को, फिर आपने कोई भी ऑब्जेक्ट ले लिया, पाइथन ऑब्जेक्ट, यहाँ पे मैंने लिस्ट ले लिया है. राइट, फिर मैंने यहाँ पे फाइल को ओपन कराया है, बाइनरी फाइल को, किस मोड में, राइट मोड में. ओके, ये एफ क्या है, हमारा फाइल हैंडल है. अब क्या करना है, लिस्ट को माइन डॉट, जो माइन डॉट डेट फाइल है, ओके, उसके अंदर हमें क्या करना है, उसको राइट करना है, डंप करना है. तो हम इसको यहाँ पे पास कर दिया, इस ऑब्जेक्ट को डंप फंक्शन के अंदर पास कर दिया एंड फाइल हैंडल को पास कर दिया. राइट, एंड एफ डॉट क्लोज. ओके, अब हम देखेंगे कि जो डेटा हमने राइट कराया है उसको हम रीड कैसे कर सकते हैं.
ओके तो उसके लिए रीड करने के लिए हमारे पास है लोड मेथड, राइट। हमने राइट तो करा दिया, मतलब डंप तो करा दिया, अब उसको क्या करना है, उसको रीड करना है। उसके लिए कौन सा फंक्शन है आपके पास, लोड फंक्शन, ठीक है। दिस मेथड इज यूज टू लोड और अनपिकलिंग डेटा फ्रॉम अ बाइनरी फाइल। इसका किस लिए यूज किया जाता है, सो डेट जो बाइनरी डेटा आपने स्टोर कराया है वो आपको मिले, किस फॉर्म में मिले, ह्यूमन रीडेबल लैंग्वेज में मिले, ओके, ऑब्जेक्ट की फॉर्म में मिले। अभी आपने क्या कराया, उसको डंप कराया, किस फॉर्म में, बाइनरी फॉर्म में, मींस बाइट्स की फॉर्म में, ओके। अब लेकिन जब आप उसको देखो, जब आप उसको रीड करो, तो किस फॉर्म में रीड करो, आप उसको ऑब्जेक्ट फॉर्म में रीड करो, ह्यूमन रीडेबल लैंग्वेज में रीड करो। तो यहाँ पे उसके लिए कौन सा फंक्शन यूज होगा, लोड फंक्शन, ओके। बाइट स्ट्रीम इज कन्वर्टेड बैक टू ऑब्जेक्ट सो डेट वी कैन रीड इट। तो लोड फंक्शन की हेल्प से क्या होता है, आप उस डेटा को रीड कर सकते हो, क्योंकि क्या होगा, लोड फंक्शन कन्वर्ट कर देगा अगेन बाइट को इंटू ऑब्जेक्ट, ओके। The file to be loaded is opened in the binary read mode. अब आप फाइल को किस मोड में ओपन करोगे, binary read mode में, ओके। यहाँ पे सिंटेक्स क्या है, स्टोर ऑब्जेक्ट इक्वल्स टू पिकल डॉट लोड फाइल हैंडल, राइट। अब देखो पिकल डॉट लोड, पिकल मॉड्यूल का लोड फंक्शन है जिसके अंदर आप उस पर्टिकुलर फाइल का फाइल हैंडल पास करोगे, फाइन, ओके। एंड जो आपका डेटा यहाँ से रीड होगा वो कहाँ पे जाके स्टोर होगा, यहाँ पे इस पर्टिकुलर वेरिएबल में, फाइन। तो देखो हियर द पिकल्ड पाइथन ऑब्जेक्ट इज लोडेड फ्रॉम द फाइल हैविंग अ फाइल हैंडल नेम फाइल हैंडल, मतलब इस फाइल हैंड जो ये फाइल हैंडल है वो क्या है, उस पर्टिकुलर फाइल का हैंडल है जहां से आप डेटा को रीड कर रहे हो, ओके। एंड इज स्टोर्ड इन अ न्यू फाइल हैंडल कॉल्ड स्टोर ऑब्जेक्ट, और ये डेटा कहां पे जाके स्टोर हो जाएगा, एक न्यू फाइल हैंडल में जाके स्टोर हो जाएगा जिसका नेम क्या है, स्टोर ऑब्जेक्ट, ओके। इसको प्रैक्टिकली करेंगे तब आपको समझ आएगा, ओके। अब मैं यहाँ पे हमने देख लिया कि रीड के लिए क्या होता है, लोड फंक्शन का यूज होता है। अब यहाँ पे हम रीड कर लेंगे, रीड डेटा फ्रॉम बाइनरी फाइल, ओके। अब हमारे पास क्या है, अब इसको हम क्या करते हैं, फाइल को अपने को ओपन करते हैं, ओपन राइट। आपकी फाइल का नेम क्या है, माइन डॉट डेट, डेट क्या है, डेटा फाइल है जो बाइनरी डेटा को स्टोर करती है, ओके। अब इसको हमें किस मोड में ओपन करना है, हमें इसे रीड मोड में ओपन करना है, आरबी मींस रीड मोड, किसका रीड मोड, बाइनरी फाइल का रीड मोड, ओके। नाउ अब आप इसको फाइल हैंडल, अब यहाँ पे हम एक वेरिएबल लेते हैं, मान लो हमने ले लिया एलएसटी जो हमारा डेटा स्टोर करेगा। अब क्या करेंगे, पिकल डॉट लोड, क्योंकि यहाँ पे हमें रीड करना है, कौन सी फाइल से रीड करना है, उसका फाइल हैंडल आपने दे दिया एफ, राइट, ओके। तो ये क्या है, रीड फ्रॉम फाइल ओपन्ड विद द फाइल हैंडल एफ, ओके राइट। एंड स्टोर द रीड डेटा इन द ऑब्जेक्ट, कहाँ पे जाके स्टोर होगा, जो आप रीड करोगे डेटा, इस ऑब्जेक्ट में, ओके। Now, अब आप क्या करा दो, प्रिंट करा दो, जो भी डेटा आपका आएगा LST के अंदर उसको प्रिंट करा दो, और उसके बाद आप कर दो फाइल को क्लोज, फाइन। अब एक बार फिर से इसको समझ लो, फिर मैं इसको एग्जीक्यूट करके दिखाऊंगी। सबसे पहले आपने क्या किया, बाइनरी फाइल में डेटा को राइट किया, ओके। आपने इंपोर्ट किया पिकल मॉड्यूल को, राइट। हमने एक पाइथन का ऑब्जेक्ट लिया लिस्ट, उसमें डेटा दे दिया है, राइट। अब आपने यहाँ पे क्या किया है, बाइनरी फाइल को ओपन किया है। अगर बाइनरी फाइल ऑलरेडी क्रिएटेड नहीं है तो उस नेम से क्रिएट हो जाएगी। तो यहाँ पे मैंने माइन डॉट डेट फाइल ली है, उसको किस मोड में ओपन किया है, राइट मोड में, क्योंकि हमें इसमें डेटा राइट कराना है, ओके। और डेटा राइट कराने के लिए पिकल मॉड्यूल का डंप फंक्शन यूज होता है, राइट। आपने इसके अंदर जो भी डेटा राइट कराना है उसको पास कर दिया, और फाइल हैंडल पास कर दिया, राइट। एंड देन आपने फाइल को क्लोज कर दिया, एफ डॉट क्लोज। ये हमारा रिटर्न प्रोसेस हो गया, इतना आपका क्या हुआ, डेटा राइट हो गया है। अब उस डेटा को हमें रीड करना है, फाइन। रीड करने के लिए आपने क्या किया, ओपन किया फाइल को, किस मोड में, रीड मोड में, ओके। एंड देन आपने क्या दिया, पिकल
मॉड्यूल का लोड फंक्शन यूज किया जिसके अंदर आपने फाइल हैंडल को पास करा दिया। अब जो भी डेटा इस फाइल हैंडल की हेल्प से रीड होगा वो कहाँ चला जाएगा, एलएसटी ऑब्जेक्ट के अंदर चला जाएगा, राइट। और आपने एलएसटी ऑब्जेक्ट को कोई भी नेम ले सकते हो, आप प्रिंट करा दिया, देन आपने फाइल को क्लोज कर दिया। अब यहाँ पे हम एक प्रिंट स्टेटमेंट दे सकते हैं, प्रिंट क्या देंगे, द डेटा डेट वर स्टोर्ड इन फाइल आर, ओके। ये एक प्रिंट स्टेटमेंट हो दे दिए, डेटा जो आपका आएगा उससे पहले ही प्रिंट स्टेटमेंट आ जाएगी, ठीक है। तो इसको हम सेव कर लेते हैं, इसको ले लो आप फाइल फोर, राइट। अब रन करेंगे प्रोग्राम को, रन, देखो द डेटा डेट वाज स्टोर्ड इन फाइल आर, जो भी जो आपने राइट करवाया था डेटा वो आपके पास आ गया है, फाइन, ओके। तो यहाँ पे देखो जो फर्स्ट प्रोसेस था जिसमें आपने डेटा को राइट किया था इसको हम बोलते हैं पिकलिंग, और जहां पे आपने डेटा को रीड किया है उसको बोलते हैं हम अनपिकलिंग। जब डेटा राइट होता है तो ये ऑब्जेक्ट किस फॉर्म में कन्वर्ट होता है, ये ऑब्जेक्ट बाइनरी फॉर्म में कन्वर्ट होने के बाद बाइनरी फाइल के अंदर क्या होता है, राइट होता है। और इसके लिए पिकल मॉड्यूल के डंप फंक्शन का यूज होता है डेटा को राइट करने के लिए, किस फॉर्म में, बाइनरी फॉर्म में। अगर आपको रीड करना है तो किस, अगेन वो अनपिकलिंग प्रोसेस होता है, रीड कैसे करते हो आप अपनी लैंग्वेज में ही रीड कर पाओगे, तो बाइनरी फॉर्म से डेटा ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट हो जाता है, और वो कौन करता है, पिकल मॉड्यूल का लोड फंक्शन, फाइन, ओके। अब एक प्रोग्राम हम और करके देखते हैं इसके अंदर, जो नेक्स्ट प्रोग्राम से पहले एक थोड़ा डेटा और इसके अंदर राइट करवा के देखते हैं। डिक्ट मैंने एक डिक्शनरी ले ली, ओके, यहाँ पे एक डिक्शनरी क्रिएट करते हैं हम, ईएमपी नंबर एम्प्लॉय नंबर, राइट, इसका हमने ले लिया की, ले लिया एम्प्लॉय नंबर और वैल्यू ले ली 101, राइट, एंड देन आपने ले लिया नेम की, ओके, एंड वैल्यू ले ली आपने रीमा, ओके, एंड देन आप ले लो एज, एज, राइट, वैल्यू ले लो आप 25। यहाँ पे हम एक डिक्शनरी क्रिएट कर रहे हैं, ओके। अभी हमने लिस्ट को राइट कराया था, अब हम क्या करेंगे, डिक्शनरी को भी इस सेम प्रोग्राम के अंदर राइट कराएंगे, ओके, फाइन। यहाँ पे हमने डिक्शनरी ले ली, अब क्या करना है, उसको राइट कराना है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे पिकल डॉट डंप, डंप के अंदर आपको क्या पास कराना है, डिक्ट, क्योंकि आप डिक्शनरी को राइट करा रहे हो, ओके, और फाइल हैंडल, राइट, राइट का प्रोसेस आपने यहाँ कर दिया। अब हम इसको रीड भी करेंगे, रीड करेंगे तो आप यहाँ पे ले लो, तो यहाँ पे हमने वेरिएबल ले लिया डीसीटी, कोई भी वेरिएबल ले लो, ऑब्जेक्ट वेरिएबल, ठीक है। फिर हमने क्या लिया, इसको हम रीड कराएंगे पिकल डॉट लोड, और यहाँ पे आप ले लो फाइल हैंडल, फाइन। अब जैसे आपने प्रिंट को प्रिंट कराया था लिस्ट को, वैसे ही हम प्रिंट करा देंगे डेटा को, ठीक है। इस स्टेटमेंट से डेटा राइट हो गया, ओके, इस स्टेटमेंट से डेटा आपका रीड हो गया। अब आपको जो डेटा रीड हुआ है उसको प्रिंट कराना है, तो यहाँ पे आप इसको प्रिंट करा दो, राइट। इसको हम सेव कर लेते हैं, सेव कर लिया, नाउ वी विल रन इट। अब देखो द डेटा डेट वाज स्टोर्ड इन द फाइल, अब जो आपने पहले फर्स्ट लिस्ट दी थी, देन सेकंड आपने डिक्शनरी दी थी, ये आपके पास रीड होके आ गई है, फाइन। अब एक प्रोग्राम बनाते हैं जिसपे हम यूजर से डेटा एंटर कराएंगे, ओके, देन उसको बाइनरी फाइल के अंदर राइट कराएंगे एंड देन रीड कराएंगे, ओके। तो सबसे पहले हमने कर दिया इम्पोर्ट पिकल, जो बहुत ही जरूरी है, ओके। यहाँ पे हम एक कमेंट लेते हैं, राइटिंग डेटा, राइटिंग डेटा ऑन फाइल,
ओके पहले राइटिंग प्रोसेस करेंगे। फाइल हैंडल से आप अपनी फाइल को ओपन करेंगे, राइट। तो मैंने यहाँ पे मैंने ले लिया अपनी फाइल का नाम माई बाइनरी डॉट डेट। ये डेटा फाइल है जो किस फॉर्म में डेटा को स्टोर करती है, बाइनरी फॉर्म में। तो यहाँ पे आप डेटा को राइट करना है तो आप क्या किस मोड में ओपन करोगे, राइट मोड में ओपन करोगे बाइनरी फाइल को। ओके ओके नाउ हम इसके अंदर आप राइट आप क्या करेंगे, हमें क्या करना है यूजर से डेटा लेना है। तो एक मैं यहाँ पे कमेंट डालती हूँ गेट डेटा टू राइट ऑन टू द फाइल, ठीक है। हमें डेटा लेना है किस लिए, फाइल में राइट कराने के लिए। ओके वेरिएबल या आंसर उसमें हमने इसको इनिशियलाइज कर दिया वैल्यू यस से वाई से। ओके और जब तक आपका ये क्या रहता है आंसर इस वेरिएबल में, आप जब तक कौन सी वैल्यू रहती है वाई, ओके तब तक आप क्या इनपुट कराओगे यूजर से, रोल नंबर इंट इनपुट, क्योंकि इसको हमें क्या इंटीजर है तो इसको हमें इन फंक्शन से कन्वर्ट करना पड़ेगा इंटीजर में। ओके एंटर रोल नंबर फाइन। अब हम क्या एंटर कराएंगे, नेम इनपुट, ये ऑलरेडी स्ट्रिंग में है तो इसको कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है। इनपुट फंक्शन किस फॉर्म में डेटा को रीड करता है, लेता है किस फॉर्म में, स्ट्रिंग फॉर्म में। तो अगर आप इंटीजर वैल्यू दे रहे हो तो आपको उसको कन्वर्ट कराना होता है फ्रॉम स्ट्रिंग टू इंटीजर बाय यूजिंग द इंट फंक्शन। ओके अब यहाँ पे हम ले लेते हैं मार्क्स, तो मार्क्स को आप फ्लोट में करवा सकते हो क्योंकि डेसिमल में भी आप नंबर्स देते हो, ठीक है। फ्रैक्शंस में भी होते हैं जैसे 2.5 4.5 इनपुट एंटर मास। फाइन अब आपने क्या किया, यहाँ पे आपने प्रॉम्प्ट प्रोवाइड किया जिससे डेटा क्या होगा यूजर एंटर करेगा। अब हम क्या करते हैं इस डेटा को हम करा लेते हैं। अभी हमने यहाँ पे क्या क्रिएट करनी थी, एक डिक्शनरी क्रिएट करनी थी, फाइन एम्प्टी डिक्शनरी, जिससे कि हम उसके अंदर डेटा को स्टोर कर सके। तो हमारे पास एक एम्प्टी डिक्शनरी है स्टोर नेम की, ओके जिसके अंदर आप अब यहाँ पे हम जो भी डेटा यूजर से रीड करा रहे हैं वो हम इस डिक्शनरी के अंदर स्टोर कर देंगे, फाइन। तो यहाँ पे ऐड रीड डेटा इनटू डिक्शनरी, ओके हमारे पास एम्प्टी डिक्शनरी है स्टू नेम की। ओके अब यहाँ पे स्टू के आप फर्स्ट जो आपकी लोगे रोल नंबर उसकी क्या वैल्यू क्या दोगे जो आप यहाँ पे यूजर से एंटर करा रहे हो वो वैल्यू, ओके देन सेकंड की इसकी क्या है नेम, राइट उसमें कौन सा डेट उसमें क्या स्टोर होगा नेम जो आप यूजर से एंटर करा रहे हो ये नेम, फाइन। देन आपका टू मार्क्स, मार्क्स की के अंदर आपका मार्क्स एंटर करा दो, फाइन। अब यहाँ पे इतने प्रोसेस में क्या हुआ है, हमने यूजर से डेटा को एंटर कराया और जो भी एंटर हो रहा है वो कहाँ पे हमने स्टोर करा दिया, एम्प्टी जो हमारी फाइल थी उसमें हमने स्टोर करा दिया। अब जो हमारा डेटा आया है उसे हमें क्या करना है, फाइल के अंदर राइट करना है, जो हमारी कौन सी फाइल है माई बाइनरी डॉट डेट। ओके तो इसको हम राइट करेंगे नाउ, एक कमेंट ले लेते हैं राइट इनटू दी फाइल, राइट इनटू दी फाइल, ओके ओके। तो आप राइट कराने के लिए कौन सा फंक्शन यूज करते हो, पिकल मॉड्यूल का डम फंक्शन,
तो यहाँ पे हम डम फंक्शन का यूज करेंगे। डम फंक्शन के अंदर आप डिक्शनरी को पास कर दोगे, पाइथन ऑब्जेक्ट है डिक्शनरी, ठीक है, और आप फाइल हैंडल को पास करोगे, राइट। अब यहाँ पे आप ले लो आंसर जो हमने वेरिएबल दिया था इनपुट, क्योंकि वो तो क्या होगा, यस होगा तो डेटा लेता ही रहेगा, पर यहाँ कहीं ना कहीं तो हमें ब्रेक लगानी है। वॉन्ट टू एंटर मोर रिकॉर्ड्स, फाइन। तो यहाँ पे आप यस और नो, जब तक वाई एंटर है तब तक वो डेटा लेता रहेगा, जब तक आप वाई एंटर करोगे तब तक वो डेटा लेता रहेगा। तो जहां पे आपने एन या कोई भी डिफरेंट वो लेते तो वो क्या होगा, उसको एंट्री करनी बंद कर देगा। तो यहाँ पे हम लेंगे नो, ठीक है। तो ये देखो एफ डॉट क्लोज, यहाँ पे जो ये आपने ये जो प्रोसेस किया है उससे आपका डेटा क्या होगा, राइट होगा, फाइन। अब हमें क्या करना है, रीड करना है, ओके, डेटा को रीड करना है। तो रीड करने के लिए आप क्या करते हैं, हम इसको लोड फंक्शन का यूज करके जो भी डेटा आप राइट करोगे उसको रीड करेंगे, फाइन। तो मैं यहाँ पे लेती हूँ कमेंट रीडिंग डेटा फ्रॉम फाइल, ओके, रीडिंग डेटा फ्रॉम फाइल, फाइन। नाउ अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, डेटा को रीड करके एक एम्प्टी डिक्शनरी के अंदर आप स्टोर करोगे जो भी डेटा आप रीड करोगे। तो मैंने यहाँ पे एक एम्प्टी डिक्शनरी ले ली है टू, ओके, जो ये आपने इस फाइल में डेटा को रीड करा है माई बाइनरी डॉट डेट। अब आपको इसी फाइल से डेटा को रीड कराना है तो वो कहाँ पे जाके उस डेटा को कहाँ रीड कराऊंगी, मैं एक और एम्प्टी डिक्शनरी, इसलिए मैंने होल्ड उस डेटा को होल्ड करने के लिए बना लिया, ठीक है। अब हमें फाइल को ओपन करना है किस मोड में, तो मैंने ये फाइल हैंडल ले लिया फिन नेम से, ओके, और ओपन करना है, ओपन ओपन करना है आपको अपनी फाइल को। तो मैंने यहाँ पे मेरी फाइल का नेम है माय बाइनरी डॉट डेट, ओके। हम और मैं इसको किस मोड में, रीड मोड में इसको अब ओपन करूंगी क्योंकि अब मुझे डेटा रीड कराना है, ओके, फाइन। नाउ अब यहाँ पे जो मैं कोड लिखूंगी वो ट्राई ब्लॉक के अंदर लिखूंगी, राइट, एक्सेप्शन हैंडलिंग के लिए। अब एक्सेप्शन हैंडलिंग हम जब डेटा रीड कराते हैं बाइनरी फाइल से तब हम उसको एक्सेप्शन हैंडलिंग तब करना होता है। क्यों करना होता है, क्योंकि क्या होता है, जो पिकल का लोड फंक्शन है वो क्या करता है, वो एंड ऑफ फाइल एरर रेज करता है, ओके, जब आप एंड ऑफ फाइल पे पहुंच जाते हो रीड करते हुए तब क्या होता है, वो एंड ऑफ फाइल एरर को रेज करता है। तो इस एरर को अवॉइड करने के लिए हम इसमें ट्राई एंड एक्सेप्ट ब्लॉक का यूज करेंगे, ओके। तो मैं यहाँ पे दे देती हूँ अपना ट्राई ब्लॉक, ट्राई ब्लॉक के अंदर करेंगे प्रिंट फाइल, कुछ भी आप दे दे प्रिंट, मैं यहाँ पे देती हूँ डेटा रीड फ्रॉम फाइल इज, और आप ये भी लिख सकते थे डेटा इज, मतलब जो भी रीड कर चुके हो इज, ये मैंने वैसे एक प्रिंट स्टेटमेंट दे दी, ओके। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, लूप लगाएंगे क्योंकि हमें डेटा को रीड करना है। वाइल ट्रू, मैंने क्या दिया है, वाइल ट्रू, वाइल ट्रू का क्या है, यहाँ पे इट विल बिकम फॉल्स अपॉन एंड ऑफ फाइल, जो ये ट्रू की वैल्यू है, राइट, वो फॉल्स कब होगी, जब एंड ऑफ फाइल तक वो पहुंच जाएगा, डेटा रीड करते करते कहाँ पे पहुंच जाएगा, एंड ऑफ फाइल, अदरवाइज ये ट्रू रहेगी, ठीक है। तो मैंने वाइल ट्रू दिया है कि जब तक फाइल ट्रू रहेगी तब तक डेटा रीड होता रहेगा, और ये फॉल्स कब होगा, जब ये पहुंच जाएगा एंड ऑफ फाइल, ओके, वाइल ट्रू, ओके। अब हम जब तक ट्रू है तब तक जो हमने, अब यहाँ पे देखो टू हमने एम्प्टी डिक्शनरी ली थी, ओके, तो इस टू के अंदर क्या स्टोर हो जाए, पिकल डॉट लोड,
ओके, और इसमें हम कर देंगे फाइल हैंडल को पास, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, रीड रिकॉर्ड इन टू डिक्शनरी फ्रॉम फिन फाइल हैंडल। अब यहाँ पे जो हमारा फाइल हैंडल है, इसका ये जो हमारी माई बाइनरी डॉट फाइल है, डॉट डेट फाइल है, वो किससे कनेक्टेड है, वो फिन से। फिन इसका क्या है, फाइल हैंडल, इससे कनेक्टेड है। तो यहाँ पे पिकल डॉट लॉट फंक्शन के अंदर आपने इस फाइल को पास किया, इस फाइल के हैंडल को पास किया, तो लॉट फंक्शन क्या करेगा, डेटा को रीड करेगा, और रीड करने के बाद उसको कहाँ जाके स्टोर कर देगा, स्टू ऑब्जेक्ट के अंदर। जो स्टू आपने डिक्शनरी क्रिएट की थी एम्प्टी, वहां पे जाके जो भी डेटा रीड होगा वो यहाँ पे जाके स्टोर हो जाएगा। फाइन, डेटा स्टोर हो गया है, अब हम उसे प्रिंट करा देते हैं। प्रिंट स्टू, डेटा को प्रिंट करा दिया, ओके राइट। अब आपका क्या करेंगे, अब हम हमारा प्रोसेस पूरा हो गया है, तो हम अब ले लेंगे एक्सेप्ट ब्लॉक। यहाँ पे आप लिख भी सकते हो, क्योंकि ये कौन सा एरर क्रिएट करता है, एंड ऑफ फाइल एरर, ठीक है। जो आपका लोड फंक्शन है वो एंड ऑफ फाइल एरर रेज करता है, जब कहाँ पे पहुंच जाता है, एंड ऑफ फाइल। तो मैंने इसका नेम भी दे दिया एंड ऑफ फाइल, और इसके अंदर सिंपली हम दे देते हैं फिन डॉट क्लोज फाइल हैंडल। फाइन, ओके। तो ये हमारा क्या है, रीडिंग के लिए, ओके। अब इसको क्या करेंगे, सेव करेंगे एंड एग्जीक्यूट करेंगे। सेव कर लो आप इसको, इसको मैंने कर दिया फाइल के नेम से, राइट। अब हम इसको रन कर देते हैं, रन मॉड्यूल। रोल नंबर हमारा 1 है। नेम आप दे दो, नेम दे दो आप इसके अंदर, देते नेहा, मार्क्स 78, यस। और रिकॉर्ड्स ले लेते हैं, आपने नंबर दे दिया 2, नेम ले लिया रोहन, और मार्क्स ले लिया आपने 67, यस। और रिकॉर्ड हम इसमें स्टोर कर देते हैं, नेम आपका हो गया 5, वो सॉरी रोल नंबर आपका हो गया 3, ठीक है। नेम आपने ले लिया अमित, ओके, एंड ये ले लिया आपने 89। और रिकॉर्ड आपको करने हैं, अब नो कर देते हैं, राइट। तो देखो आपका ये प्रोसेस क्या था पूरा, आपका जब आप डेटा को राइट करे, यूजर से लेकर डेटा को आपने राइट किया, अब यहाँ पे देखो डेटा रीड फ्रॉम फाइल इज, ये आपका यहाँ पे रीड होके आ गया, ओके। जो भी आपने डेटा एंटर किया था वो हमने कहाँ स्टोर कराया था, डिक्शनरी की फॉर्म में स्टोर कराया था, एक एम्प्टी डिक्शनरी में। तो ये देखो आपका डेटा जो भी आपने यहाँ पे रीड कराया वो डिक्शनरी की फॉर्म में स्टोर होके आ गया आपके पास। एक बार मैं फिर से इसको समझा देती हूँ। सबसे पहले आपने पिकल मॉड्यूल को इंपोर्ट किया, फिर आपने क्या किया, आपको डेटा राइट करना है बाइनरी फाइल में, ओके। तो हमने ऑब्जेक्ट लिया यहाँ पे एम्प्टी ऑब्जेक्ट 2, क्योंकि यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे हम डेटा यूजर से इनपुट करा रहे हैं, फिर उसको क्या कर रहे हैं, डंप कर रहे हैं। डंप मतलब उसको स्टोर कर रहे हैं बाइनरी फाइल में, फाइन। तो यहाँ पे ओके, तो आपने ये स्टेटमेंट दिया, बाइनरी फाइल ओपन की है, माई बाइनरी डॉट डेट किस फॉर्म में, बाइनरी सॉरी राइट मोड में, ओके। यहाँ पे हमने एक वेरिएबल लिया, और एक वेरिएबल लिया है आंसर ans, और उसको इनिशियलाइज किया आपने 22 से। तो जब तक और लूप लगा लिया, व्हाइल आंसर इज कंपेयर टू y, मींस यहाँ पे जो डबल इक्वल्स टू होता है वो कंपैरिजन के लिए होता है, कि जो वैल्यू आंसर के अंदर है क्या वो y है, यहाँ पे कंपैरिजन हो रहा है। तो जब तक है तब तक ये आपका लूप चलता रहेगा और वैल्यू एंटर होती रहेगी, फाइन। आपने वैल्यूज जो भी एंटर करे थे वो कहाँ पे स्टोर करा दी, डिक्शनरीज में स्टोर करा दी यहाँ पे, ओके। देन आपने जो भी डेटा स्टोर हुआ है उसको कहाँ पे पास कर दिया, पिकल मॉड्यूल के डम फंक्शन के अंदर पास कर दिया, राइट। ये जो भी डिक्शनरी के अंदर डेटा स्टोर हुआ वो आपने डम फंक्शन के अंदर उसको एज अ ऑब्जेक्ट पास कर दिया, फाइन। तो क्या होगा, डम फंक्शन उसको राइट कर देगा बाइनरी फॉर्म में, बाइनरी फाइल के अंदर, ओके। एंड ये आपका फाइल हैंडल आपको पास करना होता है। यहाँ पे आपने यहाँ पे चॉइस दिया कि आपको और इनपुट कराना है या नहीं कराना है, ये आपका राइट, ऐसे आपने डेटा को राइट कर दिया और फाइल को क्लोज कर दिया। फिर आपने डेटा को रीड कराया है, रीड करते टाइम आपने डेटा को क्या किया है, ट्राई एक्सेप्ट ब्लॉक के अंदर आपने स्टेटमेंट दिया, क्योंकि यहाँ पे जो लोड फंक्शन होता है वो क्या रेज कर देता है, एंड ऑफ फाइल एरर रेज कर देता है, जब एंड ऑफ फाइल आता है रीड करते हुए, ओके। सिंपल आपने फाइल को ओपन किया रीड मोड में,
ओके एंड देन आपने क्या किया है, तब तक आपकी फाइल चलेगी वाइल ट्रू ले लिया, और ये फॉल्स कब होगा, ट्रू जब आपका एंड ऑफ फाइल हो जाएगा। ओके पिकल डॉट लोड फिन फाइल हैंडल को आपने इसमें पास कराया है, तो क्या करेगा, लोड फंक्शन उस पर्टिकुलर फाइल से डेटा को रीड करेगा और उसे कहाँ पास कर देगा, इस टू वेरिएबल के अंदर, जो कि एक आपकी एम्प्टी डिक्शनरी है। फिर आपने डेटा को क्या किया है, प्रिंट करा दिया है, राइट ये आपने एक्सेप्ट ब्लॉक में दे दिया कि किस टाइप की एरर आ सकती है। अब देखो यहाँ पे हमने राइट एंड रीड फंक्शन कर दिया। अगर आप क्या करना चाहते हो, डेटा को अपेंड करना चाहते हो, अपेंड मींस ज्वाइन और डेटा ज्वाइन करना चाहते हो अपने फाइल के अंदर, तो आप क्या कर सकते हो, फाइल को अपेंड मोड में ओपन कर सकते हो। तो यहाँ पे अपेंडिंग रिकॉर्ड्स इन अ बाइनरी फाइल, टू अपेंड रिकॉर्ड्स इन अ बाइनरी फाइल मेक श्योर टू ओपन द फाइल इन अपेंड मोड। अगर आपको डेटा को क्या करना है, अपेंड कराना है, जो ऑलरेडी क्रिएटेड डेटा है उसमें आपको और डेटा उसमें राइट कराना है, ओके तो क्या होगा, आपको उसको अपेंड मोड में ओपन करना पड़ेगा। अगर आप फाइल को दोबारा से ओपन करते हो तो क्या होगा, पुराना वाला डेटा डिलीट हो जाएगा और जो न्यू इंसर्ट करोगे सिर्फ वही आएगा, लेकिन आप नहीं चाहते हो, आप चाहते हो कि जो आपका प्रीवियस डेटा है वो भी रहे और न्यू डेटा भी एड हो जाए, तो किस फॉर्म में आप फाइल को ओपन करोगे, अपेंड मोड में। A file opened in append mode will retain the previous records and append the new record written in the file. तो जो आप अगर append mode में फाइल को ओपन कर रहे हो तो प्रीवियस रिकॉर्ड को भी रिटेन करेगा और न्यू रिकॉर्ड भी आप उसमें राइट कर सकते हो। अदरवाइज अगर आप फाइल को अगेन राइट मोड में ओपन करोगे तो क्या होता है, ओवर राइट हो जाता है, प्रीवियस डेटा डिलीट हो जाता है, न्यू डेटा उसमें जाके स्टोर हो जाता है। ओके एज यू राइट इन बाइनरी फाइल सेम वे यू राइट रिकॉर्ड्स व्हाइल अपेंडिंग यूजिंग द डम फंक्शन। तो जब आप अपेंड कर रहे हो डेटा तो आप कैसे करोगे डेटा को राइट, सेम वे में डम फंक्शन का यूज करके ही हम उसको राइट करेंगे। सिर्फ यहाँ पे हमें ओपन करते टाइम मोड चेंज करना है, अपेंड मोड रखना है और बाकी का प्रोसेस सारा सेम है, जैसे हम डेटा को राइट करते हैं वैसे ही अपेंड होगा। ओके इसको प्रैक्टिकली मैं बताती हूँ। अब देखो इसी प्रोग्राम को, ये जो मेरा पूरा कंप्लीट प्रोग्राम है, मैं क्या करती हूँ इसको कॉपी करती हूँ, ठीक है सिंपल, और मैं एक न्यू फाइल क्रिएट करती हूँ, राइट। अब लेकिन मैं क्या करती हूँ यहाँ पर, मैं फाइल को राइट मोड की जगह अपेंड मोड में ओपन करूंगी। अगर मैं इसको अगेन राइट मोड में ही ओपन करूंगी तो जो मेरा प्रीवियस डेटा है वो डिलीट हो जाएगा, न्यू डेटा जो अभी एंटर होगा सिर्फ वही आएगा, तो मैं यहाँ इसको अपेंड मोड में कर दूंगी। यहाँ पे मैंने लिख दिया ए, फाइन यहाँ पे लिख दिया ए, और पूरा का पूरा एज इट इज सेम है, कुछ भी चेंज नहीं किया मैंने यहाँ पे, सिर्फ मैंने यहाँ पे मोड चेंज किया है, फाइन। तो अब जब मेरी माई बाइनरी फाइल ओपन होगी तो वो किस मोड में ओपन होगी, अपेंड मोड में ओपन होगी। अपेंड मोड में ओपन होने का मतलब क्या है, जो माई बाइनरी फाइल के अंदर जो प्रीवियस डेटा भी हमने स्टोर किया था वो भी रहेगा और जो न्यू डेटा हम डालेंगे वो भी इसके अंदर स्टोर हो जाएगा। इसको सेव कर लेते हैं, इसको मैंने ले लिया फाइल 6, ओके रन रन मॉड्यूल, इसको कैंसिल करते हैं, दोबारा से करते हैं न्यू रन रन मॉड्यूल, राइट। आपका रोल नंबर आ गया, रोल नंबर हमने 3 तक लिया था तो हम 4 ले लेते हैं, 4 नेम ले लेते हैं यहाँ पे दीपा, और मार्क्स ले लेते हैं 56, यस। एक और रिकॉर्ड इसके अंदर ऐड कर लेते हैं, 5 रिकॉर्ड हम इसमें कर लेते हैं, नेम ले लेते हैं हम इसके अंदर अनिशा एंड देन 90 marks, yes, एक और record, 6, मतलब 3 हमने पहले किए थे, 3 और 3 अभी कर लेते हैं, roll number 6, name, पूजा, and इसके marks हो गए 78, okay, आप कर देते हैं, no, अब देखो, यहाँ पे आपके 6 record आए हुए, see, देखो, roll number 1, 2, 3, ये हमारे क्या थे, previous records थे, okay, ये आपके previous records थे, फाइन। अब यहाँ पे आपके देखो 6 तक आया हुआ है आपका 6 तक आया हुआ है, यहाँ पे देखो 6 तक रिकॉर्ड आया हुआ है, तो यहाँ पे क्या हुआ, अपेंड हुआ है। अगर आप इसको राइट मोड में ओपन करते तो क्या होता है, ये जो हमारे ये जो 3 रिकॉर्ड थे ये डिलीट हो जाते हैं और फिर बाकी ओनली यही 3 रिकॉर्ड आते हैं। तो यहाँ पे हमने क्या किया, अपेंड फंक्शन का अपेंड मोड में फाइल को ओपन करके डेटा को राइट करा दिया एंड रीड करा दिया, ओके।
हाउ वी कैन एक्सेस रेंडम डेटा फ्रॉम अ फाइल. अभी तक जो आपने किया था रीड फंक्शन का यूज, तो आपने देखा था कि आपने एक सिक्वेंशियल वे में डेटा को एक्सेस किया था, राइट. अब यहाँ पे हम डेटा को किसी भी पोजिशन से एक्सेस कर सकते हैं. कैसे कर सकते हैं? पाइथन प्रोवाइड टू फंक्शन डेट हेल्प्स यू टू मैन्यूपुलेट द पोजिशन ऑफ द फाइल पॉइंटर. पाइथन आपको दो फंक्शन प्रोवाइड करता है जिसकी हेल्प से आप पॉइंटर, फाइल पॉइंटर की पोजिशन को चेंज कर सकते हो, मैन्यूपुलेट कर सकते हो. एंड दिस यू कैन रीड एंड राइट फ्रॉम डिजायर्ड पोजिशन इन द फाइल. और अगर आप फाइल पॉइंटर की पोजिशन चेंज कर सकते हो तो उसकी हेल्प से आप किसी भी पर्टिकुलर पोजिशन से फाइल को रीड भी कर सकते हो और राइट भी कर सकते हो. ओके, दीज फंक्शंस आर टेल फंक्शन एंड सीक फंक्शन. ये कौन कौन से फंक्शन है? टेल फंक्शन है एंड सीक फंक्शन है. ओके, दीज फंक्शंस वर्क आइडेंटिकली विद द टेक्स्ट फाइल्स एज वेल एज द बाइनरी फाइल्स. तो ये दो जो फंक्शन है, टेल फंक्शन और सीक फंक्शन, इन दोनों की वर्किंग, इन दोनों का फंक्शन सेम है विद टेक्स्ट फाइल के साथ और बाइनरी फाइल के साथ. ओके, तो अब इन फंक्शन को हम करते हैं वन बाई वन. First we have tell method or you can say tell function. Okay, this function returns an integer that specifies the current position of the file object. तो आप जब tell function का use करते हो तो ये क्या return करता है? एक ये integer value return करता है जो बताती है कि आपकी file pointer की position कहाँ है. ओके, file pointer आपका कहाँ है? थर्ड पोजिशन पे है, फोर्थ पोजिशन पे है, या किसी भी पोजिशन पे है, राइट. The position so specified is the byte position from the beginning of the file till the current position of the file object. जो position ये बताता है वो कहाँ से start करता है, कहाँ से बताना start करता है? From the beginning of the file. Okay? Right? The syntax of using tell function is file object dot tell function. Right? तो जब आप इस function का use करते हो तो आपको क्या syntax use करना है? File object dot tell function. Right? अब मैं इसको practically करके दिखाती हूँ आपको. ओके, अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक अपना प्रोग्राम क्रिएट करते हैं. एफ क्या है आपका? फाइल पॉइंटर है. ओके, फाइल हैंडल, फाइल ऑब्जेक्ट. तो यहाँ पे फाइल ले लेते हैं abc.txt. ये मेरी ऑलरेडी क्रिएटेड फाइल है पाइथन की डिफॉल्ट डायरेक्टरी में. इसको मैं रीड मोड में ओपन करती हूँ. ओके, राइट. अब हम क्या करेंगे, प्रिंट करा देंगे f.read. तो f.read फंक्शन से क्या होगा, आपकी कंप्लीट फाइल रीड हो जाएगी. ओके, और प्रिंट भी हो जाएगी. फाइन, अब यहाँ पे जब वो कंप्लीट फाइल रीड करेगा तो क्या होगा, फाइल पॉइंटर बिगनिंग से लेकर एंड तक जाएगा, राइट. ओके, तो ये क्या बता देगा, यहाँ पे हम नेक्स्ट लेते हैं फाइल पॉइंटर की पोजिशन. फाइल pointer is now at bytes. Complete file में कितने bytes हैं ये आपको ये show कर देगा f.tell, क्योंकि complete file read होने के बाद pointer, file pointer की position क्या होगी, at the end of the file, right? Okay, इसको हम save कर लेते हैं. कोई भी name ले लेते हैं, जैसे आपने ले लिया इसका f1. Already here F4 ले लो, चलो, राइट. रन मोड. ओके, ये देखो ये आपकी कंप्लीट फाइल आ गई है, आपने रीड करा दी. और फाइल पॉइंटर इज नाउ एट बाइट्स 408, राइट. इसने नंबर ऑफ बाइट्स भी काउंट करके बता दिए. फाइल पॉइंटर आपका क्या है, एंड ऑफ द फाइल, राइट. और नंबर ऑफ बाइट्स इसने काउंट करके बता दिया है 408, राइट. ओके, तो टेल फंक्शन ने क्या बताया आपको, करेंट पोजीशन ऑफ फाइल पॉइंटर बताइए कहां पर है. ओके, अब देखो अगर मैं क्या चाहती हूँ, इसमें से सिर्फ 10 बाइट्स या 10 कैरेक्टर्स को रीड करना चाहती हूँ. ओके, सेव कर दो. नाउ वी विल एग्जीक्यूटेड, रन. अब देखो आपके फर्स्ट 10 कैरेक्टर इसके अंदर क्या हो गए हैं, रीड हो गए हैं. और क्या आ गया, फाइल पॉइंटर इज नाउ एट बाइट्स 10. आपने 10 कैरेक्टर्स रीड कराए थे, अब इसकी पोजीशन क्या है, फाइल पॉइंटर की 10. ओके, ओके, अब इसमें क्या करते हैं, कुछ लाइंस और ऐड करके देखते हैं कि जब स्टार्टिंग में आपने इसको ओपन किया था फाइल, तो इसकी फाइल पॉइंटर की पोजीशन क्या थी. तो हम यहां पे ले लेते हैं इनिशियली
फाइल पॉइंटर्स पोजीशन इज एट, राइट, एफ डॉट टेल। तो बिगनिंग में ये क्या रिटर्न करता है, जीरो, क्योंकि ये कहां से स्टार्ट करता है, जीरो से स्टार्ट करता है, राइट। तो हमने यहाँ पे एफ डॉट टेल की हेल्प से आप बिगनिंग कहां पे आपका फाइल पॉइंटर है वो पोजीशन यहाँ पे प्रिंट करा दोगे, राइट। ओके, अब यहाँ पे मैं प्रिंट करा देती हूं, हम देते हैं रीड 10 bytes, रीड 10 bytes। ओके, वो 10 bytes को रीड कर लेगा, फाइन। अब आफ्टर रीडिंग 10 bytes हमने ये स्टेटमेंट दे दिया, फाइल पॉइंटर इज नाउ एट bytes दिस, राइट। अब क्या करते हैं, और 10 bytes को हम रीड कराते हैं, प्रिंट रीड नेक्स्ट 10 bytes। ओके, इन नेक्स्ट 10 bytes को रीड करने के लिए हम क्या कराएंगे, f डॉट रीड, और इसमें दे देंगे हम 10, राइट। पहले आप 10 bytes रीड कराओगे, फिर आपने क्या किया, एक और स्टेटमेंट दिया है, रीड नेक्स्ट 10 bytes f डॉट रीड फंक्शन। ओके, देन प्रिंट, इसको हम ऊपर से कॉपी कर लेते हैं, प्रिंट ओके एंड डॉट क्लोज, राइट। इसको सेव कर लेते हैं, अब इसको रन करा के देखते हैं, रन मॉड्यूल। नाउ लुक एट दिस, इनिशियली फाइल पॉइंटर पोजीशन इज एट जीरो, ठीक है। आपकी इनिशियल जो पोजीशन होती है फाइल पॉइंटर की वो कहाँ होती है, जीरो, इसकी स्टार्टिंग की पोजीशन को बोलते हैं जीरो, राइट। इनिशियली फाइल पॉइंटर्स पोजीशन इज एट जीरो, राइट। देन आपने क्या कराया, रीड 10 bytes, तो रीड 10 bytes इसने जो इसका 10 bytes को रीड किया आफ्टर फ्लाई, ओके, एफ एल वाई आई, 10 bytes को कर दिया। अब फाइल पॉइंटर की पोजिशन क्या है, 10, ओके। नाउ अब यहाँ पे थोड़ा विजिबल नहीं है, इसको मैं थोड़ा ऊपर करती हूँ। अब नेक्स्ट आपने कराया रीड नेक्स्ट 10 bytes, तो इसने नेक्स्ट 10 bytes को रीड किया है। अब फाइल पॉइंटर की पोजीशन क्या है, 20, राइट। पहले 10 थी, ओके, जब आपने 10 करेक्टर्स को रीड कराया था, फिर आपने 10 करेक्टर्स को और रीड कराया, ओके, यहां से देखो, फिर आपने 10 करेक्टर्स को और रीड कराया, तो आप कहाँ पे पोजिशन आ गई है, 20, ओके। यहाँ पे देखो, इसको समझते हैं, इनिशियली आपकी फाइल पॉइंटर की पोजीशन क्या थी, जीरो थी, यहाँ के स्टार्टिंग ऑफ द फाइल, इसको जीरो कंसीडर करते हैं, ओके। फिर आपने कमांड क्या दी है, 10 bytes को रीड कराने के लिए, तो इसने 10 bytes को रीड किया, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ओके, ये आपका रिजल्ट आ गया, इतना आपका रिजल्ट आ गया, फाइन। देन आपने फिर क्या किया, नेक्स्ट 10 bytes को रीड कराया, अब यहां से नेक्स्ट 10 bytes को ये रीड करेगा, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ओके, ये आपका आ गया रिजल्ट, राइट। तो अब फाइल पॉइंटर की पोजीशन कहाँ आ गई है, बाइट 20 पर, ओके। नाउ नेक्स्ट वी हैव सीक मेथड, ओके। आपने टेल मेथड किया, टेल मेथड आपको क्या बताता है, फाइल पॉइंटर की पोजीशन बताता है, राइट, ओके। आप फाइल पॉइंटर की पोजीशन को चेंज कर सकते हो यूजिंग टेल मेथड, ओके। नाउ वी हैव सीक मेथड और सीक फंक्शन। दिस मेथड इज यूज्ड टू पोजीशन द फाइल ऑब्जेक्ट एट अ पर्टिकुलर पोजीशन इन अ फाइल, ओके। इसकी हेल्प से आप क्या कर सकते हो, फाइल ऑब्जेक्ट को एक पर्टिकुलर पोजीशन पे क्या कर सकते हो, उसको ले जा सकते हो, फाइल पॉइंटर को, या और यू कैन से फाइल ऑब्जेक्ट को, राइट। अब यहाँ पे सीक का सिंटेक्स क्या है, फाइल ऑब्जेक्ट डॉट सीक, ओके, और इसके अंदर आप पास करोगे ऑफसेट एंड रेफरेंस पॉइंट, ओके। मतलब सीक मतलब क्या, एक पर्टिकुलर पोजीशन को आपको ग्रैब करना है, एक पर्टिकुलर पोजीशन पे आपको जाना है, तो आप किसका यूज करोगे, सीक फंक्शन का यूज करोगे, राइट। कैसे, यहाँ पे देखो सिंटेक्स जो है उसको
मैं यहाँ पे एक्सप्लेन कर रही हूँ, ओके। ऑफसेट क्या है? इज द नंबर ऑफ बाइट्स बाय विच द फाइल ऑब्जेक्ट इज टू बी मूव्ड। मतलब कितने बाइट्स आपको फाइल पॉइंटर को चलना है, ओके। ये क्या बताता है? ऑफसेट बताता है कि कितने बाइट्स फाइल पॉइंटर चलेगा, 1, 2, 3, 4 कितने बाइट्स उसको चलना है, राइट, ओके। अब नेक्स्ट वी हैव द रेफरेंस पॉइंट और यू कैन से मोड। मोड क्या बताता है कि उसे कहां से चलना है, बिगनिंग से चलना है फाइल पॉइंटर को, या फिर अभी वो किसी और पोजीशन पे है उस करंट पोजीशन से चलना है, या फिर वो एंड ऑफ द फाइल है एंड ऑफ द फाइल से उसको चलना है इन द बैकवर्ड डायरेक्शन। तो ये कौन बताता है? ये रेफरेंस पॉइंट बताता है। समझ आया? देखो फिर से देखो, फाइल ऑब्जेक्ट डॉट सीक फंक्शन। सीक फंक्शन के अंदर आप दो पैरामीटर्स पास करते हो, ऑफसेट एंड रेफरेंस पॉइंट। रेफरेंस पॉइंट को हम मोड भी बोलते हैं। ऑफसेट बताता है कि फाइल पॉइंटर कितने बाइट्स मूव करेगा, ठीक है, और फॉरवर्ड मूव करेगा या बैकवर्ड मूव करेगा, राइट। एंड रेफरेंस पॉइंट बताता है कि वो कहाँ से मूव करेगा, बिगनिंग ऑफ द फाइल से मूव करेगा, या फिर इस जो भी उसकी करेंट पोजीशन है वहां से मूव करेगा, या एंड ऑफ द फाइल से मूव करेगा, राइट। ये कौन बताता है? रेफरेंस पॉइंट बताता है, ओके। अब देखो रेफरेंस पॉइंट क्या है? जीरो अगर है आपने दिया है तो क्या होगा? बिगनिंग ऑफ द फाइल से आपका फाइल पॉइंटर मूव करेगा। अगर आपने वन दिया है रेफरेंस पॉइंट या मोड, तो जो भी फाइल पॉइंटर की करंट पोजीशन है वो वहां से मूव करेगा, और अगर आपने टू दिया है तो एंड ऑफ द फाइल से मूव करेगा, ओके। बाय डिफॉल्ट द वैल्यू ऑफ रेफरेंस पॉइंट इज जीरो। और बाय डिफॉल्ट अगर आप कोई भी रेफरेंस पॉइंट नहीं देते हो, ओनली ऑफसेट ही देते हो कि कितने बाइट्स चलना है फाइल पॉइंटर को, ओके, तो कहां से स्टार्ट करता है? बिगनिंग से स्टार्ट करता है, राइट। द ऑफसेट इज काउंटेड फ्रॉम द बिगनिंग ऑफ द फाइल, ओके। वी कैन मूव द फाइल पॉइंटर इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन बाय गिविंग द पॉजिटिव वैल्यू फॉर बाइट्स। अगर आप पॉजिटिव ऑफसेट देते हो तो क्या होगा? फॉरवर्ड डायरेक्शन में आपका फाइल पॉइंटर चलेगा। अगर आप नेगेटिव ऑफसेट देते हो तो किस डायरेक्शन में चलेगा? वो बैकवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगा, राइट। तो सीक मेथड से आप क्या कर सकते हो? अपने फाइल पॉइंटर को कहीं भी उसको कहीं पे भी लोकेट कर सकते हो, ठीक है, वो कहीं पर भी उसको पहुंचा सकते हो, और वहां से आप अगर डेटा एक्सेस करना चाहते हो वो आप एक्सेस कर सकते हो, फाइन। इसको प्रैक्टिकली करके देखते हैं, ओके। नाउ एफ क्या है? आपका फाइल पॉइंटर है, ओके। आप क्या करोगे? फाइल को ओपन करते हैं हम लोग, डेमो 2.txt। फाइल को मैंने ओपन किया किस मोड में? रीड मोड में, फाइन, ओके। प्रिंट एफ डॉट टेल, ओके। एफ डॉट टेल आपका क्या बता देगा? आपकी फाइल की करंट पोजीशन, ओके। अब आपने क्या दिया? एफ डॉट सीक, राइट, 4। तो आपका अभी हमने क्या दिया? एक ही पैरामीटर दिया, ऑफसेट दिया है 4। तो आपका फाइल पॉइंटर कितने बाइट्स मूव करेगा? 4 बाइट्स, 1, 2, 3, 4, ओके। उसके बाद फिर से उसके बाद आपका रीड हो जाए, एफ डॉट रीड, ओके, देन क्लोज। देखो सबसे पहले आपने फाइल को ओपन किया, demo2.txt फाइल है मेरी, ओके। ये कहाँ पे है? ये पाइथन की डिफॉल्ट डायरेक्टरी में सेव है, राइट। ये कौन सी फाइल है? टेक्स्ट फाइल। इसको किस फॉर्म में आप किस मोड में ओपन करो? रीड मोड में, राइट। आपने फर्स्ट स्टेटमेंट क्या दिया? प्रिंट एफ डॉट टेल। इससे एफ टेल फंक्शन आपके आपको क्या बताएगा? फाइल पॉइंटर की करंट पोजिशन क्या है, ओके, बिगनिंग ऑफ द फाइल। फिर आपने क्या किया? पॉइंटर को 4 बाइट्स चलाया, ओके, और उसके बाद आपने इसको रीड कराया। तो आपका पॉइंटर कहाँ, तो रीड फंक्शन कहाँ से वर्क करेगा? पॉइंटर पोजीशन से वर्क करेगा, 4 बाइट्स के बाद वो उसको रीड करेगा, फाइन। तो इसको पहले हम एग्जीक्यूट करते हैं, सेव कर लो, ओके, रन करते हैं। देखो यहाँ पे आगे आपका 0 पोजीशन, पॉइंटर की 0 पोजीशन है, ओके। एंड आप पहले हम फाइल को देखते हैं, यहाँ पे देखो फाइल ये आपकी, पहले आपका पॉइंटर कहाँ था? 0 पोजीशन पे। फिर आपने इसको क्या चलाया? 4 बाइट चलाया, 1, 2, 3, 4,
राइट, 4 बाइट चलाया, उसके बाद आपने रीड फंक्शन का यूज किया है। तो अब पॉइंटर की पोजीशन कहाँ पे है, 4 बाइट्स पे है, तो कहाँ से डेटा आप रीड करोगे, पॉइंटर पोजीशन से रीड करोगे, तो आप यहाँ से रीड करोगे, इतना डेटा आपने रीड किया है, मतलब इतना डेटा रीड हुआ है, ओके, ऑन से लेकर एंड तक, राइट, क्योंकि सीक से आपने पॉइंटर को कहाँ पहुंचा दिया था, फोर्थ पोजिशन पे पहुंचा दिया था, राइट, ओके। नाउ अब क्या करते हैं, इसको करते हैं f डॉट सीक 6, राइट, ओके। मैंने सीक क्या दे दिया, 6 दे दिया है, और अब यहां पे मैंने आपका रेफरेंस पॉइंट या मोड नहीं दिया है कि कहां से स्टार्ट हो, तो बाय डिफॉल्ट कहां से स्टार्ट होगा, अगेन ये फर्स्ट पोजीशन से, मतलब 0 से स्टार्ट होगा, ओके। एफ डॉट 6 अब प्रिंट करा देंगे हम, 6 पोजीशन से रीड हो जाए, एफ डॉट रीड 6 पोजीशन से आप 5 करेक्टर्स रीड करा दो, ओके। 6 पोजीशन से आप कितना करेक्टर रीड कराओगे, 5 करेक्टर्स, और उसके बाद हम पोजीशन प्रिंट करा देते हैं, करंट लोकेशन ऑफ पॉइंटर एफ डॉट टेल, राइट, एफ डॉट टेल आपने दे दिया, और ये हम यहाँ पे भी दे सकते हैं, करंट पोजीशन ऑफ पॉइंटर, ओके, राइट। अब देखो पहले आपकी फाइल ओपन होगी, फर्स्ट जो कमांड दी है आपने, ओके, फिर आपकी उसकी करंट लोकेशन पॉइंटर की ये क्या करेगा, ये बताएगा, राइट, तो करंट पोजीशन आपकी हमेशा 0 होती है। उसके बाद आपने क्या किया, सीक फंक्शन का यूज करके उसको 4 बाइट्स मूव कराया, एंड देन फाइल को रीड कराया। अब अगेन मैंने सीक फंक्शन का यूज करके 6 बाइट मूव कराऊंगी, और कितना आपको रीड कराना है, आपको रीड कराना है 5 करेक्टर्स, और यू कैन से 5 बाइट्स होंगी, ओके। पहले तो मैंने क्या किया था, पूरी फाइल को रीड कराया था, अभी हम 5 करेक्टर्स को रीड कराएंगे, राइट। अब इसको क्या करते हैं, रन करते हैं, ओके। अब देखो करेंट लोकेशन ऑफ द पॉइंटर इक्वल्स टू 0, आपका 0 आ गया स्टार्टिंग में, ओके। देन आपने क्या किया था, हम यहाँ पे फाइल को ओपन कर लेते हैं, आपने फाइल को 4 बाइट्स मूव कराया, 1, 2, 3, 4, ओके। आपका फिर इसके बाद का जितना भी था वो आ गया, सीक से आपने 4 बाइट मूव कराया था, ओके। देन आपने क्या किया है, यहाँ पे देखो आपने क्या दिया था, 6 बाइट मूव करा के 5 करेक्टर्स को रीड कराया था, 1, 2, आपके 6 बाइट कहाँ से मूव होगा, फ्रॉम द स्टार्टिंग 0 से, ओके। तो हम इसको देखते, देखो 1, 2, 3, 4, 5, 6, ओके, 6 आपने सीक की पोजीशन क्या ली थी, 6, ओके, और 6 से आपको कितने बाइट्स रीड करने हैं, 5, तो अब रीड करेंगे 1, 2, 3, 4, 5, ओके, तो आपका कितना क्या आ जाएगा, PROG PROG, ओके, स्पेस एंड देन PROG PROG, राइट। तो देखो आपका यहाँ आया हुआ है, फाइन, PROG स्पेस आया हुआ है एंड देन PROG, राइट right? अब देखो करेंट पोजीशन, अब आपकी पॉइंटर की क्या है, 11, क्या लिया है फंक्शन में, सीक फंक्शन में लिया है 6, राइट, और रीड कितने करेक्टर्स कराए हैं, 5, ओके, तो ये कितना हो गया, 11, आपका पॉइंटर कितना मूव किया, 11, आपने पहले सीक फंक्शन की हेल्प से पॉइंटर को 6 पोजीशन पे पहुंचाया, राइट, यहाँ पे पहुंचाया 1, 2, 3, 4, 5, 6, और उसके बाद आपने 5 करेक्टर्स को रीड कराया, 1, 2, 3, 4, 5, तो टोटल कितना हो गया, 11, तो आपकी पॉइंटर की पोजीशन अभी क्या है, 11 बाइट्स, ओके। देखो ये आपकी पॉइंटर की पोजीशन है, हियर वी हैव पॉइंटर्स पोजीशन 11 बाइट, ओके, अंडरस्टूड, ओके। अब देखो यहाँ पे जब सीक फंक्शन का मैंने यूज किया, तो फाइल पॉइंटर हमेशा बिगिनिंग से स्टार्ट करता है, 0 से स्टार्ट करता है, जब आपने सीक 4 किया तब भी उसने स्टार्टिंग से पोजीशन से 0 पोजीशन से 4th बाइट पे गया, जब आपने सीक 6 किया तब भी वो स्टार्टिंग से 6 बाइट पे गया, पर अब मैं चाहती हूँ कि वो स्टार्टिंग से ना जाए, वो अपनी करेंट लोकेशन से जाए, मतलब 4 बाइट रीड करने, अब यहाँ पे देखो यहाँ पे तो एंड ऑफ द फाइल आ जाएगा, राइट,
तो मैं अगर चाहती हूँ एक पर्टिकुलर पोजीशन से वो क्या करे, रीड करे, या फिर एंड ऑफ द फाइल से रीड करे, तो या तो आप क्या करोगे, यहाँ पे आप प्रोवाइड करोगे, क्या दोगे, कौन सा पैरामीटर पास करोगे, आप मोड और यू कैन से रेफरेंस पॉइंट। तो मैं यहाँ पे वन कर देती हूँ, लेट्स सपोज, ठीक है। वन का क्या मीनिंग था, वन का मीनिंग था करेंट पोजीशन से, ओके। तो देखो पहले मैंने कर दिया सीक फोर और रीड में कर दो थ्री, पहले पॉइंटर फोर्थ पोजीशन पे जाए और थ्री करेक्टर्स को रीड करे, ओके फाइन। फिर क्या करे, सिक्स पॉइंटर कितना चले, सिक्स बाइट्स चले, कौन सी करेंट पोजीशन से, सेवेंथ पोजीशन से, क्योंकि फोर प्लस थ्री सेवन, सेवन पे चले जाएगा, फिर वहां से रीड करे, ओके। वन का क्या मीनिंग होता है, करेंट पोजीशन, फाइन। अब एक चीज और, यहाँ पे मैंने फाइल को ओपन किया है टेक्स्ट मोड में, राइट। तो टेक्स्ट मोड में जब आप फाइल को ओपन करते हो, इट ऑलवेज स्टार्ट्स, जो फाइल पॉइंटर होती की पोजीशन होती है वो हमेशा स्टार्टिंग मतलब और उसकी स्टार्टिंग पोजीशन से वो स्टार्ट करता है, फर्स्ट पोजीशन से वो उसको लोकेट स्टार्ट करता है। तो मैं ये चाहती हूँ करेंट पोजीशन से करे या फिर एंड ऑफ द फाइल से करे, तो हम इसको बाइनरी मोड में ओपन करेंगे फाइल को, समझ आ गया। क्या होता है, जब आप टेक्स्ट मोड में फाइल को ओपन करते हो तो पॉइंटर विल ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम द बिगनिंग ऑफ द फाइल, राइट। वो हमेशा फाइल की बिगनिंग से स्टार्ट करेगा, पर अगर आपको करंट पोजीशन से अपने पॉइंटर को मूव कराना है या एंड ऑफ द फाइल से मूव कराना है, तो आप किस मोड में फाइल को ओपन करोगे, आप बाइनरी फॉर्म में फाइल को ओपन करोगे। तो मैंने यहाँ पे आर के बाद बी लगा दिया है, तो अब ये क्या है, बाइनरी फॉर्म में फाइल को ओपन करेगा, राइट। अब देखो, अब यहाँ पे हम इसको समझते हैं। ओपन किया आपने फर्स्ट फाइल को, आपने प्रिंट करा दी करंट लोकेशन फाइल की, देन आपने क्या किया, सीक फोर, सीक फोर किया है मतलब आपका पॉइंटर कहाँ जाएगा, फोर बाइट्स पर, करंट मतलब बिगनिंग ऑफ द फाइल से, कितने करेक्टर्स को रीड करेगा, थ्री को, ओके। देन वो सिक्स लोके मतलब करंट पोजीशन से आगे मूव करेगा सिक्स करेक्टर्स, ओके, एंड कितने करेक्टर्स को रीड करेगा, फाइव। देन इट विल टेल यू द पॉइंटर पोजीशन, इसको मैं करके दिखाती हूँ, रन करते हैं, रन करो, देखो यहाँ पे हमारी फाइल, सबसे पहले देखो इधर देखो, करंट लोकेशन ऑफ द पॉइंटर इक्वल्स टू जीरो, ठीक है, स्टार्टिंग से आया आपका पॉइंटर की पोजीशन स्टार्टिंग पे है। अब आपने क्या दिया था, कितना बाइट्स मूव करे, वन टू थ्री फोर, फोर से कितने आपको लेने थे, आपको लेने थे थ्री, ओके। सी की पोजीशन क्या थी आपकी, फोर, देखो सी की पोजीशन आपकी फोर है और रीड कितना करना है आपको, थ्री करेक्टर्स, राइट। तो यहां से थ्री करेक्टर्स रीड करेगा, वन कौन कौन से, ओ एन एन स्पेस, ये थ्री करेक्टर्स रीड कर लिए इसने, ओ एन एन स्पेस, राइट। तो यहाँ पे देखो आपका आ गया है आंसर दिस, ओके, ऑन एन स्पेस, फाइन। अब आपने क्या दिया है, अब आपने सीख दिया है कितना मूव करे, करेंट लोकेशन से, करेंट लोकेशन से मूव करे सिक्स, राइट, करंट लोकेशन से कितना मूव करे, सिक्स। तो आपकी करंट लोकेशन ये है, यहां से सिक्स मूव करेगा, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स आ गया। अब यहां से इसको फाइव करेक्टर्स रीड करने, ओके, तो वन टू थ्री फोर फाइव, इतने करेक्टर्स रीड करेगा ये, देखो रिजल्ट देखो आ गया, इतने करेक्टर्स रीड कर लिए इसने, ठीक है। सिक्स लोकेशन से पहले वो देखो, अब यहाँ पे क्या है, बिगनिंग से स्टार्ट नहीं करा, करंट लोकेशन से स्टार्ट करा, इसकी करंट लोकेशन यहाँ पे थी, यहाँ से, ठीक है, करंट लोकेशन इसकी कितनी थी, इसकी करंट लोकेशन थी सेवन बाइट्स, सेवन बाइट्स पे आपका फाइल पॉइंटर था, राइट। फिर वहां से उसने सिक्स मूव किया, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स, सिक्स क्योंकि हमने सीक में वैल्यू दी है सिक्स, और रीड कितना करवाया है, आफ्टर मूविंग सिक्स बाइट्स आपने रीड करवाया फाइव, तो वन टू थ्री फोर फाइव, ओके, एम एम आई एन जी, एम एम आई एन जी आपका रिजल्ट आ गया, ओके। और आपकी पॉइंटर पोजीशन अब आ गई है 18, पॉइंटर पोजीशन 18 क्यों आई है, देखो यहाँ पे पहले वो सेवन चला, फोर पॉइंटर कहाँ पे गया, पहले फोर्थ पोजीशन पे गया, फिर उसने थ्री रीड किया, ओके, तो सेवन हो गया। सेवन के बाद उसने क्या किया है, सिक्स चला है वो आगे, राइट, ओके, आपका सिक्स आगे चला है, तो थर्टीन हो गया, ओके, देन आपका फाइव,
ओके तो क्या हो गया ये 18, फाइल पॉइंटर की पोजीशन क्या हो गई है 18, अंडरस्टूड? ओके अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, एक एग्जांपल और देखते हैं जहां पे हम नेगेटिव ऑफसेट का यूज करके देखते हैं, ठीक है। हमने फाइल को ओपन किया डेमो 2.txt, राइट, आरबी मोड में इसको ओपन करेंगे बाइनरी फॉर्म में, ओके। अब देखो f.seek, मैंने क्या किया -6 लिया, ओके फाइल, तो ये कहाँ से स्टार्ट करेगा फाइल, और यहाँ पे लिया 2, तो ये बैकवर्ड डायरेक्शन में जाएगा कहाँ से, एंड ऑफ द फाइल से जाएगा, ठीक है, एंड ऑफ द फाइल, राइट। अब प्रिंट करा देते हम f.read, ओके, एंड प्रिंट करंट लोकेशन ऑफ पॉइंटर f.tell, देन आप इसको क्लोज करा दो, क्लोज, राइट, सेव करते हैं। अब रिजल्ट आपका कैसे आया मैं दिखाती हूँ। यहाँ पर देखो, पहले हम यहाँ पे अपनी फाइल पे जाएंगे। आपने क्या किया है, फाइल को ओपन किया है, ओके, आरबी मोड में आपने सी क्या किया है, -6, तो -6 ये कहाँ से चलेगा, ये चलेगा एंड ऑफ द फाइल से, क्योंकि आपने ये जो रेफरेंस पॉइंट दिया है वो 2 दिया है, तो ये कहाँ चलेगा, एंड ऑफ द फाइल से चलेगा, कितना, इन द बैकवर्ड डायरेक्शन। तो यहाँ पे देखो मैं आपको समझाती हूँ, ये आपका एंड ऑफ द फाइल है, यहाँ पे एंड ऑफ द फाइल है, ओके, क्योंकि आपने 2 दिया हुआ है, 2 दिया हुआ है, राइट, 2 दिया हुआ है, तो ये आपका एंड ऑफ द फाइल है। अब यहाँ से कितना चलेगा बैकवर्ड डायरेक्शन में, 1, 2, 3, 4, 5, 6 यहाँ तक चलेगा, ओके, राइट। देन आपने क्या दे दिया, नेक्स्ट स्टेटमेंट दे दिया f.read, ओके, अब यहाँ से ये रीड करेगा इसको। फिर से देखो आपने क्या दिया है, f.seek फंक्शन में क्या पास किया है, -6 किया है, ओके, तो ये कहाँ चलेगा पॉइंटर, बैकवर्ड डायरेक्शन में चलेगा, और हमने इसका रेफरेंस पॉइंट क्या दिया है, हमने मोड क्या दिया है 2, तो 2 क्या होता है, एंड ऑफ द फाइल, एंड ऑफ द फाइल से चलेगा, तो ये कहाँ से चला, यहाँ से चला एंड ऑफ द फाइल से, ये एंड ऑफ द फाइल से चला 1, 2, 3, 4, 5, 6 यहाँ तक चला, ओके, राइट। अब आपने क्या दे दिया, f.read, अब ये रीड करेगा, तो अब ये रीड करेगा 1, 2, 3, 4, 5, 6 मतलब आप एंड ऑफ द फाइल तक ये रीड करेगा, ओके, तो आपका रिजल्ट देखो, आपका रिजल्ट ये क्या आ गया, आपका रिजल्ट, ओके, हिंदी आ गया, स्पेस एंड हिंदी, राइट, और करंट लोकेशन उसने बता दिया है आपकी 36 है फाइल पॉइंटर की, अंडरस्टूड, ओके, समझ आया। देखो यहाँ पर अब मैं इसको एक बार चेंज करते हैं इसके पैरामीटर्स, यहाँ -6 की जगह मैं कर देती हूँ -10, ओके, और आपने मोड क्या दिया है 2, तो एंड ऑफ द फाइल से चलेगा, और कितने करेक्टर्स रीड कराते हैं, 5 कराते हैं, ओके, और फिर कर्सर की आपकी फाइल पॉइंटर की पोजीशन ही बताएगा, सेव कर दो, ठीक है, रन कराते हैं, रन। अब देखो, अब यहाँ पे इसने क्या रीड किया है, एल फिर स्पेस और एन, ओके, तो कैसे रीड किया है, यहाँ पे देखते हैं हम, फाइल पे जाएंगे, एफ, देखो एंड दिस, इधर देखो, सबसे पहले आपने क्या किया, आपने सीक करवाया है -10, और कहाँ से आपको ये चलेगा पॉइंटर, एंड ऑफ द फाइल, तो यहाँ से 10 चलेगा, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ओके, पोजीशन आ गई इसकी यहाँ पर पॉइंटर की। अब यहाँ से आपने रीड करवाया 5 करेक्टर्स को, तो 5 करेक्टर्स कौन कौन से रीड करेगा, एल 1 फिर स्पेस 2 देन इन 3 देन 4 एंड देन स्पेस, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक रीड करेगा, राइट, एल देन स्पेस, ओके, 2 करेक्टर्स देन इन 4 करेक्टर्स एंड देन स्पेस 5 करेक्टर्स, राइट, 5 करेक्टर्स तक
क्या करेगा, रीड करेगा, देन आप फाइल पॉइंटर की पोजीशन बता दोगे. ओके, तो देखो आपका रिजल्ट क्या है, एल देन स्पेस देन इन देन स्पेस. अंडरस्टूड? ओके, समझ आया? फिर से समझा दूं एक बार, कहां से चला है, एंड ऑफ द फाइल से चला है, क्योंकि आपने जो रेफरेंस पॉइंट दिया है वो टू दिया है. ओके, तो एंड ऑफ द फाइल से कितना ये बैकवर्ड डायरेक्शन चलेगा, 1 2 3 4 5 6. ओके, देन 7 8 9 10 एल तक पहुंच गया. अब ये इसकी पोजीशन यहाँ पे, अब यहाँ से ये फाइव कैरेक्टर्स को रीड करेगा, तो 1 2 3 4 5 एल स्पेस इन एंड देन स्पेस, ये फाइव कैरेक्टर्स रीड कर लिए. अंडरस्टूड? ओके, अब देखो ये हमने पहले प्रोग्राम बनाया था, इसमें मैंने ये माइनस और ऐड कर दिया, राइट. अब देखो इसको एक बार फिर से देखते हैं. आपने फाइल को ओपन किया, राइट, और आपने उसके बाद क्या दे दिया, करेंट लोकेशन ऑफ द फाइल पॉइंटर F10, राइट. ओके, करेंट पोजीशन आ जाएगी. फिर आपने सीक किया 4, वो कितना चलेगा आगे, 4. कितने करेक्टर सीड कराओगे, 3. ओके, पहले मैं इसको रन कराती हूँ, फिर आपको इसको समझाती हूँ. फाइन, मैं इसको रन कराती हूँ, रन मॉड्यूल. करेंट लोकेशन है 0. ओके, अब हम फाइल को ऐसा करते हैं, ऐसे इसकी हेल्प से मैं आपको समझाती हूँ. सबसे पहले क्या है, करेंट लोकेशन ऑफ द फाइल पॉइंटर, ये 0 है, स्टार्टिंग पोजीशन 0 होती है. फिर वो कितना चलेगा, 4. 1 2 3 4, मतलब सीक में आपने 4 दिया है, फाइल पॉइंटर आपका 4 पे चला गया. अब रीड कितना करेगा, 3. तो क्या क्या रीड करेगा, 1 2 3, मतलब यहां से लेकर यहां तक रीड करेगा, ठीक है, जो आपका एफ रीड का फर्स्ट जो आपका स्टेटमेंट आएगा. तो आप यहाँ पे देखो आपका इसने क्या रीड किया है, ऑन एंड देन स्पेस किया है, ऑन एंड देन स्पेस. फाइन, अब देखो नेक्स्ट हमारे स्टेटमेंट तक हो गया है, जहां पे आपने रीड थ्री कर लिया है. ओके, अब करेंट पॉइंटर की पोजीशन क्या है, यहां पर है करेंट पॉइंटर की पोजीशन, यहां पर है. ओके, अब आपने नेक्स्ट क्या दिया, f.seek, और इसमें क्या पास किया, -6. ओके, -6 एंड 1. ओके, क्या दिया है आपने, -6 एंड 1. ओके, राइट. तो देखो अब करंट पॉइंटर पोजीशन से कहां जाएगा, ये बैकवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगा. आपका जो पॉइंटर है -6 है ना, तो अब क्या किस पोजीशन, करंट पोजीशन, क्योंकि 1 दिया हुआ है, करंट पोजीशन इसकी यहां पर है, ऑन यहां पर है, ठीक है, स्पेस के बाद है, तो करंट पोजीशन से ये कहां जाएगा, -6. तो -6 जाएगा, 1 2 3 4 5 6, 6 पे चला गया, बैकवर्ड डायरेक्शन में जाएगा. फिर से देखो करंट पोजीशन इसकी यहाँ पर है, फिर से समझो, देखो पहले फाइल सीक से ये गया आपका पॉइंटर 4 पे, 1 2 3 4, 4 पे गया, 4 से उसने रीड किए 3 करेक्टर्स, 1 2 3 1 2 3, ऑन एंड स्पेस करेक्टर. फाइल पॉइंटर की पोजीशन अभी यहाँ पर है. अब आपने दिया है सीक -6, और कहां से आपको रीड कर, कहां से आपको चलना है, करंट पोजीशन से चलना है, 1 से चलना है. 1 मींस करंट पोजीशन, 0 मींस स्टार्टिंग ऑफ द फाइल, 1 मींस करंट पोजीशन, एंड 2 मींस एंड ऑफ द फाइल. ओके, तो यहां पे करंट पोजीशन इसकी 1 है, ठीक है. 1 से इसको बैकवर्ड डायरेक्शन में कितना चलना है, -6, तो आप 6 चलोगे, 1 2 3 4 5 6. ओके, पॉइंटर की पोजीशन यहाँ पे आ गई. अब आपने रीड कितने करवाया, 5. अब यहाँ से 5 करेक्टर्स रीड करेगा, तो आपका 1 2 3 4 5 क्या रीड होगा, YTHON. ओके, राइट, कितने करेक्टर्स आपको रीड करा दे, 5. ओके, तो अब यहाँ पे देखो आपका रिजल्ट YTHON, राइट. और अब आपके पॉइंटर की पोजीशन क्या है, 6 है. ओके, आपके पॉइंटर की पोजीशन क्या है, 6 है. यहाँ पे आप रीड करके भी देख सकते हो, यहाँ से अगर रीड करेंगे तो 1 2 3 4 5 6, 6 पोजीशन पे वो आ गया है. ओके, ओके चिल्ड्रन, नाउ वी विल मीट इन नेक्स्ट वीडियो. इफ यू लाइक माय वीडियो, प्लीज लाइक इट, शेयर इट एंड सब्सक्राइब माय चैनल. थैंक यू.